हेलो एवरीवन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड अ वेरी वॉम वेलकम गुड इवनिंग नवीन अतुल काजल तृप्ति सभी को नमस्कार स्वागत तो ये प्रैक्टिस सेशन जो है ये आज से शुरू हो रहा है और ये आपका 7 पीएम हम स्टार्ट करेंगे और अभी जो क्वेश्चंस मैंने रखे हैं ये सीजियल 2023 में जो आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं ये उनकी हम यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं तो एक्चुअली जो 2023 में एस के सारे एग्जाम्स हम शुरुआत सी से करेंगे इसमें जो आपको आगे के सेशंस में भी यानी ये पूरे वीक मंडे से लेके फ्राइडे तक हम जो क्वेश्चंस करेंगे ये एस के द्वारा 2023 में अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चनस वो सी भी है सी भी है एम भी है तो सबका यहाँ पे कंबाइंड एक कलेक्शन आपको मिलेगा और यहाँ पे फोकस डेफिनेटली एरर डिटेक्शन की जब होगी या ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस के होंगे तो वहां हम सिर्फ एबीसीडी नहीं करने वाले हर एक क्वेश्चन के साथ जो डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है जो उसके साथ एसोसिएटेड है कुछ और पेरीफेरल इंफॉर्मेशन जो उसके साथ जुड़े हुए हैं उन सभी की डिटेल्ड मैनर में चर्चा होगी तो आइए शुरू करते हैं ये डिस्कशन आप तैयार हैं गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग लेट्स गेट स्टार्टेड शुरू करते हैं नवीन यहाँ आदेशित कर रहे हैं गुरु जी दो से स्टार्ट करना तो अभी दो से स्टार्ट हो रहा है पिछले साल का देख लो वैसे ही बहुत क्वेश्चन है जो क्वेश्चन मैंने इकट्ठा किए हैं वो टू नाइनटी प्लस क्वेश्चन हैं इवन आई थिंक टू नाइनटी वन क्वेश्चन है तो इतने क्वेश्चन से ही जब इतने क्वेश्चन आप देखोगे जो लास्ट ईयर में पूछेंगे अलग अलग एग्जाम्स में तो जितने भी रेलिवेंट कॉन्सेप्ट हैं हमारे ग्रामर के वो सब एक तरह से यहाँ पे रिवाइज हो जाएंगे ठीक है तो आइए शुरू करते हैं बाकी फिर आपसे पूछता रहूंगा क्या करना है कैसे करना है चलो तो ये पहला क्वेश्चन है नीतू हैव बीन वेटिंग फॉर मी है क्लॉक इन द मॉर्निंग अब इसमें आपको पता करना है एरर कहां पे है एरर बताइए 2023 हजार तेईस फर्स्ट हाँ जी तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कोई दिक्कत है और अपना साथ ही साथ आप ट्रैक भी करते रहेंगे तो यहां पे इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको पता है कि हैव की जगह पे यहां पे क्या आना चाहिए हैज आना चाहिए क्यों क्योंकि नीतू सिंगुलर है तो हैज बीन वेटिंग फॉर मी सिंस टेन ओ क्लॉक दस बजे से अच्छा मैं अगर आपको यह पूछूं कि यहां पे सिंस की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है तो आप क्या बताएंगे और साथ ही साथ एक और एसोसिएटेड क्वेश्चन शब्द कितने तरीकों से इस्तेमाल हो सकता है इसमें तो खैर किसी को कोई दिक्कत नहीं है नीतू के साथ हैज बीन जाएगा बट सिंस यहां पे है क्या तो यहां पे सिंस जो है उसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल है प्रेपजिशन ये प्रेपजिशन है और ये आप बचपन से पढ़ रहे हैं सिंस और फॉर के बारे में खासतौर से परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंसेसिस के लिए कि जब भी हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं तो वहाँ पे फॉर लगता है और जब भी पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो वहाँ पे हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि टेन ओ लिखा है तो सिंस ही लगेगा अगर वहीं पर लगा होता फ़ॉर टू आवर्स फॉर फोर आवर्स वो पीरियड की बात कर रहा होता तो आप वहाँ पर जाते किसके साथ फॉर के साथ इतना ज्ञान सभी को है परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंसेिस में लेकिन मैं थोड़ा सा और आपको आगे ले जाना चाहता हूँ कि सिंस का इस्तेमाल आप कितने तरीकों से करते हैं तो देखो सिंस प्रेपरिशन के लिए तो बिल्कुल इस्तेमाल होता ही होता है ये प्रेपरिशन भी है ये जितने भी यूसेज आप इस तरह से देखते हो उसके बाद इसका इस्तेमाल आप कंजंक्शन के तौर पे करते हैं और सिंस का इस्तेमाल कैसे होता है एडवर्ब के तौर पे होता है क्या कमेंट सेक्शन में आप एग्जांपल दोगे मुझे कंजंक्शन वाले काजल बताओ कंजंक्शन और एडवर्ब का ले एग्जाम्पल वेरी गुड तो कंजंक्शन अगर मैं थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो जाऊं तो ये सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ रीजन होता है कारण के तौर पे आपको पता है सिंस का इस्तेमाल आप कारण के लिए करते हैं सिंस uh, है बिकॉज है एज है ये सारे के सारे सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ रीजन है कारण बताते हैं और एडवॉब के तौर पर जैसे आपने इस तरह के सेंटेंसेस देखे होंगे कि आई आई हैवेंट विजिटेड हिज प्लेस सिंस देन मैंने तब से उसके घर की तरफ रुख नहीं किया उसके घर में नहीं गया जब से वो घटना घटी थी सेंटेंस और लंबा हो सकता है बट ये सिंस देन या कई बार आपको एवर सिंस लिखा हुआ दिखता है तो एवर सिंस भी अगर सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है तो वो एडवर्ब के ही तौर पे इस्तेमाल होता है एडवर्ब ऑफ टाइम के तौर पे इस्तेमाल होता है और एवर सिंस की डिग्री सिंस देन से थोड़ी सी हायर साइड पे होती है कि मैं तब से मैंने उससे बात नहीं की तब से मैं उससे मिला नहीं राइट तो ये कहानी है यहां पर ठीक है चलिए तो ये आप बाकी कमेंट में एग्जांपल्स लिखिएगा आराम से आइए अगले पे चलते हैं अगला है सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस और अगर आप मेरे साथ एडिटोरियल सेशन करते हैं तो आपको ध्यान होगा कि जो मैं ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन उसमें दे रहा हूं खासतौर से स्पीकिंग ट्री वाला जो आर्टिकल होता है फिलॉसफी बेस्ड उस उसमें पांच क्वेश्चन आपको डेली ग्रामर बेस्ड मिलते हैं इसी चैनल पे हमारी मुलाकात आठ बजे हो रही है अभी एडिटोरियल में वहां मैं ऐसे क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ पैटर्न के ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस हैं जहां पे वो एक ही सेंटेंस को चार तरीके से लिखते हैं और आपसे पूछते हैं कि इसमें कौन सा जो स्ट्रक्चर है वो ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है तो देख लो भाई द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कॉम्पिटिशन आर वेटिंग फॉर देयर टर्न क्यूरियसली पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कॉम्पिटिशन वेटिंग तो इतनी समझ सभी को है कि जैसे ही आप यहां पे पार्टिसिपेंट्स वर्ड देख रहे हो आपको समझ आ रहा है कि ये प्लूरल है और प्लूरल के साथ ना तो हैज जाने वाला ना इज जाने वाला ना यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे आर ही आएगा और बाकी और समस्याएं तो खैर है ही पार्टिसिपेंट्स के साथ आप अ नहीं लगा सकते ठीक है प्लूरल है द पार्टिसिपेंट्स आप डेफिनेटली स्पेसिफाई कर सकते हैं क्योंकि आप किसी खास कॉम्पिटिशन की बात कर रहे हैं सो द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कॉम्पिटिशन आर वेटिंग फॉर देयर टर्न क्यूरियसली यहां पे ये देयर भी बिल्कुल पैरल है क्योंकि हम बात यहां पे पार्टिसिपेंट्स की कर रहे हैं और ये पूरा का पूरा फ्रेज किस तरह का है नाउन फ्रेज है क्योंकि वर्ब यहां पे लगा हुआ है वर्ब से पहले जो है वो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट है तो हम इसे क्या नाम देंगे नाउन फ्रेज और इस नाउन फ्रेज में ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग गवर्न होगा डेफिनेटली इस पार्टिसिपेंट्स के अकॉर्डिंग राइट right? और इसी को आप कई बार रूल के फॉर्म में रटते हैं कि प्रिपोजिशन के पहले जो लिखा होता है वो गवर्न करता है बट ये कोई रटने की बात नहीं कॉमन सेंस की बात है राइट right? आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे आफ्टर नोइंग ट्रूथ द जूरी टुक द राइट डिसीजन इन द केस बताइए कहां पे एरर है ये सारे 2023 हजार सीजल ही आपको शुरू में दिखाई देंगे आफ्टर नोइंग ट्रूथ द जूरी टुक द राइट डिसीजन इन द केस इज द प्रॉब्लम हाँ जी ट्रुथ के साथ वेरी गुड साहिल सबसे पहला जवाब ट्रुथ के साथ क्या आएगा द आएगा आफ्टर नोइंग द ट्रुथ ट्रुथ की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है वॉट इज द ग्रामेटिकल प्रोफाइल ऑफ ट्रुथ ट्रुथ जो है ये नाउन है और इससे बनने वाला एडजेक्टिव क्या होता है ट्रू ग्रामेटिकल प्रोफाइल पे हमेशा ध्यान रखो आप उसकी समझ बहुत जरूरी है क्योंकि एस एस सी फंडामेंटल्स बेसिक्स का एग्जाम है अगर आपके फंडामेंटल्स स्ट्रांग हैं तो फिर कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आती इसके लिए आप ट्रू स्टेटमेंट बोलते हैं ट्रू जो है वो एडजेक्टिव है ट्रू स्टेटमेंट ये रटने की बात नहीं है आप तुरंत यूज कर लो सेंटेंस में आपको समझ आ जाता है बचपन से आप ये सेंटेंस पढ़ रहे हो ट्रुथ ऑलवेज प्रीवेल्स सो तो यहाँ पे ट्रुथ क्या बन गया सेंटेंस का सब्जेक्ट सब्जेक्ट कौन बनता है नाउन नाउन का ये नाउन है और ये एडजेक्टिव सो तो आफ्टर नोइंग द ट्रूथ द राइट डिसीजन इन द केस अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आफ्टर नोइंग द ट्रुथ ये किस तरह का फ्रेज है तो क्या बताओगे What काइंड ऑफ फ्रेज इज दिस क्या है नवीन क्वेश्चन अभी रुक जाओ भाई पूरी क्लास का भी ध्यान रखना है ना इससे संबंधित जो यहाँ पे बात हो रही है उसके बारे में बात होगी नवीन ये ध्यान में रखना है बाकी मैं आपको अभी क्लास के बाद कमेंट में आंसर कर दूंगा डोंट वरी इसका ध्यान रखा करिए कि बहुत सारे लोग देखते हैं तो जो बात चल रही है उसके साथ संबंधित सवाल और जवाब हाँ जी तो द जूरी जु, टुक द राइट डिसीजन इन द केस आफ्टर नोइंग द ट्रूथ तो ये आफ्टर नोइंग द ट्रूथ क्या है ये एडवर्बियल फ्रेज है ये एडवर्बियल फ्रेज है क्योंकि जो एडवर्बियल फ्रेजेस होते हैं वो सेंटेंस के शुरू में भी लग सकते हैं और लास्ट में भी लग सकते हैं तो द जूरी आपको दिख रहा है सब्जेक्ट ये है यहां पर सब्जेक्ट है अब अगर वही वाली आदत है कि नहीं सब्जेक्ट तो शुरू सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है तो भाई सेंटेंस के स्टार्टिंग में हमारे एडवर्बियल्स भी आते हैं चाहे वो एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम है एडवर्बियल फ्रेज ऑफ मैनर है प्लेस है रीजन है राइट तो सच जानने के बाद द जूरी टुक द राइट डिसीजन और जूरी के साथ आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि कलेक्टिव नाउन के बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं कलेक्टिव नाउन का क्या कॉन्सेप्ट है कि भाई कलेक्टिव नाउन के मेंबर अगर किसी भी एक्शन में यूनाइटेड तरीके से काम कर रहे हैं तो आप उनको सिंगुलर लेते हैं और अगर डिवाइडेड तरीके से तो प्लूरल लेकिन क्योंकि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट दिया है तो वो सिंगुलर प्यूरल का चक्कर वैसे ही ख़त्म हो जाता है जब भी एग्जामिनर आपको सिंगुलर और प्यूरल में परेशान करेगा तो वो क्या देगा वो डेफिनेटली आपको इज और आर हैज़ हैव वाज वर डू डज इसी में छिड़ते हैं इन्हीं के माध्यम से आपकी टेस्टिंग करी जा रही है कि आप उसको समझ पा रहे हो कि नहीं कि वहाँ हमें सिंगुलर चाहिए या प्लूरल लेकिन पास्ट में ऐसी कोई बात नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दर्शन विस्ट ही हैडेंट वेंट टू द थीम पार्क इन द फर्स्ट प्लेस तो आई थिंक पढ़ते ही जवान आपकी रुकेगी दर्शन विस्ट ही हैडेंट इन द फर्स्ट प्लेस वेंट टू द थीम पार्क और देखो ये अब थोड़ा सा जो एक शिफ्ट भी आपको ऑप्शन के में मिलता है कि जरूरी नहीं है कि जिस ऑर्डर में वो पार्ट लिखे हैं उसी ऑर्डर में यहां पर भी दिया जाए अब यहां पे इन द फर्स्ट प्लेस बी में आ गया एंड वेंट टू द थीम पार्क ये सी में तो बहुत ध्यान से करना है कि जल्दबाजी में हमसे गलतियां ना हो सिली मिस्टेक जिसको आप बोलते हैं तो भाई सभी को पता है कि हैडेंट लिखा है यहां पे और हैडेंट के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी थर्ड फॉर्म होगी दर्शन विस्ट ही हैडेंट गॉन टू द थीम पार्क इन द फर्स्ट प्लेस सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेंस एन एरर एंड लॉयन इज द मोस्ट फेरोसियस ऑफ ऑल एनिमल्स पढ़ते ही नजर आ रहा है और देखो हर एग्जाम में आपके पास इजी डिफिकल्ट मॉडरेट वेरी डिफिकल्ट हर तरह के क्वेश्चन होते हैं और हमें उसी पे कैपिटलाइज करना होता है तो भाई लायन के पहले एन नहीं लग सकता सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है इसी में प्रॉब्लम है अलन इज द मोस्ट फेरोसियस ऑफ ऑल एनिमल्स आर्टिकल की दिक्कत है द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स विल बी एनश्योर्ड इफ दे ऑल ट्राइड टू सबमिट द प्रपोजल्स ऑन टाइम जी अवेलेबिलिटी ऑफ फंड विल बी सबमिट द प्रपोजल्स या नो एर नो एर देखो जनरली लास्ट में हुआ करता था बी में ऑप्शन किसके साथ जा रहे हो आप कौन सा कंडीशनर इस्तेमाल हो रहा है अंकित स्पोकिन बैच की जो वीडी है वो कल से अवेलेबल होगी आपके लिए सूरज इसमें क्या समझना है भाई ये कौन सा कंडीशनल दिख रहा है आपको देखो जब आप कंडीशनल पढ़ते हैं तो फोर टाइप्स ऑफ कंडीशनल आते हैं टाइप वन टाइप टू टाइप थ्री टाइप फोर बहुत ही मैथमेटिकल टॉपिक होता है और उसमें जो टाइप वन है वो किस तरह का है कि भाई जब आप जो इफ वाला क्लॉज है यानी जो कंडीशनल क्लॉज है जब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है तो दूसरा वाला जो क्लॉज है मेन क्लॉज वो किस में चला जाएगा वो फ्यूचर में चला जाएगा आपको याद होगा बचपन से ये सेंटेंस सुन रहे हो पढ़ रहे हो इफ यू वर्क हार्ड गेट सक्सेस आया ना बट हमारा क्या होता है ना कि वैसे तो हमारे पास ज्ञान रहता है जब एग्जाम में आता है तो दिमाग की बत्ती फिर नहीं जलती तो अब यहां पर क्या इफ यू वर्क हार्ड यू गेट सक्सेस इफ ये वाला क्लॉज क्या कहा जाएगा ये क्लॉज जो है आपका ये एडवर्बियल क्लॉज है ये एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन है ये शर्त की बात कर रहा है किस शर्त के इस वर्ब के होने के भाई तुम्हें सफलता कब मिलेगी उसकी क्या शर्त है अगर तुम मेहनत से काम करते हो यू विल गेट सक्सेस इफ क्या है यहां पे इफ है है कंजंक्शन कंजंक्शन आपको पता है जब आप conjunction से शुरू करते हैं तो कॉमा बीच में लगता है और अगर कंजंक्शन बीच में आएगा तो कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है यानी इस बात को हम और कैसे कह सकते हैं यू विल गेट सक्सेस इफ यू वर्क हार्ड अब इसको यहां पर फिट करके देखो द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड विल बी एनश्योर्ड इफ दे ऑल ट्राइड टू सबमिट राइट तो अब यहां वाला जो विल वाला क्लॉज है वो यहां पे आ गया बट फर्क क्या है कि विल वाला क्लॉज अब लिखा हुआ है पैसे वॉयस में ये पैसे वायस में चला गया राइट ये आपका पैसे वायस हो गया

यहां पे एरर पूछा जा रहा था तो एरर कहां पे है डी पार्ट में एरर है इफ दे ऑल ट्राइड टू की जगह पे दे ऑल ट्राई टू सबमिट द प्रपोजल्स ऑन टाइम बात समझ आ गई सभी को हा या ना और देखो अभी जब पेपर आपका धीरे धीरे यूसेज बेस्ड हो रहा है जो पुराना पैटर्न था हमारा सीजियल मेंस का आप जानते हैं वहां पे वायस के 20 क्वेश्चंस नरेशन के 27 क्वेश्चंस होते थे लेकिन अब एग्जामिनर और नरेशन को चेंज करने के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं क्योंकि अब टोटल क्वेश्चन ही फोर्टी है एक टाइम पे फोर्टी क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से होते थे और बहुत ही मैथमेटिकल टॉपिक है ये भाई आपको पता है कि अगर एक्टिव वॉयस में ये लगा है तो पैसे में ये लग जाएगा लेकिन उसके अलावा भी आपको ये समझ जरूर होनी चाहिए कि व्हेन वी राइट समथिंग इन एक्टिव वॉयस एंड व्हेन वी राइट समथिंग इन सो व्हेन डूअर ऑफ द एक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द एक्शन इट तो आप एक्टिव वायस में जाते हैं और एक्टिव का मतलब टेंस के नियमों के अनुसार जो कि ये वाला पैटर्न है हमारा लेकिन में एक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट द डूअर ऑफ एक्शन का उपलब्धता इंश्योर की जाएगी कौन करेगा उसके बारे में कोई बात नहीं और उसकी शायद जरूरत भी नहीं है क्योंकि कई बार फोकस एक्शन के ऊपर होता है तो जब फोकस आपका एक्शन के ऊपर है ना कि डूअर के ऊपर तो आप पैसे में जाएंगे और पैसे में देख करके

ये सारे के सारे जो आपके एक्सप्रेशन हैं ये एक्टिव वॉयस में है अगर बात में बदलाव हो रहा है तो स्ट्रक्चर बदलेगा और पैसे वॉयस में आपको पता है कि भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी चाहे आप किसी भी टेंस में हो तो यहां पे वही कहानी थी तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर को पहचानने की ताकत हमारे अंदर होनी चाहिए क्लियर होगी बात सभी को आगे बढ़े चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट स्टेटमेंट फ्रामी आई एम पार्टी इट इज अ पार्टी आई एम एन पार्टी एंड एन पार्टी वाह बहुत अच्छा तो ये सब देखो नए पैटर्न के क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्कोरिंग क्वेश्चन किसके साथ जा रहे हैं डेली बुकेबडोज की जल्दी होगी स्टार्ट हो साहिल मैं हट जाऊँ साइड में क्वेश्चन कैसे दिखेगा आपको चलो इधर कर लो अपना ए बी सी डी टाइमर लगाऊँ या रहने दूँ प्रिंसी ए काजल ए अतुल ए फिर काजल डी पूजा ए ढंग से देख लेना यहाँ पे <laughs> ये वाली गड़बड़ होगी नजर आ गया बैक बेंचर रहें क्या ख़तरनाक नाम लिखते हो भाई अ पे लिखा है डी और बी पे लिखा है सी और सी में लिखा है बी और डी में लिखा है ए ये सब फीचर पहले बैंक वाले पेपर्स में ही हुआ करते थे वो थोड़ा घनचक्कर करते थे आपको प्रेशर में <laughs> अब वो चीज़ें आपको एस में भी क्योंकि हर बढ़ते साल के साथ वो थोड़ा लेवल अपग्रेड करेंगे ही और इंग्लिश का वेटेज भी सबसे ज़्यादा है प्रेशर में आपका दिमाग कितना फंक्शन कर पाता है तो पहले तो ये निर्धारित कर लो कि कौन सा सही है हाँ जी तो इट इज पार्टी आई एम एंजॉइंग एन पार्टी इसका कोई मतलब है डी करेक्ट ऑप्शन है और इसमें लिखा है ए सो इट इज अ नाइस पार्टी आई एम एंजॉइंग द पार्टी ठीक है अब यहां पे आर्टिकल का बेसिक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो इस्तेमाल हो रही है ए और एन को हम क्या बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं हाँ या ना तो जब भी कोई आप जनरल बात करते हैं तो वहां पे ए और एन आ सकता है ये हम पैराजल के कॉन्सेप्ट में भी देखते हैं क्योंकि जब आपको सेंटेंसेज अरेंज करने होते हैं आने वाले दिनों में हर तरह के टॉपिक का मैं इस तरह से इकट्ठा करके आपको प्रैक्टिस कराऊंगा जहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होंगे और यहाँ पे हमारी इंग्लिश डिडक्टिव अप्रोच में बेहतर होगी डिड्यूस तो करेंगे हम कॉन्सेप्ट खुद क्वेश्चन से हाँ जी तो अब वही बात है नाइस पार्टी ये एक पहला स्टेटमेंट हो गया पहली बार आप पार्टी का जिक्र कर रहे हैं आपने ए लगा दिया और दोबारा आई एम एंजॉइंग द पार्टी यानी अब द का इस्तेमाल हुआ है और इस द के जरिए आप पहले जिस पार्टी का जिक्र हुआ है उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं तो ये बिल्कुल करेक्ट स्ट्रक्चर है इट इज अ पार्टी आई एम एंजॉइंग एन पार्टी ये तो बिल्कुल वाहियात हो गया ठीक है इट इज पार्टी आई एम एंजॉइंग अ पार्टी पहले आना चाहिए आर्टिकल उसके बाद द आना चाहिए इसमें प्रॉब्लम है इट इज द पार्टी पहले ही द लगा दिया बाद में एन लगा दिया तो ये सब के सब वाहियात स्ट्रक्चर हैं सही स्ट्रक्चर सिर्फ ए है और ए लिखा है डी ऑप्शन में तो ये गलती नहीं होनी चाहिए और दूसरी बात ये कि एंजॉय के साथ एक और कॉन्सेप्ट जुड़ा होता है जो आप प्रोनाउन में पढ़ते हो रिफ्लेक्सीव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट तो वो भी ध्यान में रखना है आपको हमारे बुक्स में भी लिस्ट होती है आप पढ़ते भी हैं कि इन वर्ब के साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं बट ये ध्यान में रखना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी ये माई सेल्फ हेम सेल्फ हर सेल्फ देम सेल्सर सेल्व ये सारे रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक दोनों तरीकों से काम करते हैं तो इनका इस्तेमाल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पे तब होता है जब उसका वर्ब का ऑब्जेक्ट ना दिया हो अब सपोज आपने ये कहा कि यू नो आई वॉज एंजॉइंग माई सेल्फ लास्ट इवनिंग तो दिस सेंटेंस इज एब्सिल्यूटली करेक्ट बिकॉज यू डिंट मैंशन द ऑब्जेक्ट कि कल शाम आपने क्या इन्जॉय किया तो वहां आपको एंजॉय के साथ माइ सेल्फ लगाना पड़ेगा बट आई एम एंजॉय आई अ पार्टी लास्ट नाइट आई अ बर्थडे पार्टी लास्ट नाइट कुछ भी इस तरह का या सिंपली आई अ पार्टी लास्ट नाइट अब यहाँ पे आपको माइ सेल्फ लगाने की जरूरत नहीं है तो इस बात का भी ध्यान रखना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है एंड अगेन अ कम्युनिकेशन टिप रिलेटेड विद दिस लॉट्स ऑफ पीपल इवन नाइंटी फाइव परसेंट ऑफ पीपल वेन दे इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूसल्व दिस वॉट माई सेल्फ तो माई सेल्फ के साथ अपना नाम कभी मत लिया करिए माई सेल्फ अतुल मत बोलिए राइट right? ये बहुत डेंजरस है या कोई भी तो आपको अपना परिचय देना है माई नेम इज़ अतुल आई एम अतुल दिस इज अतुल यू कैन यूज एनी ऑफ दीज थ्री एक्सप्रेशन बट डोंट एवर से माई सेल्फ एंड डोंट गिव दिस रबिश आर्ग्यूमेंट दैट नाइन्टी फाइव परसेंट पीपल डू स्पीक लाइक दिस तो कचरा ज़्यादातर भारी संख्या में ही होता है उससे वो सही नहीं हो जाएगा तो आप पढ़े लिखे लोग हैं राइट एस एस सी बैंकिंग अलग अलग तरह के कॉम्पिटिव एग्जाम के एक्सपेरेंट्स हैं तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए ठीक है थीके? बाकी रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक प्रोनाउन का फर्क आप जानते हैं जब जोर डालने का काम करें तो वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है आई माई सेल्फ डिड दिस एंड आई एबसेंट एड माई ये रिफ्लेक्सिव है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब काम करने वाला और काम का परिणाम भुगतने वाला जब दोनों सेम हो आई हर्ट माई सेल्फ आई लाइव प्लेइंग अ मैच मैंने खुद को चोट लगा ली जब मैच खेल रहा था तो चोट लगाने वाला भी मैं हूं और चोट लगी किसको है मुझे ही उसी को रिफ्लेक्सिव कहते हैं कि वो रिफ्लेक्ट कर जाता है और तब वो वर्ब के बाद आता है चले इतने ज्ञान काफी है इस क्वेश्चन के साथ अगला है ही देम दैट ही वुड श्योर रीपे द लोन अर्जेंटली नो एरर ही प्रोमिस देम ही द लोन अर्जेंटली दैट ही वुड श्योर रीपे किस पार्ट में एरर है नजर आ चुका होगा सभी को कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो श्योरली रीपे आपको पता है श्योर sure जो शब्द है वो एडजेक्टिव है यहां वुड हेल्पिंग वर्ब है रीपे जो है वो मेन वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में कौन सैंडविच हुआ है एडवर्ब सैंडविच हुआ है तो एडवर्ब जो है वो श्योरली होगा ठीक है डेफिनेटली तो डी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है स्योरली री पे देखो एडजेक्टिव और ये दोनों मॉडिफायर्स हैं और बाकी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्क्राइब करने की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पे है तो हमें ये समझ बड़ी जरूरी है क्योंकि एक ही शब्द एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों तरीकों से काम कर सकता है कई बार ये भी गलत फहमी होती है ना कि एलवाई लगा हो तो वह एडवर्ब है तो ये ज़रूरी नहीं होता आप इस बात से भली बहाँ परिचित हैं अगर आप कह रहे हैं कि ही इज अ फास्ट बोलर तो यहाँ वाला फास्ट एडजेक्टिव है क्योंकि बोलर के पहले आ रहा है एंड ही बोल्स फास्ट का फास्ट क्या हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर तो यहाँ तो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों एक ही शब्द हैं ठीक है सो ही इज़ अ हार्ड वर्कर ही वर्कस हार्ड यहाँ पे एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों हार्ड है फिर आप ये भी देखते हो कि एलवाई लगे हुए शब्द आपके एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं अभी बाई मंथली पॉलिसी आई है हम एडिटोरियल uh, में मॉर्निंग में वही पढ़ रहे थे हम तो मंथली वीकली ये सारे एलवाई सेंड हो रहे हैं ये सारे के सारे एडजेक्टिव हैं क्योंकि ये नाउन के साथ जुड़े हुए हैं तो नाउन के साथ जब एलवाई लग रहा होता है तो एडजेक्टिव होता है माइजरली स्कलैरली निगैडली ये सारे एलवाई वाले शब्द एडजेक्टिव हैं और जब हम एडजेक्टिव में एलवाई लगाते हैं तो वो एडवर्व हो जाते हैं तो कोई चीज रटनी नहीं है हर एक चीज कंटेक्चुअल है उसके आधार पर समझें और एक ही शब्द एडजेक्टिव एडवर्व दोनों तरीकों से काम कर सकते हैं प्लेसमेंट के लिए क्योंकि एडवर में सारा गेम प्लेसमेंट का है कि कहाँ पे क्या लगा रहे हो तो खैर हम एडवर्ब के लेक्चर पे नहीं है बट फिर भी इतनी चर्चा हो गई आइए आगे बढ़ते हैं करण कॉल द रेस्टोरेंट टू कुड रिजर्व टेबल फॉर टुमारो क्या दिक्कत है इसमें करण कॉल द रेस्टोरेंट मतलब पढ़ते ही आपकी जबान फंसेगी यार करण के साथ कॉल कैसे लगा सकते हो तो एरर तो इसी पार्ट में है अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाओगे तो कॉल्स होना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट में जाओगे तो कॉल्ड होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो कोई मतलब नहीं है है ऐसा तो नहीं रेस्टोरेंट को कॉल करता है उसकी आदत है रोज उठा के कॉल कर देता है रेस्टोरेंट को अरे कॉल किया होगा जब जाना होगा तो करण कॉल द रेस्टोरेंट टू आस रिजर्व टेबल फॉर टुमारो कि करण ने कॉल किया रेस्टोरेंट को कि ये पूछने के लिए कि क्या कल के लिए वो एक टेबल रिजर्व कर सकते हैं तो ये जो है ये करेक्ट ऑप्शन है आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेज द इनडेफिनिट आर्टिकल अब देखो ये क्वेश्चन पूछने के नए नए तरीके तो डेफिनेट आर्टिकल यानी ए और एन का क्या सही इस्तेमाल हुआ है क्या तो देख लीजिए किसमें सही इस्तेमाल है नो श्यूअर नॉट एट ऑल आई डोंट नो दैट चैनल इज एक्टिव और नॉट बट यू विल गेट वीडियोज ऑफ बैंकिंग सेक्शन एज वेल separately very soon देखो ग्रामर तो नहीं बदल जाती ना तो आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ये आपके लिए यूजफुल होगा तो भाई देखो बहुत ही घिसा बेटा कॉन्सेप्ट आर्टिकल में एक वैसे गड़बड़ होती है बचपन में जब हम रहते हैं तो वहां बचपन में पढ़ा दिया जाता है कि वॉवल के पहले एन लगता है कॉन्सोनेंट के पहले अ लगता है जब आप बड़े होते हैं तो आपको ज्ञान बढ़ता है कि नहीं इट्स नॉट अबाउट वावल एंड कॉन्सोनेंट पर से ऐसा नहीं कि कोई शब्द ए ई आई यू यू से शुरू हो रहा है तो उसके पहले एन ही लगाओगे आप इट इज़ मोर ऑफ प्रोनाशिएशन जो उच्चारण है आपका तो टोटल तो मिला के फोर्टी फोर साउंडस हैं हमारे जिसमें से ट्वेंटी साउंड जो हैं वो वॉवल साउंड्स हैं बाकी कॉन्सोनेट साउंड हैं तो ये सारा ए और एन के बीच का जो मामला है वो साउंड पे चलता है ठीक है तो वही बात आर्टिकल में आप पढ़ते ही हैं जानते हैं तो यूरोपियन के पहले एन नहीं आएगा ठीक है क्योंकि साउंड 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 में ये ये वाई वाई से से आता है और वाई या, या का है है और य का ना तो ये है, तो दो वहीं गाय बोलिए अब इधर जो दो बचे हुए हैं तो शी इज एन इंडियन आर्टिस्ट सी इज अ तो इतनी समझ है आपको इंडियन में जो साउंड है हमारा वो वॉवल साउंड है तो यहाँ पे हम किसके साथ जाएंगे एन के साथ जाएंगे तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया शी शी इज एन इंडियन आर्टिस्ट मैरिड टू अ यूरोपियन

सो so, अब बच्चे की प्रोनाउंसिएशन अगर गड़बड़ है तो वो इसको प्रोनाउंस करता है ईयर इट्स नॉट ईयर इट्स ईयर ईयर द राइट प्रोनाउंसिएशन इज दिस ईयर एंड ये वाई से आएगा सो so, ये अ लगता है इसके पहले और जो आप ईयर बोलते हो ना वो ये वाला ईयर है कान इसको हम ईयर कहते हैं तो ये आपका ईयर हो जाएगा तो यहां पे आप एन ईयर लगा लीजिए तो प्रोनाउंसिएशन सही होना बहुत जरूरी है ऐसे ही वो एम बी तो ये सब बहुत ही वही है घिसा बिटा है बट आपकी प्रोनाउंसिएशन अगर गड़बड़ है आप इसको एम नहीं बोलते आप यम बोलते हो यम तो दैट इज <laughs> तो दोनाउंसिएशन का बड़ा ध्यान रखना है और इंटरेस्टिंग ये तो अम बोला बच्चा भाई मैं डर रहा ये क्या है अब आप यम बोल रहे हो अगर इसको यमयन जैसे वो हैवी साउथ इंडियन एक्सेंट आता नहीं यम, यन, तो वो वो बहुत डेंजरस है फिर यम नहीं है वो एम है द राइट प्रोनाउंसिएशन इज एम एन एस और ये ए जो है वो वॉवल साउंड है इसलिए इनके साथ क्या लगता है एन लगता है आप बोलने लग जाओ यम तो यम भी है तो आप वही लॉजिक दे दोगे सर आपने तो कहा था कॉन्सोनेट साउंड में लगता है तो भैया तुम्हारा साउंड गड़बड़ा उसको दुरुस्त करो पहले वी आर वन ऑफ द प्रिवलेज यू हैव डिक्शनरीज ऑन योर मोबाइल्स राइट तो प्रोनन्सिएशन सही करिए अगर गड़बड़ है तो वहां पे लेटर डालिए उसकी प्रोनन्सिएशन जो स्टैंडर्ड प्रोनउंसिएशन है वो सुनिए एनी वे आइए आगे बढ़ते हैं शी ऑलवेज इन्वाइट मी टू डिनर वाह वाह इतना आसान सा क्वेश्चन बताओ कहाँ पे दिक्कत है तो आपको समझ आ गया इनवाइट्स शी के साथ इनवाइट तो लिख ही नहीं सकते किसी भी सूरत हाल में तो ये क्या होना चाहिए ये इनवाइट्स होगा आपका और साथ ही साथ एक और लर्निंग ये जो ऑलवेज लगा हुआ है ये एडवोब एडवोब है एडवोब ऑफ फ्रिक्वेंसी है तो आप जानते हैं कि जब भी हम ऑलवेज यूजअली जनरली इन तरह के जो हमारे एक्सप्रेशन हैं एडवोब हैं खासतौर से एडवॉब ऑफ फ्रिक्वेंसी तो उस समय आप इनडेफिनिट टेंसेज के साथ जाते हैं ठीक है तो शी ऑलवेज इन्वाइट्स मी टू डिनर और ये प्लेसमेंट के लिए भी ध्यान में रखना है कि इनडेफिनिट जो हमारे टेंसेज हैं उसमें आपको क्या देखने को मिलता है कि ये एडवर्ब सब्जेक्ट के तुरंत बाद आते हैं लेकिन वहीं पे अगर बी फॉर्म का वर्ब आ जाए जैसे ही वॉज ही वॉज ऑलवेज ऑन टाइम ही वॉज ऑलवेज ऑन टाइम राइट और इधर देखो आप ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम तो मैं ये बात कर रहा हूं ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम तो जब मैंने बी फॉर्म का वर्ब यानी इज एम आर वर अगर इस्तेमाल हो रहा है सब्जेक्ट के बाद तब ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बी फॉर्म के वर्ब के बाद आता है ठीक है और अगर आप इंडेफिनिट में इवन आप पास्ट इंडेफिनिट में भी चले जाओ ही ऑलवेज केम ऑन टाइम सो केम भी हुआ तो भी ये ऑलवेज सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ रहा है और वहीं पे टिपिकली व्हेन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब बोथ आर प्रोवाइडेड देन एडवर्ब इन जनरल कम्स इन बिटवीन वो सैंडविच हो जाता है बीच में एनी anyway, वे तो कहाँ था डी में था आगे बढ़ते हैं सेलेक्ट द सुप्रिया नहीं कर सकते प्रॉपर नाउन है सुप्रिया इज द बेस्ट गर्ल इन क्लास सुप्रिया इज बेस्ट गर्ल इन क्लास अब मुझे लगता है कि कोई भी दिक्कत है बट ऑप्शन में जरूर ध्यान रख लेना कि गड़बड़ आंसर ना करो आप तो करेक्ट ऑप्शन क्या है करेक्ट <laughs> ऑप्शन है डी क्योंकि डी में लिखा है बी ऐसा नहीं कि यहां बी देखना कि बी सही है बी पे टिक करके चले आए तो कई बार जल्दबाजी में वही बात है कि खुशफहमी में आप गलत करके चले आते हैं तो बहुत होश में पेपर दीजिए ठीक है पेपर मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होता अब इसमें कुछ बताने वाला है ऐसा आपको पता है भाई सुपरलेटिव डिग्री है द का इस्तेमाल करोगे आई थिंक जर्मी विल नॉट हैव सेव एनफ मनी बाई द टाइम द ईयर एंड्स क्या दिक्कत है यहाँ पे दिक्कत तो मुझे लगता है किसी को भी कोई दिक्कत हो रही होगी आपको समझ आ रहा है कि ये फ्यूचर टेंस है विल नॉट हैव लगा हुआ है हैव के बाद क्या आना चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए तो यहाँ सेव नहीं आएगा विल नॉट हैव सेव्ड एनफ मनी और मैं अगर आपको लगे हाथ पूछूं कि एनफ की ग्रामेटिकल प्रोफाइल यहाँ पे क्या है बिकॉज़ इस एन पे भरपूर सवाल पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए प्रीवियस ईयर्स में उठा के देखोगे अब जैसे ये लिखा जाए कि ही हैज ही हैज एनएफ स्ट्रेंथ ही हैज एन एफ स्ट्रेंथ एंड ही इज स्ट्रांग एनफ अभी दोनों एनफ की ग्रामेटिकल प्रोफाइल में क्या फर्क है वॉट इज द डिफरेंस इन द फर्स्ट सेंटेंस दिस इज एड्जेक्टिव

तो जब एडजेक्टिव होगा तो एनफ बाद में आता है उस एडजेक्टिव के यानी एडवर्ब के तौर पे एनफ जिस शब्द को डिस्क्राइब कर रहा है उसके बाद आता है और इन जनरल एडजेक्टिव के तौर पे एनफ जिस शब्द को डिस्क्राइब कर रहा है उसके पहले आता है यही मैंने बात थोड़ी देर पहले कही थी कि एक ही शब्द एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का काम कर सकता है और इसीलिए जब मैं ग्रामर सेक्शन बैसेज में भी शुरू करता हूँ तो क्या बोलता हूँ सबसे पहले कि अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के स्परेंट हैं और आप ये दावा करते हैं कि आपको ग्रामर की समझ है आप ग्रामर जानते हैं तो इट्स अबाउट टू थिंग्स ओनली वर्ड प्लेसमेंट की अंडरस्टैंडिंग एंड वर्ड सेलेक्शन की अंडरस्टैंडिंग तो अगर वर्ड की प्लेसमेंट बदलती है तो उसका रोल बदलता है रोल बदलता है तो नाम भी बदल जाता है इट्स नॉट अबाउट मगिंग अप और ये दोनों पावर आपके पश्चाव तब आएगी जब फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ ग्रामर आपको पता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम कोई डेफिनेशन नहीं पूछ रहा आपसे कि भाई एडजेक्टिव की डेफिनेशन बताओ एडवर्ब की डेफिनेशन बताओ बट यू शुड हैव द एबिलिटी to figure out that what kind of grammatical profile that word holds in a sentence sentence, structure स्ट्रक्चर पे command और नया pattern पर जो सिलेबस है मैं वो morning में भी कह रहा था एडिटोरियल session में भी आप उठा के देखो पहली line में sentence structure स्ट्रक्चर का जिक्र है जिसपे हम में से बहुत सारे लोगों को दिक्कत परेशानी होती है तो अगर वो दिक्कत परेशानी है तो आप morning में एडिटोरियल सेशन जरूर देखिए ठीक है आठ बजे इसी चैनल पे होता है और द हिंदू स्पीकिंग ट्री उनके ऊपर बेस्ड 15 क्वेश्चन उनकी समरी वो कैब एक कंप्लीट पैकेज है वो तो उससे धीरे धीरे जो लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी और बेहतर होगी चलिए, तो यहां पे हमने आंसर कर लिया। Have, ये इसमें एरर था। अगला क्वेश्चन इट इज ओल्ड यूनिफॉर्म बट अ मेमोरेबल थिंग फॉर मी इस पैटर्न पे मैं आपको इसीलिए क्वेश्चन देता हूं एडिटोरियल में ग्रामर बेस्ड बताओ जी ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा है फिर भाई आर्टिकल में खेल रहे हैं। आया ना <laughs> अब आप क्या करोगे जल्दबाजी वाली गलती यहां पे होगी ओल्ड यूनिफॉर्म आपको पता है भाई ओल्ड के पहले ओ जो है ये वावल साउंड है इसके साथ एन जाने वाला है तो आप वो तो कर लोगे बट आप जल्दबाजी में क्या करोगे डी पे टिक मार के आ जाओगे तो ये ध्यान में रखिएगा यहां ए में लिखा हुआ है डी ठीक है तो ये थोड़ी सी बात इसका ध्यान रखें बाकी तो आप कर ही कोई दिक्कत नहीं है ये सब वाहियात है बिल्कुल सो इट इज एन ओल्ड यूनिफॉर्म बट अ मेमोरेबल थिंग फॉर मी आइडेंटिफाई सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेज द इनडेफिनेट आर्टिकल शी परचेज एप्पल बस इतना पढ़ के ही समझ आ रहा है अ एप्पल इधर एप्पल बस लिखा हुआ है सो शी परचेज एन एप्पल इन द मार्केट विद मी कोई दिक्कत नहीं है तो ये क्वेश्चन नए लग सकते हैं बट इनको सॉल्व करना बिल्कुल मुश्किल नहीं होता क्योंकि आपके पास एक कंपैरिजन अवेलेबल होता है और पता है इन तरह के क्वेश्चंस को हमेशा वो बचपन में जो संडे के अखबार में दोनों चित्रों में अंतर ढूंढे आता था ना वो वाला पैटर्न करना होता है ये बैंक वाले जो मेरे स्टूडेंट हैं वो जानते हैं क्योंकि वहां पे पांच छह अलग अलग तरीकों से ग्रामर का ज्ञान पूछा जाता रहा है एस अब जा करके के नए पैटर्न के बाद वही पिछले साल में वो थोड़ा बदलाव लेके आए हैं अदरवाइज यूजल दो ही पैटर्न होते थे वही एर डिटेक्शन ए बी सी डी ई और या सेंटेंस इंप्रूवमेंट अंडरलाइन करके तो अब एस भी नए पैटर्न लेके आ रहा है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है हर तरह के क्वेश्चन यहाँ पे मिल रहे हैं बट बैंक में ये पैटर्न हमेशा से रहे हैं तो अब देखने में क्या लगता है साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ये क्रिएट करता है कि यार एक नंबर पाने के लिए अब देखो अभी सेंटेंस मासूम है अभी शायद बैंक का पेपर हो तो इसी में ए में भी तीन लाइन लिखी है बी में भी तीन सी में भी तीन तो उसको लगता है बच्चे को यार बारह लाइनें पढ़ के मुझे एक नंबर मिलेगा क्या बट इट्स नॉट लाइक दैट अब आप सारी लाइनों का जो आ, मतलब सारे ऑप्शंस की जो फर्स्ट लाइन है ना उनको एक साथ देख लो ए बी सी डी या आधी लाइन का एक पार्ट देख लो आपको नजर आ जाता है क्योंकि अब शुरू में किसी में लिखा है इज बी में लिखा है आर सी में लिखा है इज डी में लिखा है आर आपको पढ़ के समझ आ हाँ गया जैसे अभी हमने पार्टिसिपेंट्स वाला क्वेश्चन किया था कि भाई पार्टिसिपेंट्स के साथ प्लूरल जाएगा अब जिसमें इज इज लिखा है उसमें बाकी की ढाई लाइने पढ़ने की जरूरत ही नहीं है यानी पांच सेकेंड के अंदर चार में से दो ऑप्शन जो गलत हैं वो आपने एलिमिनेट कर लिए अब बाकी अब जो दो बच्चे हैं उनमें रेस है अब आंखों को पैरल लेके चलो आगे जा करके शायद फिर किसी वर्ड से मुलाकात हो जाएगी एक में हैज़ लिखा होगा एक में हैव लिखा होगा एक में अ लिखा होगा एक में एन लिखा होगा आपके दिमाग की बत्ती खुद जल जाती है कि यहां पे क्या चाहिए और क्वेश्चन आप वो पंद्रह बीस सेकंड में बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं जबकि देखने में लगेगा वो oh माई गॉड बारह लाइन की अंग्रेजी लिखिए इट्स नॉट लाइक दैट इट्स ऑल अबाउट हाउ यू अप्रोच द क्वेश्चन एग्जामिनर वही टेस्ट करता है कि आपके फंडामेंटल्स कितने इंटैक्ट हैं उन फंडामेंटल्स का प्रेशर में आप इस्तेमाल कैसे कर पाते हो नेक्स्ट सजनी हैड इंटरफेयर अब इतना पढ़ती ही जबान फंसेगी ना अब हैड के बाद इंटरफेयर लग सकता है तो ये लल्लू लाल टाइप के क्वेश्चन भी मिलते हैं भाई वही मैंने कहा कि हर एग्जाम में इजी मॉडरेट डिफिकल्ट वेरी डिफिकल्ट हर तरह के क्वेश्चन है हमारा काम होता है स्कैन करके पहले इजी क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए नंबर इंटैक्ट कर लीजिए पर टाइम उसके बाद टाइम कंज्यूमिंग जो है उन पर जाइए और आप देखो अब ऑर्डर बदल दिया उन्होंने सजनी है डी ऑप्शन में है ऐसा नहीं कि सजनी यहाँ आ गई इंटरफेयर इधर आ गया नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई जनीट इंटरफियर इन दिस मैटर दिस की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है यहां पे? वॉट इज दिस यहां पर हो गया डेमोन्ट्रेटिव क्योंकि दिस right? so, गुड you know, uh, तो अब ऐसे आपको लगते हैं मिलते हुए एक्सप्रेशन तो गुड के पहले दिस लग गया जैसे होता है ना कि यार मुझे भरोसा ही नहीं था कि वो चीज इतनी अच्छी हो सकती है जैसे कहते हैं टू गुड टू बी ट्रू So, you know, this code, तो वहां पे दिस जो है वो ऑफ डिग्री है तो इसीलिए कोई चीज मत समझिए उसको आई फेल अल आई रेड द बुक क्या दिक्कत है यहाँ पे बिल्कुल आसान है वाइल के बाद आई रेड नहीं आएगा वाइल आई वॉज रीडिंग अ बुक और एक छोटी सी लर्निंग यहाँ पे और भी है वो क्या है भाई वो ये है कि हमारे पास कुछ ऐसे एडजेक्टिव है ना जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रेडिकेटिवली इस्तेमाल होते हैं और वो है asleep. इसमें कई बार क्वेश्चन मिला है हाँ या ना तो प्रेडिकेटिवली का क्या मतलब कि ये सेंटेंस के लास्ट में ही आते हैं आप कभी ये नहीं कह सकते asleep man. यू कांट राइट लाइक कोई ऐसा एक्सप्रेशन आप नहीं लिख सकते ना Asleep मैन आप नहीं लिख सकते Asleep मैन नहीं लिखा जा सकता यानी ये एट्रीब्यूटिवली नहीं आते और कौन सा वर्ड है इसी कैटेगरी के में लाइक like अवेक है असलीप है अवेक है और बताओ और कौन सा शब्द है ध्यान आ रहा है कि नहीं एडजेक्टिव में ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा ये बार बार आता भी है सिक और इल में वो आपको कंफ्यूज करते हैं तो ये ऐसे एड्जेक्टिव हैं जो सिर्फ बाद में आते हैं अफ्लोट तो अब आप यहां पे लाइक अवेक मैन नहीं कह सकते <laughs> वहां पे आपको क्या आप कहना पड़ेगा ही वॉज अवेक शी अवेक और एग्जाम्पल्स अब मैं नहीं लिख रहा हूं मैंने आपको जस्ट हिंट दिया है आप कॉमेंट में बाद में लिखिएगा तो आई वॉज द बुक तो आई फेल अस्लीप रीडिंग द बुक जब मैं बुक पढ़ रहा था उस समय मैं सो गया आई कॉन्ट टॉक राइट नाउ आई एम बींग रियली बिजी आई कॉल यू लेटर आई कॉन्ट टॉक राइट नाउ आई एम बींग रियली बिजी देख रहे हो मतलब क्या ही मतलब है इसका सिंपली कह लो आई एम बिजी बी पार्ट में एरर है कलर चेंज करो सो आई एम रियली बिजी आई कॉल यू लेटर अनिकेत लिव्स इन द स्मॉल अपार्टमेंट इन द सबर्ब्स। बिमलिस अकनोलेज एडजेक्टिव नहीं है भाई अकनॉलेज वहां एडजेक्टिव की बात कर रहे थे किसके साथ जा रहे हो इसमें लिव्स इन द स्मॉल अपार्टमेंट इन द सबर्ब्स ठीक है आर्टिकल की दिक्कत है इन अ स्मॉल अपार्टमेंट बी पार्ट एरर है यहां पे द का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है इसीलिए देखो द को हम बोलते हैं इन यूज ऑफ द द का इस्तेमाल वैसे तो आपको पता है कि जिन शब्दों के साथ द लगता है तो बचपन से आप आर्टिकल में ही रहे हो कि भाई वाद्य यंत्रों के नाम के पहले महासागरों के नाम के पहले धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले तो वो तो लिस्ट आपको पता है बट इसके अलावा द का काम क्या होता है द का का काम स्पेसिफाई करना है एक ऐसी बात की तरफ जो हो चुकी है जैसे आप बोलो आई गो टू स्कूल एवरी डे एंड द स्कूल आई गो इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्कूल ऑफ माई सिटी राइट सो आई गो टू स्कूल एवरी डे पहली बार आपने स्कूल के पहले द नहीं लगाया बट द स्कूल आई गो अब ये समझ आ रहा है कि जिस स्कूल का जिक्र आपने पहले किया है उसी की तरफ आप इशारा कर रहे हैं तो यहां पे कोई इशारा नहीं है सिंपली द स्मॉल अपार्टमेंट का कोई मतलब नहीं नहींार्टमेंट तो इन अ स्मॉल अपार्टमेंट इन द तो बी पार्ट में प्रॉब्लम थी आगे बढ़ो द प्रेजेंट सेंचुरी थ्रेट्स टू आवर इन्वायरमेंट विच इंक्लूड इंटरफेयरिंग स्पीसीज एलिमेंट्स पॉल्यूशन एंड अ बॉयलिंग टेम्परेचर वर पुटिंग वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एट जी पे एरर है पढ़ते ही लग रहा है ये बॉयलिंग टेम्परेचर का क्या मतलब है राइजिंग टेम्परेचर कर सकते हो बॉइलिंग टेम्परेचर मतलब सब हंड्रेड डिग्री पे चला गया हमारे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे तो यही प्रॉब्लम है बाकी तो सब ठीक है विच इंक्लूड भी ठीक लग रहा है बिकॉज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रेजेंट सेंचुरी थ्रेट्स की थ्रेट्स प्लूरल है तो यहाँ इंक्लूड आएगा विच है आपका रिलेटिव प्रोनाउन ठीक है उसका एंटीसीडेंट हो गया थ्रेट्स प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी क्या इंक्लूड करते हैं आगे आ गया बस वो शब्द का जो इस्तेमाल है वो यहाँ पे सही नहीं है ट टूडे वाह 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 मतलब पढ़ते हुए जबान कटके गिर जाए विल डन तो किस प्रॉब्लम में है यहाँ पे विल डन जो लिखा हुआ है मदर सेड अब यहां पर क्या होना चाहिए वैसे करेक्ट कैसे करोगे तो एयर का डिटेक्शन हो गया हाउ विल यू करेक्ट इट क्या लिखा होना चाहिए यहाँ पे बताइए करेक्ट कैसे करेंगे डन तो गलत है बिल्कुल गलत है वो पंजाबी गाना नहीं है शी डोंट डोंट नो नो शी इसीलिए गानों से सीरीज से फिल्मों से बहुत ज्यादा अंग्रेजी पेपर लिखने वाले अंग्रेजी मत किया करो कॉन्वर्सेशन इंग्लिश इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर एंड देर आर लॉट्स ऑफ लीवे इन स्पोकन इंग्लिश बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग ऑल दीज एग्जाम्स वी फॉलो स्टैंडर्ड रिट ब्रिटिश इंग्लिश तो वो तो शी डोंट नो भी कर देते हैं डू विल डू हैड डन देखो एस ए क्वेश्चन बन जाए अगर इंप्रूवमेंट का तो यहां पे सिर्फ डू लगा दें माई मदर सेड विल डू द असाइनमेंट अब देखो यहां पे आप एक लेवल पे सोच पा रहे हो कौन सा कि सभी को पता है कि विल एक मॉडल वर्ब है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जानी चाहिए बट पूरे सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में देखो आप पूरे सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में यहां पे लिखा है माई मदर सेड माई मदर सेड तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है नरेशन का ज्ञान याद आ रहा है कि बस नरेशन रट लेते हैं इसको ऐसे चेंज कर दो प्रेजेंट पास्ट में वहां पे क्या फंडा है सीधा सीधा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के में बदलाव होते हैं कि नहीं होते हैं और वहां जो मॉडल वर्ब है उसमें क्या बदलाव होता है विल किस में बदल जाएगा वुड में बदल जाएगा तो पीछे जब पास्ट में लिख रहे हो आप तो इधर विल नहीं कर सकते तो यहाँ पे टिपिकली आप क्या करोगे यहाँ वुड डू लिखा जाना चाहिए वुड डू जो है वो करेक्ट है ठीक है बात समझ आ गई चंदन सिंह कह रहे हैं सर हम सासाराम से हैं डेली क्लास कराइए जहां जहां से हैं आप सभी को नमस्कार देश के हर कोने से और बिल्कुल क्लास डेली होगी सात बजे अभी देखो ये क्वेश्चन मैंने यहां पे मैंने आपको बताया करीब करीब तीन सौ क्वेश्चन है ये तो कोई जल्दबाजी नहीं है आराम से करेंगे कॉन्सेप्ट को समझते हुए करेंगे कोई जल्दबाजी तो नहीं है ना तो मुझे कराने में कोई दिक्कत नहीं मैं तो फटाफट करा दूंगा बट आपको कैच करना सोचना समझना उसमें टाइम चाहिए तो इसीलिए डिस्कशन के साथ हो रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाएँ तो डेफिनेटली ये अभी तो ये फाइव डेज जो हैं ये स्लॉट मेरे पास ही हैं और इन फाइव डेज में हम इन क्वेश्चन को कम्प्लीट करेंगे तो सात बजे आ जाइएगा अपने दोस्तों मित्रों को भी बता दीजिएगा और आपके मन में भी एक सुकून होगा कि चलो 2023 में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मेरी आंखों के सामने से गुजरे हैं उन पर डिस्कशन हुआ है डिस्कशन बहुत ज़रूरी है एबीसीडी तो कर ही लोगे अब देखो जैसे मैंने आपको थोड़ा सा छेड़ा तो यहाँ से बात निकल के आई कि नहीं आई यहां बात निकल के आई ना बाप में से आंसर नहीं आया किसी का अतुल का आया है बस तो बाकी सारे लोग विल डू कर रहे थे तो हम वो तभी करते हैं जब हम रूल रटते हैं कि विल के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अरे पूरे सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में चीजें देखनी आगे बढ़ो मिस्टर राम कुमार द कैसियर एंड ऑन टेम्पररी विद्रॉल फ्रॉम सर्विस क्या दिक्कत है भैया तो रामकुमार जी का परिचय है द कैशियर रामकुमार एक इंसान है तो आर कहां से लगा दोगे उस पर बताओ इज लगाओगे ना मिस्टर राम कुमार द कैशियर इज ऑन टेम्पररी विदड्रॉल फ्रॉम सर्विस भैया छुट्टी पे हैं थोड़े समय के लिए टेम्प्ररी नॉट परमानेंट सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बड़ा प्यारा क्वेश्चन वही वाला है जो अभी बताया आपको चित्रों में अंतर ढूंढ द राइडर हु मेड विद अ एक्सीडेंट वॉज नॉट वियरिंग अ हेलमेट

अरविंद जी कह रहे हैं सर 2022 और 23 के हाल क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दो सर जी बिल्कुल बिल्कुल करा देंगे भाई अभी जो शुरू हुआ है उसको देखो अभी एक टारगेट रखा है 2023 का आगे करा देंगे आप लोग जैसे आदेश करेंगे आप लोगों के लिए है ये सब कुछ चंदन सिंह सर मेरा इंग्लिश वीक है वीक की वजह से सीजीएल नहीं निकल रहा है गाइड कीजिए सर तो बेटा गाइडेंस पूरी गाइडेंस तो बैच में ही मिलती है आप उसमें एडमिशन ले लीजिए शायद एडमिशन ऑन है अभी पीछे बैच आया था अगर ढंग से पढ़ना है तो बाकी यहां पे तो प्रैक्टिस हो ही रही है तो वहां पे आप इनरोल कर सकते हैं मैंने आपको क्या कहा फंडामेंटल्स का एग्जाम है बेसिक्स को क्लियर करो पहले हाँ जी तो कर लिया एलिमिनेट किसके साथ जा रहे हैं ए बी भाई साहब फंस गए आप आओ गलतियां पकड़ते हैं तो द राइडर हु मेट विद अ एक्सीडेंट आपको पता है एक्सीडेंट के पहले एन लगेगा ठीक है तो एक गलती भी काफी है बहुत सारी गलतियों की जरूरत नहीं है ना एक गलती भी काफी है ए बाहर हो गया रेस से अब यहां पे भी द राइडर हु मेट विद एन एक्सीडेंट वॉज नॉट वियरिंग एन हेलमेट अब आपको लगेगा कि ठीक है यार एक्सीडेंट के पहले एन तो लगता है ये तो दुरुस्त है यहां पर लेकिन यहां पे लिखा है एन हेलमेट तो हेलमेट के पहले से कब से एन लगने लग गया भाई ह से साउंड आ रहा है कॉन्सोनेंट है तो इसमें भी प्रॉब्लम है चलो इसको भी बाहर किया अब आप देख रहे हो ये दोनों तो बाहर हो गए और एक्सीडेंट के पहले तो आर्टिकल एन आना चाहिए अब बाकी के बच्चे दोनों में द है तो क्यों द लग रहा है क्यों द लग रहा है अभी जो थोड़ी देर पहले आपको बात की मैंने कि जब कोई चीज हो चुकी है और आप उसकी तरफ स्पेसिफाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप वहां पे द लगाएंगे तो हम यहां पे द राइडर की बात कर रहे हैं अब देखो अ राइडर यहां पे वो गायब हो गया क्योंकि अ राइडर एक जनरल स्टेटमेंट है

क्योंकि द डॉक्टर आप तब बोलोगे जब पहले किसी डॉक्टर ने शायद अनहाइजेनिक होने की वजह से कोई घटना घट गट गई हो और उसके बाद आप उसकी तरफ इशारा करो देन यू कैन राइट द डॉक्टर राइट सो सेम इज द केस ओवर हेयर स्पेसिफिक केस हम और राइडर नहीं कह सकते बचे ही अब डी के साथ हैं तो एलिमिनेट कर लो सो द राइडर हु मेट विद द एक्सीडेंट क्योंकि ये वो राइडर है जिसकी जिसका एक्सीडेंट हुआ था तो वो स्पेसिफिक एक्सीडेंट है एक जनरल सी बात नहीं है वॉज नॉट वियरिंग अ हेलमेट पुलिस सेड ऐसा पुलिस ने कहा कि वो राइडर जिसकी मुलाकात एक्सीडेंट से हुई थी अब मैं अगर आपसे पूछूं कि किसीडेंट who, who ये किस तरह का क्लॉज है वट एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है राइडर सब्जेक्ट है वॉज नॉट वियरिंग हेलमेट ये वर्ब है अब हमारी मासूम मा, आंखें अगर जो एस वी ओ एस वी ओ रट के आगे पढ़ रही हैं बचपन से सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तो भाई साहब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में सब्जेक्ट के बारे में बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है

क्या तुम हमें लंच के लिए ज्वाइन करना चाहते हो पूछा गया किसी से वो दूसरा वाला कह रहा बंदा सामने वाला यार आई एम सॉरी मेरी फिजिक्स की क्लास एक बजे स्टार्ट होगी और तीन बजे तक फिनिश नहीं होती है तो मतलब एक ही क्लॉज के अंदर वो फ्यूचर में भी चला गया और फिर इधर प्रेजेंट इंडेफिनेट में आ गया इधर फ्यूचर इंडेफिनेट मतलब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत है एक जनरल बात कर रहा है ना क्लास का एक टाइम होता है जैसे आपकी इस क्लास का टाइम सात बजे शाम को होगा इस चैनल पे तो वो फिक्स चीज होती है तो यहां विल स्टार्ट नहीं सिंपली स्टार्ट माय फिजिक्स क्लास स्टार्ट एट वन पी मेरी क्लास एक बजे शुरू होती है और तीन बजे तक फिनिश नहीं होती है डज नॉट फिनिश राइट तो स्टार्ट प्रेजेंट इनिट हेल्पिंग वर्ब क्लास के लिए डज नॉट यहां पे आ गया तो किस पार्ट में एरर हुआ भाई जहां विल स्टार्ट लिखा है ए में ठीक है आगे बढ़ते हैं स्काई अपियर्स ब्ल्यू एज इट एब्जॉर्व ऑल कलर्स एंड रिफ्लेक्ट ओनली ब्लू ये मी स्काई अपियर्स ब्ल्यू एज इट एब्जॉर्ब ऑल कलर्स एंड रिफ्लेक्ट ओनली ब्लू विच पार्ट हैज द एरर संदीप एडिटोरियल का पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल जो है करियर वेल का वहां पे अपलोड हो रहा है मैं अपने चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा और ये जो क्लास नोट हैं ये भी आपके पास अपलोड हो जाएंगे और नीचे आप देख रहे हैं अभी इस पट्टी की वजह से आपको दिख नहीं रहा ये अदरवाइज ये सारे सोशल मीडिया जो लिंक्स हैं ना वो यहाँ पे दे रखे हैं एवरी थिंग इज रिटर्न आउटर यूट्यूब फेसबुक पेज इंस्टाग्राम ट्विटर एंड लिंकड इन एज वेल चलिए आ जाओ नीचे तो अभी जो हम ज्ञान की बात कर रहे थे कि स्काई के पहले क्या लगाओगे द स्काई होता है सेले बॉडीज सारे तो यहां पे द की कमी थी और इसीलिए सी पार्ट एरर है इस पार्ट में दिक्कत थी द स्काई करेंगे आप अपियर्स किस तरह का वर्ब है अपियर जो है ये, ये स्टेटिव वर्ब है और इसीलिए स्टेटिव वर्ब को हमेशा कौन डिस्क्राइब करता है एडजेक्टिव आंख मूद करके चीजें नहीं वर्ब को एडवर्ब करता है तो भैया वर्ब में ही आता है आपका स्टेटिव वर्ब और स्टेटिव वर्ब जो है वो स्टेट बताते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन का तो जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे उसे क्या कहते हैं एडजेक्टिव कहते हैं इसीलिए देखो यहाँ पे ब्लू लिखा हुआ है अपियर्स यहाँ पे स्टेटिव वर्ब है ब्लू इधर एडजेक्टिव हो गया द स्काई अपियर्स ब्लू A celestial body or astronomical object is a naturally occurring physical thing, association or configuration that happens in the visible universe. किस पार्ट में प्रॉब्लम है थर्टी तक करके फिर मैं आपसे विदा ले लूंगा ठीक है फिर बाकी कल करेंगे सेशन अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों को भी लेके आइएगा जो भी चीजों को मैनर में ढंग से पढ़ने के इच्छुक नजर आ गया एरर भाई देखो यहां पे अलेस्टियल बॉडी लिखा हुआ है तो सेले के साथ तो और ठीक है बट एस्ट्रोनॉमिकल के पहले आर्टिकल नहीं लगाया तो ये सही है क्या अब इधर आप लगा रहे हैं और अगर नहीं लगाएंगे तो ये माना जाएगा कि आप ए ही लगा रहे हो एस्ट्रोनॉमिकल के साथ ए तो आएगा नहीं क्या आना चाहिए एन आना चाहिए तो डेफिनेटली फर्स्ट पार्ट में ही प्रॉब्लम है इसी में अ सेलेस्टियल बॉडी आर एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट इज और इज क्यों लगा हुआ है बिकॉज यहाँ देखो एंड लगा होता तो आपको आर लगाना पड़ता क्योंकि आर ओ आर लिखा हुआ है और का मतलब अथवा यानी दोनों की आप अलग अलग बात कर रहे हैं तो इसलिए यहां पे वर्ब सिंगुलर है इज अ नेचुरली अकरिंग फिजिकल थिंग एसोसिएशन और कन्फिगुरेशन अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये क्या है किस तरह का क्लॉज है ये तो देखो ये नेचुरली अकरिंग फिजिकल थिंग एसोसिएशन कन्फिगुरेशन ये सब नाउन है नाउन है तभी तो ये आर्टिकल लगा हुआ है नेचुरली अकरिंग फिजिकल थिंग अगर मैं बोलूं टिपिकली तो ये नाउन फ्रेज है तो आर्टिकल का इस्तेमाल नाउन और नाउन फ्रेज दोनों के पहले होता है

तो जिनको भी ये सब दिक्कत है आप उस बैच में एनरोल हो सकते हैं अभी शुरुआती चरण में ही है वो बैच अगर ये सारी चीजें आपको समझनी है तभी जाके सेंटेंस स्ट्रक्चर पर कमांड आएगी विल बीन कुकिंग इतनी पड़ती जबान रुक जाएगी ना कौन सी अंग्रेजी है ये प्रथा विल बीन कुकिंग द मील ऑफ योर चॉइस बिफोर यू रीच होम क्या दिक्कत है दिक्कत तो खैर ए पार्ट में है उसमें किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है विल के साथ बीन लगा नहीं सकते आ, तो वो तो आंसर हमने कर लिया मुझे कमेंट में ये बताओ लगेगा क्या वहां पे लगेगा क्या ये बताइए करेक्ट कैसे करेंगे आप और यहां पे टेस्टिंग होती है समझ के हमने यहां कह रही है विल कुक हो जाएगा विल भी कुकिंग करा दी काजल विल भी कर दो सर पूरा सेंटेंस नहीं देखते हैं। दिक्कत ये आप लोगों की अब देखो मासूमियत में जॉब हंड करें वी थ्री आएगी तो वी थ्री विल बीन के बाद लगा सकते हैं क्या कोड पे आइए समझ लेते हैं देखो विल के साथ कितनी तरह की संभावनाएं हो सकती हैं जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाते हो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग चलूं, तो विल कुक लगाऊंगा सॉरी प्रेजेंट कह रहा हूं फ्यूचर इंडेफिनेट में जाओगे तो विल कुक करोगे फ्यूचर कंटिन्यूस में जाओगे तो विल बी कुकिंग करोगे या ना फ्यूचर परफेक्ट में जाओगे तो विल हैव कुक्ड करोगे सर yes, नो no. और अगर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जाओगे तो स्ट्रक्चर क्या होगा सेम विल हैव बीन कुकिंग बात समझ आ रही है तो सिर्फ तुक्का नहीं मारने की विल लगाया तो सर कुक कर दो वहां पे अरे पूरा देखो तो सही

मील यहां पे विल हैव जाएगा ये फ्यूचर परफेक्ट में जाओगे आप खाना बना चुकी होगी तुम्हारी पसंद का जब तक तुम घर पहुंचोगे तो यानी घर पहुंचने से पहले बिफोर तो इसका मतलब कि वो काम पूरा हो चुका है वो काम पूरा हो चुका है वो काम पूरा हो चुका है तो किसमें जाओगे आप परफेक्ट में जाओगे जाओ तो फ्यूचर परफेक्ट है कि भाई इस समय तक कल ये काम पूरा हो चुका होगा तुम जब तक पहुंचोगे

चीजों को तुक्का नहीं मारना पूरे सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में देखना है शी रेयरली अप्रोच नो बडी टू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम दैट शी वॉज फेसिंग क्या प्रॉब्लम है इसमें अतुल ने दो बार विल हैव बताया था ओके okay, अतुल बहुत धन्यवाद इसमें आपको मैं हिंट दे दूं वैसे भी हाँ रविंद्र का जवाब सबसे पहले आया है नेहा का आ गया बहुत बढ़िया कौन सा कॉन्सेप्ट है भाई बच्चों बताओ आपको पता है कि वो सारे एडवर्ब जिनमें ऑलरेडी नेगेटिव सेंस होता है रेयरली यहाँ पे आपको दिख रहा है रेयरली बेयरली स्कैरसली हार्डली राइट नेवर नोवेयर ये सब जो नेगेटिव वाले एडवर्ब हैं इनके साथ दूसरा नेगेटिव वर्ड लगा दोगे तो वो पूरी बात को कैंसल आउट करके पॉजिटिव बना देते हैं तो बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी कॉन्सेप्ट है ये एडवर्ब का जिन पे आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन मिलते रहे तो शी रेयरली अप्रोच्ड एनी आपको कहना पड़ेगा राइट तो नो बडी को एनी बडी से आप रिप्लेस करेंगे टू टॉक अबाउट द प्रॉब दैट शी वॉज फेसिंग सो शी रेयरली अप्रोच एनी बडी यानी उसने किसी को अप्रोच नहीं किया उन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने के लिए जो वो फेस कर रही थी अगेन देखो दैट शी वॉज फेसिंग क्या है ये है आपका एडजेक्टिव क्लॉज और आप लोगों की आंखें पूरे सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में सेंटेंस को देख पाए इसीलिए मैं बार बार ये छेड़ता रहता हूं कि कैसा फ्रेज है कैसा क्लॉज है अगर पूरे सेंटेंस में नहीं देख पाओगे ना तो अच्छे लेवल के एग्ज़ाम्स या अच्छा स्कोर नहीं लेके आ पाओगे देखो वही पढ़ाई करनी है उसी से एम टी एस भी है सी एच एस एल भी है सी सी एल भी है सी पी ओ भी है स्टेनो भी है उसी से इतनी सारी ग्रेड पे हैं उसी से बयालीस सौ ग्रेड पे भी है छियालीस सौ भी है अड़तालीस सौ भी, भी, भी तो जितनी रैंक आप ऊपर लाओगे उतना बेहतर आपको पोजिशन मिलेगी तो चीज़ों को जब पढ़ो तो ढंग से पढ़ लो कौन सा रॉकेट साइंस है बचपन में पढ़ा था शायद रट के पढ़ा था आप समझ के पढ़ लेना क्या मुश्किल है तो जब इस अप्रोच से आप देखेंगे ना चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो कैसे भी आते हो कोई मुश्किल नहीं है एसएससी अभी भी डिफिकल्टी लेवल में लोएस्ट लेवल का एग्जाम है मैं अपनी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ इंग्लिश के उसके ऊपर आई आता है उसके ऊपर एस आता है उसके ऊपर फिर मैनेजमेंट एग्जाम्स आते हैं सो so ये लोवेस्ट लेवल ऑफ डिफिकल्टी का पेपर है आपने हवा बना करके इसको आप बड़ा कर देते हो

दत्ता कंपनी नए स्कूल बैग्स नहीं बना रही है जब से लॉकडाउन कमेंस हुआ है और इसके ऊपर मिलते हैं ये दिमाग में बिठाई लो एक तरीके से सिंस का पे सिंस क्या है जब से लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है तो सिंस के बाद जो आप क्लॉज लिखते हैं ना ये भी पास्ट इंडेफिनेट में ही जाता है क्योंकि ये के की तरफ इशारा कर रहा है पास्ट के टाइम की तरफ तो इशारा कर रहा है कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से दत्ता कंपनी जो है वो नए स्कूल बैग नहीं बना रही है और वही है कि ये भी पास्ट का ही एक टाइम हो गया तो इसके बाद जो क्लॉज लिखते हैं वो भी पास्ट में ही जाता है पास्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इट वॉज बाई अ चांस मूवी इन थिएटर तो इट वॉज बाई चांस बाई अ चांस नहीं होता बाई चांस होता है सब जानते हैं संयोगवश तो आज यहीं पे लगाते हैं पूर्ण विराम कैसा लगा आपको महिपाल कुशवाहा साहब क्या लिख रहे हो भाई यहाँ पे पेपर लीक हो गया ए का तो उसमें हेल्प में मैं क्या करूँगा हेल्प बताओ मुझे <laughs> चलो ठीक है तो देखो सेशन तो यहाँ पे 150 क्वेश्चंस मैंने सेट कर रखे हैं आप क्या कर रहे हैं कि कमेंट सेक्शन में आपको जितना डिस्कस किया है, उतना ही का नोट दूं या बाकी सारा दे दूं? हां जी तो सभी लोगों से निवेदन है कि यहां पे इस तरह का कमेंट ना करें राइट जो भी डिस्कशन हो रहा है उससे संबंधित सवाल पूछें जवाब दें उसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है साहनी माली कोरी ये क्या कह रहे हो भाई चलो सारा का सारा दे दें ठीक है तो ये टेलीग्राम चैनल जो है करियर वेल्ड ऐप का वहाँ पे अभी अपलोड हो जाएगा और आ, आपको सॉल्व करना है सॉल्व कर लीजिएगा देख लीजिएगा तो मैं हंड्रेड क्वेश्चन तक आपको दे दे रहा हूँ और कल कोशिश करेंगे कि थोड़ा फास्ट पेस में हो लेकिन वही बात है कि पेस इसीलिए ध्यान में रखना है कि सारी बातें समझ में आए मतलब जो भी उसके साथ एसोसिएटेड ज्ञान है सिर्फ ये नहीं कि इसमें ये एरर है आप कंप्लीट तरीके से वो सेंटेंस को देख पाएँ बातों को समझ पाएँ उसमें जितना समय लगेगा हम लगाएंगे कोई जल्दबाजी नहीं है ठीक है चलिए थैंक यू वेरी मच थैंक यू एवरीवन बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए और जुड़ने के लिए और सुबह आठ बजे फिर से याद दिला रहा हूँ जुड़ना मत भूलिए एडिटोरियल देखिए राइट right? एडिटोरियल देखने से लैंग्वेज की समझ बहुत बेहतर होगी पेपर आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहशन है तो जो हमारे बैंकिंग एस्पेरेंट हैं एस एस है, कोई भी एग्ज़ाम आप देख रहे हो डिफेंस वाले हो आप सी आप यू की प्रिपरेशन सी कर रहे हो वहाँ भी आर आती है छोटे छोटे पैसेजेज आते हैं और हमारे सी वाले भाइयों को ही ध्यान में रख के मैं स्पीकिंग ट्री भी कराता हूँ फिलोसफी बेस्ड पैसेज कराता हूँ और फ़िलासफ़ी बेस्ड पैसेजेज़ अब हर एग्ज़ाम में आते हैं सीजीएल में तो आई थिंक 2018 से शुरुआत हो गई थी 2018 में जो पेपर हुआ था तो वहाँ से वो आपका स्पीकिंग ट्री से पैसेजेस सोर्स करते हैं और बहुत सारे बच्चों को फिलोसफी समझ नहीं आती तो इसीलिए पूरी मेहनत होती है एक घंटे का करीब सेशन हो जाता है बट वो मेहनत आपके लिए हो रही है उससे जुड़िए उसका फ़ायदा उठाइए ठीक है थीके? और लैंग्वेज को बिल्कुल आसान कर लीजिए जितना आपका एक्सपोज़र बढ़ता है भाषा का उतना आप उसमें बेहतर होते हैं बहुत धन्यवाद Good night. Thank you. हेलो एवरीवन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेरी वॉम वेलकम आप सभी का स्वागत है इस सेशन में जहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं एस एस सी सीजियल दो में आए हुए क्वेश्चंस। आई होप एवरीथिंग इज ऑल राइट सब कुछ ठीक ठाक है ऑडियो वीडियो सब आप तक पहुँच रहा है हाँ जी तो सेशन स्टार्ट हो चुका है तो कल हमने इसमें तीस क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे थर्टी क्वेश्चन इसके इसकी जो क्लास नोट है ये भी आपको करर विल के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल थी आज उसके आगे अपनी गाड़ी बढ़ेगी आ जाओ भाई चले तो रेडी हैं ऑल गुड सो लेट्स गेट स्टार्टेड शुरू करते हैं पहला सेंटेंस आपकी नजरें अनायत आपके सामने माई पढ़ते ही समझ आ रहा है बिल्कुल ही मासूम लल्लू लाल टाइप क्वेश्चन राइट तो यहां पे हैड के बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको पता है हैड वही एरर था इसको से आप करोगे की क्या है दिस इज नाउन फ्रेज ये नाउन फ्रेज है आपका कैसे पता लगा क्योंकि फ्रॉम प्रशन किसके पहले पोजिशन होता है प्रेपोजिशन नाउन प्रोनाउन, नाउन फ्रेजेज एंड नाउन क्लॉजेज भी डेफिनेशन को बड़ा करना वो बचपन वाली डेफिनेशन बस नहीं देखनी कि प्रिपरेशन इज दैट इज प्लेस और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अदर नाउन प्रोनाउन इन द सेम सेंटेंस उसमें आइए इसमें और ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं जहां जरूरत नहीं वहां नहीं देंगे वन ऑफ दीज बॉक्सिस है पोर्ट्रेट ऑफ दॉब्लम है बहुत ही घिसापेटा कॉन्सेप्ट घिसापिटा का मतलब ओवर यूज बार बार क्वेश्चंस आए हुए हैं इस पे वन ऑफ दीज बॉक्सेज हैव द पोर्ट्रेट ऑफ द हेयर्स किस पार्ट में दिक्कत है भाई देखो हम बात दीज बॉक्सेज में से वन की कर रहे हैं और वन के साथ यहाँ पे वन के अकॉर्डिंग क्या आएगा हैज आएगा तो किस पार्ट आंसर क्या हो गया आपका ए यहाँ पे बॉक्सेज हैव लिखा था और देखिए स्टूडेंट्स कई बार इसको रूल के फॉर्म में रटते हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन इंपॉर्टेंट रूल ये रूल वो रूल रूल की जरूरत नहीं है बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है देखो ये यहां पे लिखा है वन ऑफ द अब इसी को याद करने की कोशिश करते हैं कि ऑफ के बाद जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा लेकिन वर्ब सिंगुलर लगेगा तो भाई वर्ब तो सिंगुलर लगेगा ही क्योंकि हम बॉक्सेज में से बात एक की कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग लगेगा लेकिन हमारे बोलने में भी ये बहुत ये गड़बड़ करते हैं हम और गलत बोलते भी हैं ऑब्जर्व करिए इस बात को आप बोलते हो वन ऑफ माई फ्रेंड वन ऑफ माई फ्रेंड क्या ऐसी इंग्लिश हो सकती है मतलब ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है वन ऑफ माई फ्रेंड वन ऑफ माई रिलेटिव वन ऑफ माई स्टूडेंट यू कांट से दिस वाई इज इट सो क्यों नहीं कह सकते क्योंकि माई स्टूडेंट एक हुआ ना माई फ्रेंड एक हुआ अब एक में से एक कहां से निकालोगे तो इस बात को रटते क्यों हो आपकी वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होता है ये कॉमन सेंस की बात है रटने में हमारे सोचने समझने की ताकत क्षीण हो जाती खत्म हो जाती वैसे ही स्कूल कॉलेज में रोड लर्निंग मेमोराइजेशन पे ज्यादा जोर होता है वही आप इधर भी करोगे यहाँ कोई रॉकेट साइंस तो नहीं पढ़ रहे हम बहुत ही सिंपल सी बातें पढ़ रहे हैं वही ग्रामर के लेसन जो स्कूल में पढ़ा पंद्रह साल तक सबने पढ़ लिया होगा उसको भी फिर रटो तो इसका कोई फायदा नहीं है ठीक है तो ये कॉमन सेंस की बात है कि वन ऑफ माई फ्रेंड बिल्कुल नहीं हो सकता आफ के बाद लगा हुआ नाउन या प्रोनाउन हमेशा ही प्लूरल होगा इसीलिए अगर मैं मान लो यहाँ पे प्रोनाउन में भी खेलने की कोशिश करूं और यहाँ पे मैं लिखूं ईच या वन कुछ भी लिखा जा सकता है आफ के बाद ये क्लासेस में भी पूछता हूं आपसे कि भाई देखो ये ईच ऑफ देम देम वन वन ऑफ 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 या each of us, one of us, या ईच ईच अस अस यू ये सारे के सारे पॉसिबल है लेकिन मैं अगर वहीं पे आपसे पूछूं कि क्या कभी इंग्लिश में आप इस तरह का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं क्या हिम या हर तो आप कहेंगे नहीं सर नहीं लिख सकते क्यों नहीं लिख सकते सर बिकॉज हिम और हर सिंगुलर है एक की बात कर रहा है एक में से हर एक या एक की बात नहीं कर सकते तो दिस एक्सप्रेशन इज नॉट पॉसिबल बट देम अस और यू ये सारे के सारे प्लूरल हैं देम तो वैसे ही प्लूरल है अस भी प्लूरल है और यू आपको पता है बेचारा सेकेंड पर्सन का ये प्रोनाउन सिंगुलर भी यू प्लूरल भी यू और देखो यही इस भाषा की दिक्कत भी है इंग्लिश लैंग्वेज की ये दिक्कत है ये बड़ी खिचड़ी लैंग्वेज है चीज़ें उतनी कई बार लॉजिकल नहीं लगती जैसे जब हम संस्कृत में बात करते हैं तो वहाँ तीनों पर्सन के लिए तीन तीन शब्द हैं ना फर्स्ट पर्सन में अहम आवाम वयम है मैं हम दोनों हम सब सेकेंड पर्सन में त्वम यू आम यू एम है तुम तुम दोनों तुम सब राइट और सह तौते भी है थर्ड पर्सन में वह वे दोनों और वे सब बट इंग्लिश में हमारे पास फर्स्ट पर्सन में सिर्फ आई और वी है सिंगर और प्लूरल सेकेंड पर्सन में बिल्कुल गरीबी छा जाती है वही यू है उसी को सिंगुलर के तौर पर भी यूज करोगे प्यूरल के तौर पर भी तो ये कॉमन सेंस रखना जरूरी है कि जैसे मैं अब अगर आपकी तारीफ में ये कहूं कि ईच ऑफ यू इज इंटेलिजेंट जितने लोग क्लासेस देख रहे हैं तो ये वाला यू कॉमन सेंस से पता लग रहा है जाएगा। तो ये रटने की जरूरत नहीं है, और वहीं पे अगर, लग जाए यहां पे सम ऑफ डेफिनेटली वर्ब प्लूरल हो जाता है वो देम के अकॉर्डिंग नहीं लग रहा वो सम के अकॉर्डिंग लग रहा है सम एक से ज्यादा है तो प्लूरल होगा तो आगे से रटिएगा मत बिल्कुल इसको चले आगे बढ़ते हैं

बट यू कैनॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि तुम पूरी जनता को और पूरे समय के लिए उसको बेवकूफ बनाते रहो सो आई डोंट फाइंड एनी एर नो एर ऑप्शन में भी है बिल्कुल ठीक है दुरुस्त है सेंटेंस कोई दिक्कत नहीं है यहां पर चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हार्दिक्स हॉरस्कोप सेज दैट द स्टार्स विल बी एक्सरसाइज अइन इंफ्लूएंस ऑन हिज लाइफ हार्दिक्स हॉरोस्कोप सेज हार्दिक का जो हॉरोस्कोप है वो ये कहता है कि स्टार्स विल बी एक्सरसाइज्ड बिनाइन इन्फ्लुएंस ऑन हिज लाइफ कहाँ पे प्रॉब्लम है कैसे करेक्ट करोगे कहाँ पे जा रहे हो आप पीयूष कुमार कह रहे एम की भी तैयारी कराते हैं आप बेटा मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं तुम एम करो सी करो सी करो सी करो स्टेनो करो आई करो एस बी करो कहीं कोई दिक्कत नहीं है इंग्लिश नहीं बदल जाती और इसमें आपको आगे क्वेश्चन एमटीएस के भी मिलेंगे सीएचएसएल के भी मिलेंगे आने वाले दिनों में ये पूरा करीब करीब 290 क्वेश्चन का सेट है 2023 में एसएससी के सभी एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस के हां जी तो आप बता रहे हैं यहां पे किस में गलती है कहां प्रॉब्लम है नो no एरर नहीं देख पाए हार्दिक हारोस्कोप से हार्दिक का हॉरोस्कोप कहता है कि दैट द स्टार्स विल बी एक्सरसाइज बिनाइन इन्फ्लुएंस ऑन हिज लाइफ ये विल बी एक्सरसाइज लिखा है ये में लिखा हुआ है आया ना तो यहाँ पे स्टार्स सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा है मतलब ये जो दैट वाला है उसका सब्जेक्ट है सब्जेक्ट है डूअर है डूअर है तो किस में आना चाहिए एक्टिव वॉयस में आना चाहिए एक्टिव वॉयस का मतलब टेंस के नियमों के अनुसार होना चाहिए विल के बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कि उसका हॉरोस्कोप ये कहता है कि जो उसके सितारे हैं वो उसके ऊपर एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डालेंगे ये जो बिनाइन शब्द है ना बड़ा प्यारा शब्द है ये देखो यहां पे बेन रूट वर्ड आता है बेन का मतलब होता है काइंड जेंटल अच्छा ठीक है ये आप में करते हैं और बड़ी खूब बहुत सारे शब्द बनते हैं यहां से देखो बिल्कुल एग्जैक्ट ऑपोजिट आपको मिलते हैं बेनिगनेंट शब्द आता है बेनिगनेंट का एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है मैलिग्नेंट मैलिग्नेंट ठीक है ऐसे ही आपके पास शब्द आता है बेनोवलट वेनोवलेंट का एग्जैक्ट ऑपोजिट आपका पेपर भी पूछता ना क्लोजेस्ट एंटेम Benevolent का का malevolent. Malevolent. इसी तरीके से एग्जैक्ट ऑपोजिट ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन और जब भी एंटनीम पूछा जाए तो हमेशा ग्रामेटिकल प्रोफाइल को जरूर ध्यान रखिए ग्रामेटिकल प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हमें ऑपोजिट जाना होता है यहीं से आता है benediction डिक्ट का मतलब बोलना यानी जब आप किसी को अच्छी बातें बोलते हैं ब्लेसिंग्स देते हैं तो वो बेनिडिक्शन होता है और मेलिडिक्शन एग्जैक्ट इसका ऑपोजिट हो जाता है बेनिडिक्शन का ऑपोजिट मैलिडिक्शन यहीं से आता है बेनिफिसेंट बेनिफिसेंट जो इंसान है वो बड़ा परोपकारी है एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाता है मैलिफिसेंट ठीक है तो ये बड़े सारे शब्द हैं हमारे पास जो बेन और मैला की कहानी से चलते हैं ऐसे ही बोनाफाइड शब्द आता है आप सब जानते हैं अच्छे भाव से किया गया काम अच्छे फेथ से और इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाता है मेलाफाइड इंटेंशन से किया गया काम बिनाइन का एक और इस्तेमाल देखें वोकैबलरी में क्या होता है ना कि शब्दों के बड़े सारे फिगरेटिव एक्सटेंशन uh, होते हैं तो बिनाइन किसी इंसान के लिए अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो बहुत ही काइंड और जेंटल है बिनाइन एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस चेहरे पे बड़े सुंदर अच्छे भाव हैं लेकिन वहीं पे किसी को कैंसर हो रखा है और कैंसर बिल्कुल प्राइमरी स्टेज में है तो हम बोलते हैं ट्यूमर जो है वो बिनाइन स्टेज में है तो बिनाइन स्टेज या बेनिग्नेंट स्टेज का मतलब कि कैंसर अभी प्राथमिक चरण पे है प्राइमरी स्टेज पे है उसका इलाज हो सकता है लेकिन वहीं अगर कहा जाए कि कैंसर जो है वो मैलिग्नेंट स्टेज में पहुंच गया है इसका मतलब कैंसर अब टर्शरी स्टेज में है आखिरी चरणों में है उस इंसान का बचना संभव नहीं है ये एडजेक्टिव में कॉन्सेप्ट पढ़ते हो ना लिटिल और अ लिटिल राइट सो द पर्सन हैज बीन डायग्नोज विद कैंसर ऑफ टर्शरी स्टेज एंड देयर इज लिटिल चांस ऑफ इट सर्वाइवल लिटिल का मतलब ना के बराबर लेकिन वहीं पे ही हैज बीन डायग्नोज विद द प्राइमरी स्टेज ऑफ कैंसर एंड देयर इज अ लिटिल चांस ऑफ इज सर्वाइवल अगर प्राइमरी स्टेज में डायग्नोज हो गया तो थोड़ा बचने के चांसेस हैं बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट आता कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आएगा ही लिटिल अ लिटिल द लिटिल फ्यू अ फ्यू द एनी वे तो क्वेश्चन हमने कर लिया विल बी एक्सरसाइज में दिक्कत ही ये विल एक्सरसाइज होगा और देखो यहां से बात क्या समझ आ रही है कि अब एग्जाम ये नहीं कह रहा कि बस एक्टिव पैसिव में चेंज करो रट्टू तोते की तरह ये लगा है तो ये लगा दो एग्जामिनर यह टेस्ट करना चाहता है कि जो अधिकारी बनने जा रहे हैं ग्रुप बी ग्रुप सी ग्रुप डी जिसमें भी जाना है अधिकारी क्या ऑफिसर्स बनते हैं आप तो ऑफिसर uh, अधिकारी होता है और आगे मेहनत से पढ़ोगे तो अधिकारी भी बनोगे तो अधिकारी वैसे जनरली ग्रुप ए के लिए आ जाता है एनी anyway, वे तो यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं कि वो ये टेस्ट करना चाहते हैं कि सेंटेंस को पढ़ करके आपको ये समझ आता है कि नहीं कि कब कि हम किसी बात को एक्टिव वॉयस में लिखें और कब पैसे वॉयस में लिखें स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस की बेहतर समझ चाहिए ना कि जस्ट वो चेंज करने वाला पैटर्न उसकी समझ तो चाहिए चाहिए बट ये समझ भी आपको चाहिए जैसे यहां पे उस समझ की कमी की वजह से दिक्कत हुई आइए सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस टूडे इज सिक्स डे ऑफ आवर वर्कशॉप ऑल द डे ऑफ आवर वर्कशॉप ऑल द एंथुजियास्टिक टूडे इज दिक्स डे ऑफ आर वर्कशॉप ऑल द पार्टिसिपेंट्स आर हाइलींथजिया एंड टूडेज सिक्स डे ऑफ आर वर्कशॉप ऑल द पार्टिसिपेंट्स आर हाइल्ली एंथुजियास्टिक कौन सा ऐसा है जो करेक्ट है बताए ओके द नोन नजर आ गया एरर आपको सी में प्रॉब्लम है या सी करेक्ट है करेक्ट पूछा जा रहा है ना बिल्कुल जी तो आप देखो सिक्स यहां पे लिखा हुआ है और सिक्स के साथ आर्टिकल कौन सा जाएगा द आप जानते हैं ये अगेन आप एडजेक्टिव में पढ़ते हैं जब डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव की हम बात करते हैं तो वहां पे कार्डिनल आर्डिनल एंड मल्टीप्लीकेटिव कॉन्सेप्ट याद आ गए डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव यानी जहां निश्चित संख्या का बोध कराया जाता है तो उसमें कार्डिनल हो गए आपके वन टू थ्री फोर फाइव ये वाला पैटर्न फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स ये हो गए आपके ऑर्डिनल्स एंड सिंगल डबल ट्रिपल क्वाड्रुपल ये क्या हो गए ये हमारे हो गए मल्टीप्लीकेटिव तो जो भी हमारे ऑर्डिनल होते हैं उनके पहले हम द लगाते हैं He got the first position. He got the second position. तो वैसे ही the sixth. तो यहाँ पे ये बिल्कुल दुरुस्त है Today is the sixth day of our workshop. और ये तो देखो ऑल द पार्टिसिपेंट्स आर ये तो चारों सेंटेंस में बिल्कुल ठीक था बस यहां पे कहानी किस में थी और वही कल मैं आपको समझा भी रहा था कि जरूरी नहीं है कि चारों ऑप्शन के सेंटेंसेस पूरे पूरे पढ़ो सबका थोड़ा थोड़ा पार्ट अगर इतना ही पार्ट आप देख लेते ना तो बस इतने में ही हमें एरर नजर आ जाता है चले बहुत अच्छे एंथुजियास्टिक की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है यहाँ पे महेंद्र कुमार राजपूत जी पूछ रहे हैं का मतलब का मतलब जोश से भरा हुआ इसका नाउन फॉर्म क्या होता है Enthusiastic जो है ये आपका एडजेक्टिव है राइट right? इसका नाउन फॉर्म enthusiasm होता है This is noun, enthusiasm. ठीक है चलो तो ये एडजेक्टिव आपका हाईली एडवर्ब हो गया यहां पे verb हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट ऑफ है आई है बचपन वाला कॉन्सेप्ट एंथोजिया का मतलब ऊर्जा से भरा हुआ जोश से भरा हुआ एनर्जेटिक पे प्रॉब्लम है हां जी बहुत बढ़िया वेरी गुड कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है कॉन्सेप्ट बताओ यहां पे ये आप पढ़ते हो पास्ट इनडेफिनेट एंड पास्ट परफेक्ट कि भाई जब दो एक्शंस पास्ट में हो रहे हों तो दोनों में जो पहले पूरा हो चुका होता है वो पास्ट परफेक्ट में जाता है और फॉलोइंग एक्शन पास्ट इंडेफिनिट में सो इफ देर आर टू एक्शंस हैपनिंग इन द पास्ट देन द एक्शन दैट टुक प्लेस फर्स्ट शुड बी रिटर्न इन पास्ट परफेक्ट एंड द फॉलोइंग एक्शन विल गो इन पास्ट इंडेफिनिट वही मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी जो बचपन वाला सेंटेंस है तो ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन तो वही कहानी यहाँ पे है हैड गॉन तो बिल्कुल दुरुस्त है ठीक है बट यहाँ पे इन्होंने गो कर दिया है इस ये पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा यहां जाएंगे आप वेंट के साथ बहुत बढ़िया वेरी गुड सो ए में प्रॉब्लम थी आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेज द इनडेफिनिट आर्टिकल देखो भरपूर क्वेश्चन मिले हैं लास्ट ईयर में uh, अलग तरीके से आर्टिकल का ज्ञान चेक किया गया है आई हैव नेवर सीन एन यू एफ ओ अफ ओ एन यू एफ ओ इन एन इंग्लिश मूवी अ एन बस यानी यही देखना है आपको इतना पार्ट देखना है देख लो किसमें दोनों कॉम्बिनेशन दुरुस्त होने चाहिए सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा नजर आ गया करेक्ट ऑप्शन में पहुंच गए मैं वही देखता हूं कि ऑप्शन सबके एक आने चाहिए थोड़ा बहुत भी इधर उधर फिसले तो अच्छी बात नहीं है देखो कल भी हमने बात करी थी कि आर्टिकल का पूरा का पूरा ज्ञान जो है वो साउंड के ऊपर है एंड वॉवल साउंड के पहले एन लगता है और कॉन्सोनेंट के पहले अ लगता है तो यू एफ ओ में आप देखो यू य का साउंड है तो एन तो लगेगा नहीं तो एन वाले दोनों बाहर हो गए अब इधर अयूएफ ओ है इन दोनों में तुलना कर लो भाई इंग्लिश से पहले इंग वो साउंड जो है वोवल साउंड है तो एन इंग्लिश आएगा अ यू एफ ओ एन इंग्लिश सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है ये क्वेश्चन ज्यादा ही आसान होते हैं ही विल रिटर्न इन एन आर देखो पढ़ने में ही निकल के आ गया ना एरर बोल रहा है तो अब उच्चारण आपका ठीक होगा तभी आप बोलोगे ना द प्रोनाशिएशन इज आर एक्चुअली द आवर भी नहीं है आवर इज ओ यू आर इसका राइट right प्रोनाशिएशन होता है आर इन द फर्स्ट आर ऑफ द मैच बट हम फिर भी उसको बोलते हैं तो इट इज नॉट हावर इट्स आर वॉवल साउंड है और uh, नहीं लगेगा यानी डी में दिक्कत है अ uh, की जगह पे लगाओगे आप एन said that he is coming from his village, हिज विलेजगढ़ पे प्रॉब्लम है इसमें ए बी सी डी लिखा हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है यहां ही इज कमिंग लिखा हुआ है किसके साथ जाओगे आप कहा प्रॉब्लम है नजर आ गया आपको ही वॉज कमिंग होगा ठीक है और देखो ये भी वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन वाला ही कॉन्सेप्ट है बट उस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है यहां पे और आपको पता है कि जब रिपोर्टिंग वर पास्ट में होगा तो आप यहाँ पे इज कमिंग नहीं लिख सकते प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में कन्वर्ट हो जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में यही तो छह बदलाव होते हैं जब आप डायरेक्ट टू तो इंडायरेक्ट में जाते हो और रिपोर्टिंग वर पास्ट में होता है कौन से बदलाव प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में और पास्ट पास पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यही छह बदलाव है मॉडल वर्ब का चेंज आप जानते हैं विल वुड कैन कुड मे माइट तो बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए चीजें तो बी में बी करेक्ट ऑप्शन है अगला शी वॉज वेटिंग फॉर अ अपॉर्चुनिटी बस इतना पढ़ते ही आपकी जबान रुक जाएगी वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी राइट आर्टिकल की दिक्कत है सी करेक्ट ऑप्शन है मुझे ओन का और ओन कितने तरह की ग्रामेटिकल प्रोफाइल में इस्तेमाल हो सकता है ओन पदेशन साहिल भदौरिया साहब बता रहे देखो यहां पर उन जो है इसको एम्फेटिक एडजेक्टिव कहते हैं क्योंकि ये जोर डालने के लिए इस्तेमाल होता है यहां business जो है ये noun है हर possessive adjective है ये हर ठीक है possessive adjective है ये और ये इम्फेटिक एडजेक्टिव है लेकिन इसी ओन को अगर मैं ऐसे सेंटेंस लिखूं आई ओन दिस बिजनेस आई ओन दिस बिजनेस तो यहां पे अभी आप इस ओन को किसके साथ यूज करोगे ये क्या हो गया मतलब इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या हो गई आपको साफ साफ दिख रहा है ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है ठीक है और ये हम वर्ब में पढ़ते भी हैं आपको पता है देर आर फाइव कैटेगरीज ऑफ वर्ब जिनको आप इन जनरल कॉन्टिन्यूस में नहीं लिखते और उनमें एक आता है वर्ब ऑफ पोजेशन तो आप कभी आई एम ओनिंग नहीं कर सकते या ही इज ओनिंग नहीं कर सकते ये लिखा जाता है इनडेफिनिट में ही और उसके पीछे कारण क्या है क्योंकि कोई भी पोजेशन परमानेंट नहीं होती आज राजा हैं कल रंक हो सकते हैं आज रंक हैं कल राजा हो सकते हैं तो जैसे सेंस परसेप्शन के वोब में भी आप आई नहीं लगाते बिकॉज सेंस परसेप्शन क्या है दैट इज लिमिटेड ना हम इंसानों की जो सेंस परसेप्शन है वो लिमिटेड है वो साइंस ने खुद ही बताया हुआ है कि हम पूरा देख नहीं सकते देखते हैं सिर्फ कितना वेबग्योर रेंज सुनते हैं सिर्फ बीस हर्ड से बीस हजार राइट हमसे कुत्ते जो हैं हमसे दस गुना ज्यादा बेहतर सूंघ लेते हैं इसका मतलब हम जो भी सूंघ रहे हैं जो भी सुन रहे हैं जो भी फील कर रहे हैं वो रियलिटी नहीं है वास्तविकता नहीं है नेचर ने कॉस्मिक कॉन्सिय कॉस्मिक कॉन्शियसनेस ने जितनी औकात दी है हम वही प्रोजेक्ट करते हैं और इसीलिए शब्द आता है माया कि अपने प्रोजेक्शन को रियलिटी मत मान लो राइट एनी वे तो दैट्स द रीज़न कि आप इनडेफिनेट इसीलिए उसको कहते हैं इनडेफिनेट टेंस बिकॉज अनिश्चितता है वहां पर आप उसी खाने के बारे में घर के चार लोग चार राय रखते हैं किसी को कह रहा नहीं तीखा लग रहा है कोई कहता नहीं ठीक ठीक तो है कोई कह रहा नहीं नमक मुझे ज़्यादा लग रहा है खाना तो एक ही है लेकिन चार लोग अपने अपने राय व्यक्त कर रहे हैं तो वो परमानेंट सी बात नहीं वो कंटिन्यूस में नहीं जाएगी वो इनडेफिनेट में रहेगी एनी वे तो ये ओन यहाँ पे वर्ब हो गया वहां इम्फेटिक एडजेक्टिव था आइए आगे बढ़ते हैं इफ थिंग्स वर नॉट गोइंग टू बी नॉर्मल आफ्टर द पैंडेमिक मैन काइंड विल हैव टू एक्सेप्ट द न्यू नॉर्मल थिंग्स वर नॉट गोइंग टू बी नॉर्मल पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा सर मेरा स्पोर्ट्स एंड एरर का क्वेश्चन बहुत गलत होता है मिस अग्रवाल तो मिस अग्रवाल इसीलिए यहाँ पे चल रही है प्रैक्टिस बाकी डिटेल्ड क्लासेस देखनी है तो उसके लिए कोर्स होता है वहां पे हर एक चैप्टर डिटेल मैनर में पढ़ाता हूँ यहाँ आपकी प्रैक्टिस चल रही है वहां पे भी जहाँ थोड़ा भी मौका मिल रहा है ज्ञान देने का वो कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक पहुँच जाए सुविधाएं सारी मौजूद हैं आपके ऊपर है आप ले सकते हैं कोर्सेज आर अवेलेबल ऑन करियर विल ऐप

कि इफ वाला क्लॉज जो है वो प्रेजेंट में चला गया इधर आप फ्यूचर में चले गए यहां पे पैंडेमिक शब्द खूब सुना है आपने ये तीन शब्द आते हैं आई होप ज्ञान आपको है बट फिर भी मेरी जिम्मेदारी है जहां मौका मिले दे दू थोड़ा थोड़ा एपिडेमिक और एंडेमिक ये देखो तीन शब्द हैं ये एंड इफ वी टॉक अबाउट फ्रॉम रूट वर्ड परस्पेक्टिव यानी पी आर मेथड के अकॉर्डिंग बात करें सो प्रेफिक्स आर डिफरेंट ये सारे प्रेफिक्स हैं पहले आने वाले उपसर्ग डेम रूट वर्ड है रूट भी सेम है और एक सफिक्स भी सेम है राइट right? तो यही होता है पी आर एस मैथिक्स रूट सफिक्स इज इज द डिफरेंस अ काइंड ऑफ डिजीज दैट द पीपल ऑफ अ वाइडर जियोग्राफिकल स्ट्रेच राइट पैंडेमिक एक ऐसी समस्या बीमारी को कहते हैं जो बड़े पैमाने पर रहने वाले लोगों को अपना शिकार बनाए पैन का मतलब ही होता है बड़े पैमाने पे पैन इंडिया बेसिस जैसे आप कोई भी बात करो एपिडेमिक क्या है एपी का मतलब होता है आसपास सो so, एपिडेमिकज ए काइंड ऑफ डिजीज और प्रॉब्लम दैट इन्फ्लिक्स द पीपल ऑफ ए पर्टिक्युलर जियोग्राफिकल स्ट्रेच और अ पर्टिकुलर कम्युनिटी एंड दैट इज कॉल्ड एपिडेमिक राइट तो ये क्षेत्र विशेष की बात है अब इसमें यह भी ध्यान में रखना है क्योंकि डेम रूट वर्ड का मतलब होता है पीपल लोगों से संबंधित तो कई बार हमें यह समझ में आता है कि सारे शब्द बीमारियों के लिए सिर्फ बीमारियों के लिए नहीं है लोगों से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं जैसे आप ये भी कह सकते हो कि खार कारथेफ्टज बिकम एन एपिडेमिक इन माई एरिया कार थिफ्टज़ बिकम एन इन माई एरिया इन माई सिटी इन माई मोहल्ला व्हाट्स एवर तो एपिडेमिक एक एरिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो सकती है ईव टीजिंग हैज़ बिकम एन एपिडेमिक माई लोकेलिटी या जब कहीं पे बाढ़ भूकंप इस तरह के नेचुरल क्लामिटी आती है तो वहाँ पे बहुत सारे रबल्स के नीचे लोग दबे होते हैं मरे होते हैं जीव जंतु इंसान सब कुछ तो वहाँ हवा और पानी के खराब होने से बीमारी फैलने का खतरा रहता है तो वहाँ भी आप क्या लगाओगे एपिडेमिक लगाओगे जब दो में केदारनाथ में जलजला आया था तो कितनी सारे लोगों की मौतें हुई थी बहुत सारी डेड बॉडीज डिकम्पोज हो रही होंगी तो डेफिनेटली ऐसा नहीं कि पूरे के, पूरे उत्तराखंड में बीमारियां फैल जाएंगी लेकिन उस 15 20 30 किलोमीटर के दायरे में जहां पे ज्यादा क्षति हुई है वहां पे बीमारी फैलने का खतरा होगा उसे एपिडेमिक कहते हैं एंड एंडेमिक इज अ काइंड ऑफ डिजीज दैट इन्फ्लिट्स द पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर जोग्राफिकल पर्टिकुलर कम्युनिटी एंड इट्स काइंड ऑफ टफ टू गेट रिड ऑफ दैट एज वेल एंड देर इज अ पैटर्न ऑफ रेकरेंस एज वेल ये भी है इसमें सिंपल शब्दों में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं इसीलिए ना अच्छे पेपर में जैसे बैंक के पेपर में एस बी आई पी ओ में मान लो डबल फिलर दे दिया तो वहाँ एपेडेमिक एंडेमिक में कन्फ्यूज कर लेता है एस एस सी अभी इतनी गहराई में नहीं जाता शब्दों में आगे जाए तो पता नहीं आ, वो कई बार बड़े मासूम ऑप्शन भी दिए हैं उन्होंने सिनेनी मेंटेनी में एनी anyway, वे तो एंडेमिक में फर्क है जैसे ये डेंगू और चिकनगुनिया है तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ वॉट एंडेमिक अब ये इसमें इकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जैसे दिल्ली और आसपास के इलाकों में जब बरसात का मौसम आता है आप देखते हो एडवर्टीजमेंट शुरू हो जाती है कि पानी निकालो पानी जमा मत होने दो तो ये वो यानी साल के पर्टिकुलर महीने में खास समय में वो बीमारी हर साल आती है इसलिए मैंने कहा उसमें रेकरेंस का पैटर्न है और याद रखने के लिए ऐसे रख सकते हो जिससे एंड भी नहीं मिल रहा क्योंकि हर साल वो पर्टिकुलर महीने में आएगी ऐसे बिहार में भी है ना कोई एरिया वो लीची खाने से जहाँ मौतें हुई थी बहुत रिसर्च हुआ या आप ये पूर्वांचल का बेल्ट देख लो तो वहाँ पे बच्चों की जिसको जापानी बुखार कहते हैं इनसेफ्लाइटिस बरसात के मौसम में उससे मौतें होती हैं तो देर आर एक्चुअली इकोलॉजिकल फैक्टर्स यानी उस खास एरिया में कुछ इकोलॉजिकल फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से वो खास बैक्टीरिया वायरस जो भी उस बीमारी को फैलाने वाले एजेंट हैं उस मौसम में उनमें बढ़त होती है और वो लोगों को अपना शिकार बनाते हैं दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज इज कॉल्ड एंडेमिक दैट्स द डिफरेंस इन थ्री वर्ड्स डेम अ रूट वर्ड आप जानते हैं ये सारा डेमोक्रेसी डेमोगाजी डेमोग्राफी देन डेमोफाइल कभी फिर बात करेंगे वो कैब का सेशन जब करेंगे तब अभी यहीं पर रुक जाते हैं तो हाँ क्वेश्चन का जवाब मिल गया शब्द सीख लिया आपने आगे बढ़ते हैं दिस विल बी मोस्ट डिफिकल्ट यहीं पर जवान खुद ही रुक जा रही है पढ़ते में ही देखो अगर आप ढंग से पढ़ते हो ना तो आपकी जबान खुद रुकती है एरर पर रुकती है बच्चे कहते हैं सर जब मिक्सड एरर आता है तो नहीं दिमाग की बत्ती कलती भाई तुमने अगर ढंग से पढ़े हैं सारे चैप्टर्स ना पढ़े हैं और समझे हैं रूल नहीं रटा है वो हंड्रेड रूल फिफ्टी रूल वाली पढ़ाई नहीं करी है गोल्डन रूल सिल्वर रूल वाली ढंग से पढ़ा है नाउन क्या होता है उसके फंक्शनैलिटीज तुम्हें पता है प्रोनाउन क्या होता है फंक्शनैलिटीज पता है एक्सेप्शन पता है तब एरर ढूंढ लोगे ये जो रूल रटने वाले विद्यार्थी होते हैं दिक्कत इनको होती है क्योंकि अगर वो चमका तो चमका नहीं चमका तो नहीं चमका जरूरी थोड़े कि चमक जाए वो दैट्स वाई आई ऑलवेज फोकस ऑन द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस मैं इसी को इसीलिए पूछता रहता हूं फ्रेज है क्लॉज है क्या है बताओ एडिटोरियल सेशन भी मॉर्निंग में हो रहा है इसी चैनल पर वहां भी ये बात होती रहती है तो पूरे सेंटेंस को समझने पर जोर दीजिए जी तो दिस विल बी द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ द एडजस्टमेंट्स वी हैव टू मेक बिकॉज वी हैव बीन यूज्ड टू स्पेंडिंग अ लॉट ऑन गेस्ट्स अब मैं अगर यहां पे पूछूं आपसे ये स्पेंडिंग अलॉट ऑन गेस्ट ये किस तरह का फ्रेज है तो देखो टू लगा हुआ है प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन बनता है नाउन या नाउन का इक्विवेलेंट नाउन का इक्विवेलेंट क्या होता है जिरं ये है आपका जिरंड स्पेंडिंग तो इसीलिए हम इसको पूरे तरीके से क्या बोलेंगे दिस विल बी कॉल्ड जिरंडियल फ्रेज ये जिरंडियल फ्रेज है अब यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं यूज टू अपने आप में बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है और इतने तरीकों से इस्तेमाल होता है ये हम एडवांस वर्ब में पढ़ते हैं तो यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं ये यूज टू ये क्या है क्या आप इसको मॉडल वर्ब कहोगे क्या ये मॉडल वर्ब है या एडजेक्टिव है क्या है ये जिरंड की स्पेलिंग संजय सही कर लो भाई जी आर ए एन डी लिख रहे हो मतलब डर जाएगा जिरंड हाँ वेरी गुड रियू यूज टू यहां पे एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है और कैसे पता लगा अगर वो मॉडल वर्ब होता तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता जैसे आप कहो कि आई यूज टू प्ले हॉकी तो मैं हॉकी खेला करता था मॉडल वर्ब सब्जेक्ट के तुरंत बाद आते हैं राइट आई यूज वर्ब आ जाएगा लेकिन जैसे ही आप आई एम यूज टू आई वॉज यूज टू ही विल बी टू कुछ भी कर रहे हो वो यूज टू अब एडजेक्टिव हो गया और किसके आदति हो किसके आदती थे यानी उसके बाद तो क्या लगाओगे नाउन लगाओगे या नाउन का इक्विवेलेंट लगाओगे ठीक है तो अब जैसे आप कहो कि आई एम यूज टू दिस वेदर आई एम यूज टू दिस वेदर ये दिस वेदर क्या है नाउन फ्रेज टू के बाद आ रहा है कि मैं इस वेदर का आदि हूं तो दिस वेदर नाउन फ्रेज था वैसे है, है, ये ये फ्रेज है है भी नाउन का काम कर रहा चलिए तो एरर हमें समझ में आ गया कहा आते थे भाई हम विल बी द मोस्ट कहा लिखा इधर लिखा सी में ठीक है आगे बढ़ो सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस द डिसीजन टू चेंज अ हॉस्पिटल सेव्ड एन लाइफ ऑफ द डॉटर ऑफ द डॉक्टर भाई साहब खतरनाक हाँ द डिसीजन टू चेंज द हॉस्पिटल सेव द लाइफ ऑफ द डॉटर ऑफ द डॉक्टर बहुत बढ़िया द डिसीजन टू चेंज एन हॉस्पिटल पहली बात तो एन हॉस्पिटल अब एन हॉस्पिटल तो वैसे ही गायब है अब आप अ और द में थोड़ा दिमाग लगा के सोचो तो आपको खुद समझ आएगा कि यहाँ पे हम स्पेसिफिक केस की बात कर रहे हैं यानी डॉक्टर साहब की बिटिया जिस हॉस्पिटल में थी उसमें उनका इलाज ढंग से नहीं हो रहा होगा तो इसका मतलब उन्होंने हॉस्पिटल को चेंज किया और चेंज करने के बाद बेटी की जो जान है वो बच गई तो डेफिनेटली यहाँ पे हॉस्पिटल को हमें स्पेसिफाई करना है और स्पेसिफाई करना है तो यहाँ पे द की ज़रूरत है राइट तो बाकी के सारे ऑप्शन यहीं पे साफ हो लिए ये करेक्ट ऑप्शन है द डिसीजन टू चेंज द हॉस्पिटल सेव द लाइफ ऑफ़ द डॉटर ऑफ द डॉक्टर अब अगेन आ जाओ अगर मैं आपको पूछूं कि मुझे ज़रा बताओ भाई इसमें ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है इसका सब्जेक्ट क्या है अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये सेव्ड यहाँ पे वर्ब है इसका सब्जेक्ट क्या है तो ये पूरा का पूरा जो लिखा हुआ है ना इसी को नाउन फ्रेज कहा जाएगा दिस विल बी कॉल्ड नाउन फ्रेज बिकॉज ये वर्ब के पहले आ रहा है और ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है ठीक है वर्ब है ये ये वर्ब वर्ब सब्जेक्ट सब्जेक्ट वही ऑब्जेक्ट लेकिन आपकी आंखें देख पानी चाहिए और सेव्ड व्हाट द लाइफ ऑफ यू नो डॉटर ऑफ द डॉक्टर सिमरन करते हैं तो राज और सिमरन एक एक शब्द थे तो उनको नाउन बोल लोगे आप यहां ये नाउन फ्रेज कहे जाएंगे और इस नाउन फ्रेज में भी द डिसीजन टू चेंज द हॉस्पिटल डिसीजन एक्चुअल सब्जेक्ट है अब यहाँ पे क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में सिंगुलर प्लूरल टेस्ट हो नहीं सकता सिंगुलर और प्लूरल वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही लगती है लेकिन किसी और में अगर खेलना हो तो वो खेल सकते हैं राइट डिसीजन हैज और हैव करके तो एनी वे चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इफ इट विल रेन वी विल हैव अ टफ टाइम वाह 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 तो ये देखो वही कंडीशनल हमेशा से फेवरेट रहा है एस का बिल्कुल मैथमेटिकल चारों टाइप आपको ध्यान में होने चाहिए टिप्स पे होने चाहिए इफ वाले क्लॉज में फ्यूचर नहीं आता ठीक है इफ वाला क्लॉज या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है या पास्ट इंडेफिनिट है या पास्ट परफेक्ट है ठीक है या वर लगा करके हाइपोथेटिकल बनाते हो तो इफ इट विल रेन में प्रॉब्लम है इफ इट रेन्स होना चाहिए इट रेन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा अगर बारिश होती है वी विल हैव अ टफ टाइम तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल समय होगा ठीक है चलिए आई एम श्योर दैट द पोस्टमैन वुड बी कमिंग शॉर्टली टू डिलीवर द लेटर यस आई एम श्योर दैट द पोस्टमैन वुड बी कमिंग ये वुड बी ठीक लग रहा है भाई जब तुम श्योर श्योर हो पहले ही कह हो कह रहे आई एम तो वुड बी यहां पे ठीक नहीं है इधर विल बी होना चाहिए द आई एम श्योर दैट द पोस्टमैन विल बी कमिंग शॉर्टली टू डिलीवर द लेटर मैं इस बात को लेकर श्योर हूं कि बस थोड़ी ही देर में पोस्टमैन आ रहा होगा लेटर को डिलीवर करने के लिए ठीक है तो विल में सर्टेनिटी होती है जब आप पढ़ते हैं और देखो इसीलिए कुछ अच्छी ग्रामर की बुक्स जब आप रेफर करते हैं जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की जैसे माइकल स्वान स्वान्न थामस तो उसमें हो सकता है कभी कभार पढ़ने में आपको मिल जाए कि देर इज नो फ्यूचर टेंस अगर ऐसे पढ़ने को मिले तो यू शुड नॉट बी फ्लैबास्टेड यू शुड नॉट बी टेकन अबे ये क्या हो गया है सारा जीवन फ्यूचर पर टिका था बचपन से पढ़ रहे हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कि कहना देर इज नो फ्यूचर टेंस अब उसके पीछे का लॉजिक क्या है टेंसेस की जानकारी आपको मिलती है किससे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब से प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कितने तरह के होते हैं बी फॉर्म हैज फॉर्म और डू फॉर्म बी का मतलब इज एम आर वाज़ वर हैज का मतलब हैज हैव हैड और डू फॉर्म का मतलब डू डज डिड अब इन हेल्पिंग वर्ब में से कोई भी ऐसा वर्ब नहीं है जो आपको फ्यूचर टेंस की सूचना दे सो दैट्स द रीजन बिहाइंड दिस स्टेटमेंट कि इज नो फ्यूचर टेंस अगर पढ़ने को मिले बिकॉज फ्यूचर टेंस की सूचना मिलती है हमें विल और शैल से और विल और शैल के जो गुणधर्म हैं जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो इज एम आर वॉज वर्ड से अलग हैं क्यों अलग है क्योंकि तो मॉडल शब्द कहाँ से आता है मूड से आता है और एक मॉडल वर्ब कई तरह के मूड बता सकता है जबकि इज एम आर में ये औकात नहीं होती इज है एम हूं है, आर हैं सिंपल वाज था वर थे बट वहीं पे अब देखो विल और शैल का यूज कहा होता है बचपन से सब पढ़ते आने वही रटा हुआ है शैल का इस्तेमाल फर्स्ट पर्सन विल का सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ लेकिन आप तो आई विल बोलते हो और आप ये भी सुनते हो कि यू एंड ही शैल बी प्रेजेंट इन द कोर्ट टुमारो आपको मेट्रो अनाउंसमेंट भी सुनने को मिलती है कि यू शैल बी लाइबल फॉर द पनिशमेंट इफ यू क्रॉस द स्टेशन फॉर विच यू हैड बॉट द टोकन अगर आपने वो स्टेशन क्रॉस कर लिया जिसके लिए, लिए टोकन बॉट किया तो आप दंड के भागी होंगे तो वो तो यू के साथ शैल लगा रहे क्यों क्योंकि ये मॉडल वर्ब है तो मॉडल वर्ब यानी जब सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ हम शैल लगाते हैं तो वहां पे जानते भी होंगे आप पढ़े ही होंगे टेंस में वहां देखो पढ़ना अलग होता है और एप्लीकेशन अलग होता है हम यहाँ एप्लीकेशन कर रहे हैं इसीलिए मैं चीजें याद दिला रहा हूं पढ़ा तो होगा ढंग से अगर पढ़ा है आपने जरूर पढ़ा होगा तो यू के साथ सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ किसी को थ्रेटन कर रहे हो कमांड कर रहे हो ऑर्डर दे रहे हो प्रॉमिस कर रहे हो इन सभी मूड के लिए इन सभी भावों के लिए शैल मॉडल वर्ब का इस्तेमाल सेकंड एंड थर्ड के साथ होता है वहीं विल का इस्तेमाल वॉल्यूशन के लिए इच्छा के लिए होता है सर्टनिटी के लिए होता है राइट right? क्योंकि ये मॉडल वर्ब है तो इसीलिए इनके गुणधर्म थोड़े अलग होते हैं Anyway, इसीलिए यहाँ पे विल भी आएगा शोर लगा था Maruti likes adventure stories especially an adventures of tarzan तो भैया स्पेशली कर रहे हो तो साफ तौर पे आप स्पेसिफाई कर रहे हो तो एन कहां से लगाओगे द लगाओगे

ठीक है अ ऑनरेबल पर्सन डिजर्व रिस्पेक्ट फ्रॉम एवरीबडी सो अ ऑनरेबल नहीं होगा जान चुके हैं आप एन ऑनरेबल होगा उच्चारण में आ आ रहा है तो किस में दिक्कत है भैया डी में करेक्ट ऑप्शन लिखा है डी में लिखा है ए तो बिल्कुल होश में देखना है एन ऑन ऑनरेबल पर्सन डिजर्व रिस्पेक्ट फ्रॉम एवरीबडी नेक्स्ट वन The receptionist asked if Dia will take a seat and wait for boss to call her in. बताइए जी कहां पे दिक्कत है कैसे करेट करेंगे देखो भाई इस पैटर्न पे भरपूर क्वेश्चंस आए हुए हैं आया हाँ ना हर साल आते रहे हैं वही रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच देखना होता है जब इधर आस्कड कर दिया तो विल कैसे करोगे विल का भी पास्ट हो जाएगा ना वही जब आप इनडायरेक्ट नरेशन में जाते हो तो इनडायरेक्ट नरेशन में विल का क्या हो जाएगा वुड हो जाएगा ठीक है नजर आ गया सबको चलिए जी <coughs> तो कहा था सी एरर आ गया नेक्स्ट आई प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड विद माई सिस्टर वाह बचपन की यादें ताजा हो रही हैं यहां पे आई प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्ड हुड कैसे करेक्ट करोगे आप आई प्लेड क्रिकेट ठीक है पास्ट की बात हो रही है आया हाँ ना और पता है पास्ट के रिपीटेड एक्शन के लिए हम कितने तरह के स्ट्रक्चर यूज कर लेते हैं आप सब्जेक्ट प्लस वी टू के साथ भी जाते हो सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वी वन के साथ भी जाते हो एंड सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस के साथ भी जाते हो सो वी कैन यूज ऑल दीज थ्री स्ट्रक्चर्स वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट की यादें पास्ट की बातें पास्ट का रिपीटेड एक्शन ये तीनों चल जाता है ठीक है तो यहाँ पे आपको प्ले की जगह पे क्या करना होगा प्लेड कि मैं अपने बचपन में अपनी बहन के साथ खेला करता था एट सिंपल एज दैट वुड प्लस ये आपको बहुत बार इंटरव्यूज़ में टॉक शोज में सुनाई देगा कि वेन सम वन इज़ टॉकिंग अबाउट यू नो हिज़ आर हर यंगर डेज बचपन की बातें हो रही हैं जवानी की बातें हो रही हैं मैं यहाँ जाया करता था वहाँ खेला करता था सो आई वुड विजिट दैट रेस्टोरेंट दैट प्लेस वो बार बार वुड का इस्तेमाल करते हैं और यही फ्लैक्सिबिलिटी मॉडल वर्ब्स में होती है वुड फ्यूचर के लिए भी चला जाता है पास्ट के लिए भी चला जाता है आई वुड लाइक टू डू दैट आई वुड लाइक टू पार्टिसिपेट इन दैट इवेंट ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं आप द हिस्टोरियंस आर अ ग्रेट असेट टू द फील्ड ऑफ एकेडीमिया वॉट इज द प्रॉब्लम वॉट इज द प्रॉब्लम ओवर हियर द हिस्टोरियंस का कोई मतलब नहीं है सिंपली हिस्टोरियंस आर ग्रेट असेट टू द फील्ड ऑफ एकेडीमिया सो यहां पर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है सिंपली हिस्टोरियंस लिखोगे द हिस्टोरियंस क्यों आप स्पेसिफाई कर रहे हो जरूरत नहीं है उसकी एक जनरल स्टेटमेंट है तो जनरल स्टेटमेंट में हम स्पेसिफाई नहीं करते यहां पे आप स्पेसिफाई नहीं कर रहे ऐसा कि किसी एक जनरल सी बात आप कर रहे हैं आ गया बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन टाइप ये नया है एस वालों के लिए और बहुत ही मतलब प्यारा क्वेश्चन टाइप है बताइए द वॉरियर वॉज वेटिंग द वॉरियर वॉज वेटिंग एन वॉरियर वॉज वेटिंग द वॉरियर वॉज वेटिंग तो पहली तो वही समझ आ गया कि इतना पढ़ के ही समझ आ गया इसको बाहर कर लो अब उसके बाद फॉर एन राइट टाइम फॉर द राइट टाइम फॉर अ राइट टाइम अब आप मुझे बता दो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन इज बी बी फॉर बैंगलोर ठीक है यही करेक्ट ऑप्शन है वेरी गुड तो यहां पे देखो एन राइट टाइम तो वैसे भी बेतुका है और राइट right टाइम ये भी बेतुका है क्यों अगर मैं आपको पूछू टाइम जो नाउन है ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है तो क्या जवाब दोगे आप टाइम इज अउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन वट डू यू से हाँ जी टाइम जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है इसमें सोचना नहीं है अच्छा टाइम तो गिन सकते हैं टाइम नहीं गिनते आप टाइम को मेजर करने वाली यूनिट्स गिनते हैं आप मिनट सेकंड राइट उनको काउंट कर रहे होते हो आवर को काउंट कर रहे होते हो आप टाइम को अन और जब अगर अनकाउंटेबल है तो वैसे भी आप एन और अ नहीं लगा वैसे तो वे खुद ही बेतुका है मतलब राइट के पहले एन कैसे लगाओगे आप बट अ राइट टाइम में आपको फीलिंग आ सकती है एक दो लोगों को आई भी थी तो वो गलत है ठीक है द राइट टाइम द वॉरियर वॉज द वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू अटैक द लॉयन

रूल ऑफ इन्वर्जन हमें नहीं मिला रूल ऑफ इन्वर्जन भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ध्यान रहना चाहिए उन पे भी क्वेश्चन हमें मिलते हैं हियर कम द बस फॉर लखनऊ हेयर कम्स बहुत ही बेसिक ये जब आप टेंसेस पढ़ते हैं उसी समय पढ़ते हैं जब अलग अलग की यूटिलाइजेशन की बात होती है तो प्रेजेंट इन हियर कम्स द बस राइट तो इसी में एरर था इसको कम्स करोगे नेक्स्ट एंटी पार्टी एक्टिविटीज इंप्रूव माई रिलेशन विद एन अपोजिशन अच्छा ये ग्रामर के बाद यानी जो एरर बेस्ड क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसके बाद आप क्या चाहते हैं कौन से टॉपिक का प्रैक्टिस मैं यहां पे आपको कराऊं और वो भी पी, आ, पी वाई क्यू बेस्ड ही होगा देखो विद एन अपोजिशन यहां पे लिखा हुआ है क्लोज टेस्ट, का, जितनी जनता उतने <laughs> चलो एक थीम लेके चलेंगे आप जैसे कॉम्प्रीहेंशन का कर लेंगे तो उसमें पैरासम्बल भी होगा क्लोज टेस्ट भी होगा फिलर्स भी होगा एक थीम पे कर लेते हैं एक वीक पूरा कॉम्प्रीहेंशन का एरिया फिर एक वीक जो है वो आपकी वो कैब का एरिया वो कैब में सिरे एंटीनिम ओडब्ल्यू एस ईडी इस तरह से कर लेते हैं डिजाइन ठीक है ये ठीक रहेगा हाँ जी तो विद द अपोजिशन होगा क्योंकि आप स्पेसिफाई कर रहे हैं ना एंटी पार्टी एक्टिविटीज इम्प्रूव माई रिलेशन यानी आप जिस पार्टी में हैं उसके खिलाफ काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो आपके, जो उस पार्टी का अपोजिशन पार्टी है आप उसके लिए उसके प्यारे तो हो ही जाएंगे कि भाई उस पार्टी में है लेकिन काम तो हमारे लिए कर रहा है तो डेफिनेटली वहां पे एन अपोजिशन नहीं होगा जबकि आर्टिकल वाइज आपको लगेगा एन अपोजिशन तो ठीक है तो ये सब अच्छे क्वेश्चन है अपोजिशन सर हार्डली स्कर्सली वाला का नहीं लगेगा ये एजुकेशन ब्लॉक संस्कृत पूछ रहे हैं मेरे भाई वही है ना कि हम जब चीजों को रटते हैं तो दिक्कत हो जाती है इसीलिए मैं मना करता हूं रटिए मत तभी तो आपको आगाह कर रहा था याद दिला एक बार क्या एक भाई हमारे परेशान है देखो वो जो मैंने अभी रूल ऑफ इन्वर्जन की बात करी थी कि जब भी सेंटेंस की शुरुआत हार्डली स्के रेयरली बेयरली इनके साथ हो ठीक है तो ऐसे में रूल ऑफ इन्वर्जन लगता है पहले रूल ऑफ इन्वर्जन का मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा राइट तो आ, यहां पे फिर अब पूरा सेंटेंस लिखा जाए तो उसको अलग कलर से ही लिख देता हूं अब जैसे हार्डली डिड ही एंटर द रूम और उसके बाद व्हेन द बेल रैंग ये देखो आपको ये याद आ गया तो ये सब तभी याद आता है जब हम रटके पढ़ते हैं तो वहां हाँ, हार्डली से शुरुआत थोड़ी हुई थी हार्डली बीच में आया था तो हार्डली से जब शुरुआत हो रही है जब आप करना चाहते हो किसी बात के ऊपर कि मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ वैसे ही घंटी बज गई तो इसमें वही है कि हार्डली रेयरली के साथ वेन की जोड़ी बनती है जो आप कंजंक्शन में पढ़ते हो वहीं पे नो सूनर के साथ दैन की जोड़ी बनती है इसी बात को ऐसे भी कह सकते हो नो सूनर डिड ही एंटर द रूम दैन द बेल रैंग सेम कहानी है एग्जामिनर क्या करते हैं जहाँ देन लगना चाहिए वहाँ वैन लगा देते हैं और कभी कभी तो देन भी लगाते हैं क्योंकि कुछ महान विभूतियाँ ऐसी भी हैं हमारे बीच में जिनको देन और देन का फ़र्क नहीं पता लगता भैया देन तब है नाउ अब देन तब और देन कंपैरिजन के लिए आता है प्रपोजिशन हो गया वो सूनर देन तो सूनर के साथ वैसे ही लग रहा है सूनर कम्पेरेटिव डिग्री है उसके साथ टी एच ए एन आनी चाहिए बट ना तो हमारा उच्चारण साफ़ रहता है ना तो हम लिखते साफ़ हैं तो वहाँ वो फंसा देते हैं बेवकूफ़ी वाला बहुत ही बेसिक चीज़ें होती हैं ये तो ये कहानी यहाँ पर नहीं अप्लाई हो रही थी चलो अगले क्वेश्चन पे ऑल द हॉर्सेज एक्सेप्ट वन ऑलवेज बिहेव्ड इन अ रफ मैनर व्हेन रॉबर्ट कम टू क्लीन द स्टेबल नॉट ओनली बट आल्सो एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस आल्सो फॉलोज इन एंड एब्सोल्युटली साहिल बट व्हेन नॉट ओनली बट आल्सो एक्चुअली ज्वाइनिंग टू वर्ब्स अगर मान लो मैं ये कहूं कि नॉट ओनली साहिल बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स वर्ब प्रेजेंट एट द पार्टी तो यहां रूल ऑफ इन्वर्जन नहीं लग रहा है साहिल इसलिए चीजें कंटेक्शुअल है यहां नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ मैं दो नाउन को जोड़ रहा हूं जब मैं दो वर्ब को जोड़ूंगा तब वहां पर हम रूल ऑफ इन्वर्जन लगाते हैं तब वो एडवर्ब के तौर पर काम करेगा ना वैसे तो कंजंक्शन के तौर पर काम कर रहा है ठीक है साहिल हो गया फंडा क्लियर हाँ जी तो ऑल द हार्सेज ऑलवेज बिहेव इन रफ मैनर वेन रॉबर्ट कम लिखा हुआ है तो देखो वैसे ही गले के नीचे बात नहीं उतरेगी एरर तो इसी पार्ट में है करेक्ट क्या करोगे रॉबर्ट के साथ अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट में जाओगे तो कम्स लिखना चाहिए वो लिखा नहीं है और बात हो रही है पास्ट की तो केम हो जाएगा कि एक घोड़े को छेड़ छोड़ करके बाकी सभी घोड़ों ने बिहेव uh, किया बी रफ मैनर में जब रॉबर्ट स्टेबल को क्लीन करने आया राइट right? यहां पे वेन क्या है वेन की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है वेन है आपका सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये है सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसका टाइम का कंजंक्शन ऑफ टाइम और यही वेन जब सवाल पूछता है वेन डिड यू स्टार्ट दैट वेंचर तब क्या बन जाता है वो तब बन जाता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम यू वॉश द डिसेज एंड आई ड्राई द सेम तुम बर्तन धुलते हो और मैं सुखाता हूं क्या दिक्कत है यहां पे अगर आपको यह भी लगता है जैसे ग्रामर पे यहां पे हम क्वेश्चन uh, डिस्कशन कर रहे हैं इफ यू फील दैट देर आर सर्टेन टॉपिक्स अलग अलग चैप्टर से जो आपको लगता है कि सर एक बार और उसको क्लियर करा दीजिए दैट कैन ऑल्सो बी डन ठीक है मेरे द्वारा मैं यहाँ पे करा दूंगा आपको चाहे वो आपका एडवांस वर्ब का है यूज टू डेयर नीड बड़े परेशान होते हैं लोग या रूल ऑफ इन्वर्जन है इवन मॉडिफायर्स uh, में थोड़े और अच्छे लेवल एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट में डेंगलिंग मॉडिफायर्स आते हैं स्क्विंटिंग मॉडिफायर्स आते हैं जो कि मैनेजमेंट लेवल के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं हो सकता है आने वाले दिनों में आपको आपकी मुलाकात हो क्योंकि पैटर्न बदल रहा है एस भी दो बार में ही देखो अब बदल रहा है वही यूजुअल पैटर्न नहीं आ रहा तो ड्राई द सेम नहीं होगा ड्राई देम हो जाएगा सिंपली डिसेज लिखा हुआ है प्लूरल है उसके लिए देम लगा दोगे ड्राई द सेम का कोई मतलब नहीं है ठीक है तो यू वॉश द डिसेज एंड आई ड्राई देम या आई ड्राई दो बट द सेम का तो कोई लेना देना नहीं है यहां पे सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस एज अ नेशन इंडिया इज अ यूनाइटेड कंट्री एंड शैल ऑलवेज रिमेन सो

एज नेशन और एज द नेशन इसको तो हटाना पड़ेगा एक राष्ट्र के तौर पे एज अ नेशन ये दोनों ठीक है अब आगे बढ़ो अब इन्हीं दोनों को हम आगे देखना है हमें ये नहीं कि सब लाइन एक साथ साथ पढ़नी पहले एलिमिनेशन का काम कर लो तो इंडिया इज एन यूनाइटेड कंट्री बस यहीं पे आते आते काम खत्म हो गया पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है एज अ नेशन इंडिया इज united कंट्री एंड shall ऑलवेज रिमेन सो तो ये अपनी आदतों में भी बदलाव लाना है क्वेश्चन को सॉल्व करने में मैंने कल भी आपको आगाह किया था कि ऐसे क्वेश्चन लगते हैं मुश्किल हैं या चार लाइनें पढ़नी पढ़ने की जरूरत नहीं होती काम तुरंत हो जाता है कंपैरिजन वाली आंखों से पढ़ना है स्कैनिंग करनी है, आधी लाइन तक आते आते कई बार सफाया हो जाता है एंड दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ अप्रोच फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन इन इंग्लिश विज अ वी क्वान्टे एक फर्क भी है इंग्लिश में ना आर्ट ऑफ एलिमिनेशन को डेवलप करना जरूरी होता है कि जो गलत है उसको एलिमिनेट करो कचरे को साफ करो और वो कोशिश कम से कम समय में करनी कि मैं पहले पांच सेकंड के अंदर दस सेकंड के अंदर चार में से जो दो बच रहा है उसको तो बाहर कर ही लू और दो के बीच में लड़ाई बचे तो ये स्किल जब आप लैंग्वेज में डेवलप करते हो इंग्लिश के पेपर में डेवलप करते हो तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आप देते हो राइट तो मैथ्स में शायद सिलेक्शन के लिए आप जा सकें बट यहां एलिमिनेशन ज्यादा काम करता है और खासतौर से कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन में सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस इट वॉज अ हेक्टिक डे फॉर सूजन इट वॉज हेक्टिक डे अ अब देखो यहाँ पे इट वॉज अ अ और इधर द आ गया चलो खैराब आप देखो मैं नहीं बोलूंगा देख लिया तो इट वॉज अटिक डे ये तो नॉर्मल सी बात है द हेक्टिक नहीं फॉर सूजन विद अ अ लॉट लॉट ऑफ ऑफ परचेजेस अब a lot of के साथ आप डेफिनेटली के साथ जाओगे ठीक है यहां लिखा विद द लॉट ऑफ द लॉट ऑफ कोई एक्सप्रेशन ही नहीं होता द लॉट ऑफ तो अ लॉट ऑफ होता है और यहां पे भी परचेज परचेज लिखा हुआ है तो करेक्ट आपके पास सिर्फ ए है कि इट वॉज अटिक डे फॉर सूजन विद अ लॉट ऑफ परचेजेस एंड अ कपल ऑफ मीटिंग्स और अलॉट ऑफ जो है ना वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी होता है और साथ ही साथ इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव भी होता है अब जैसे मैं अलॉट ऑफ स्टूडेंट्स भी कह सकता हूँ अलॉट ऑफ स्टूडेंट्स लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स अब यहाँ पे ये काउंटेबल नाउन है तो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया वहीं पर अलाट ऑफ अलॉट ऑफ फंड अलाट ऑफ मनी यू नो अलाट ऑफ टाइम अगर ऐसे एक्सप्रेशन आ रहे हैं तब ये क्या हो जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वान्टिटी डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड पास अवे वही बचपन वाला सेंटेंस डॉक्टर के हॉस्पिटल पहुंचने से पहले पेशेंट की मौत हो चुकी थी तो दोनों में से कौन सा एक्शन पहले हो रहा है पेशेंट का मरना जो दोनों में से पहले होता है पर पहले पूरा हो जाता है उसको किस में लिखते हैं पास्ट परफेक्ट में तो हेड के बाद वर्ब की लगेगी थर्ड फॉर्म डॉक्टर साहब वाला सेंटेंस बिल्कुल ठीक है वही कॉन्सेप्ट इफ टू एक्शन आर हैपनिंग इन द पास्ट देन द एक्शन दैट टूक प्लेस फर्स्ट एंड गॉट कंप्लीटेड फर्स्ट

यहां एरर है क्या वेन मिसेज सिन्हा केम टू सी इन बीन टीचिंग कोई समस्या है क्या? तो इस तो इसमें कोई समस्या नहीं लग रही हाँ या ना जब मिसेस सिन्हा वाराणसी आई थी 2019 में केम टू सी वाराणसी वाराणसी देखने तो Nupur हैज ऑलरेडी बीन टीचिंग फॉर फाइव years तो नुपुर पांच साल से पढ़ा रही थी अब उन्होंने उसी सेंटेंस को चार बार लिखा है और आपको अंडरलाइन करके पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए कि किस में एरर है तो बता दीजिए आप बहुत बढ़िया राहुल समीर अतुल हुँ? बहुत सुंदर वेरी गुड तो डी में एरर है यह जो हैज ऑलरेडी बीन लिखा हुआ है यहाँ पे क्या आ जाएगा हैड ऑलरेडी बीन तो जब मिसेज सिन्हा वाराणसी देखने आई तो वो पहले से पढ़ा रही थी ना तो पढ़ा रही थी वो पास्ट तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जाओगे देयर यहां पे देयर क्या है देयर है एडवर्ब ऑफ प्लेस ये ऑफ प्लेस है जो किसकी तरफ इशारा कर रहा है वाराणसी की तरफ फॉर फाइव ईयर्स सो दैट्स ऑल फॉर टूडे सेशन थैंक यू वेरी मच क्या है स्कोर कार्ड आपका स्कोर कार्ड देखते रहिएगा जरूर ठीक है ज्ञान के साथ मजे के साथ एंजॉय करते हुए इंग्लिश को पढ़िए एंजॉय करिए कोई टेंशन नहीं लेनी और एक और बैच है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे आ, ये स्पोकन बैच है बट ये वीओडी बैच है रिकॉर्डेड बैच है और जिसको सही मायने में स्किल डेवलप करनी है उसको चीज़ें अपने ही प्रैक्टिस करनी होती हैं तो क्योंकि यूट्यूब सेशंस हैं यहाँ पे तो लाइव मैं अभी नहीं लेके आ पाया बट uh, आप में से जो भी लोग अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करना चाहते हैं अपनी प्रोनाउंसिएशन स्पीकिंग इसमें बड़ी सारी बातें बड़े सारे गुर सिखाए गए हैं छोटे छोटे में लिखा हुआ है सबसे पहले वही आइडेंटिफाइंग चैलेंजेस इन स्पोकन इंग्लिश अगला पॉइंट है हाउ टू इम्प्रूव योर लिसनिंग स्किल बिकॉज स्पीकिंग तब बेहतर होती है जब आप एक अच्छे लिसनर होते हैं जब आप अच्छे लिसनर डिक्शन, वोकल इंटोनेशन वोकल एनर्जी वॉइस मॉडुलशन प्रोजेक्शन ऑफ वॉइस एंड देन यू बिकम अ प्रोमिनेंट स्पीकर राइट तो अगर सही मायने में अंग्रेजी बेहतर तरीके से बोलनी है तो ये बैच आपके लिए बहुत कारगर होगा मास्टर द आर्ट ऑफ प्रोनाशिएशन डिक्शन वोकल इंटोनेशन एनर्जी रोल ऑफ एप्टी इन इफेक्टिव स्पीकिंग राइट उसका क्या रोल है फिर रोल ऑफ ग्रामर एंड पंक्चुएशन इन इफेक्टिव स्पीकिंग जो मैं आपको सुबह डिटोरियल में भी बताता हूँ कि जो लंबे सेंटेंसेज हैं वहां पर पंक्चुएशन का बड़ा रोल होता है इसीलिए आपको ये पूछ रहा हूं कि क्या एडजेक्टिव क्लॉज है क्या नाउन फ्रेज है क्या एडवर्बियल क्लॉज है बिकॉज इफ़ यू आर नॉट वेरी श्योर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ़ द सेंटेंस यू विल रीड आउट दोज लेंदी सेंटेंसिस इन अ मोनोटोनस मैनर एंड दैट्स प्रटी बोरिंग और सामने वाला ना बहुत जल्दी पुट ऑफ हो जाता है उसको हमारी औकात का पता लग जाता है और इसी चक्कर में तो हमें ज्यादातर लोग बोलते नहीं है कि बोलेंगे तो पोल खुल जाएगी तो भाई कब तक बचोगे आप इधर यू आर प्रेपेरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स और अदरवाइज़ यू वेर एवर यू आर वर्किंग यू हैव टू वर्क विद द पीपल ओनली लोगों के साथ ही तो काम करना है हमें और लोगों के साथ काम करना है मतलब क्या आपको कम्युनिकेट करना है सो इफ़ यू आर गुड एट कम्युनिकेशन वो डेफ़िनेटली आपको हमेशा एक अपर हैंड देगा ठीक है चाहे आप एक गवर्नमेंट ऑफिशियल के तौर पर काम करें आप प्राइवेट सेक्टर में काम करें काम तो कहीं भी करना ही है लोगों के साथ करना है आप चमकते हैं जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर बेहतर होती हैं और दुनिया भर की जो भी स्टडीज़ हैं वो हमेशा यही कहती हैं कि जो आपके पर्सनल ग्रोथ या करियर ग्रोथ में सॉफ़्ट स्किल्स का जो योगदान है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के ये आंकड़े हैं एटी परसेंट जो रोल है वो आपकी सॉफ्ट स्किल्स का है हार्ड स्किल्स का रोल करीब करीब ट्वेंटी परसेंट होता है हार्ड स्किल्स का मतलब आपका जो सब्जेक्ट का नॉलेज है वो नॉलेज बता पाओगे तब तो सामने वाले को पता लगेगा या आपको मौके देगा तो हमारे इस प्रिपरेशन में डेफिनेटली हमारे हिंदी बिल्ड के बहुत सारे बच्चे होते हैं और उनकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी होती कई बार बेहतर तरीके से पढ़ते हैं बट वैन इट कम्स टू कम्युनिकेशन एंड आई हैव सीन दीज थिंग्स विजिबली चाहे वो मेरे कैट के बैचेस के ज़माने में बात हो या बैंकिंग एस एस मुखर्जी नगर में ऑफलाइन के ज़मानों में दो जो स्टूडेंट्स हु कम फ्राम यू नो डिफरेंट एरियाज जो डेली से नहीं हैं वो बहुत बार अच्छे होते हुए पढ़ने में हिचकते थे बोलने में उनको लगता है यार मेरी इज्जत मतलब जो बचा के रखी है ना वो बची नहीं रहेगी तो कब तक वो मुझे बड़ा बुरा ऐसा लगता है कि बच्चा अच्छा है बच्ची अच्छी है ये ये क्योंकि मेरे लिए तो आप एक माइंड हैं एक इंडिविजुअल हैं और एक कोच के तौर पर मैं डेफ़िनेटली चाहूँगा कि आप अपना बेस्ट निकाल के दें सो so, बच्चे जो हैं वो एस के साथ बैंकिंग इंश्योरेंस सेक्टर हर तरह के एग्ज़ाम देते हैं और बैंकिंग फील्ड के अंदर या मैनेजमेंट फील्ड के अंदर ये बिल्कुल मैंडेटरी है यू हैव टू फेस इंटरव्यूज़ एंड जी तो कुछ बयालीस घंटे की ये क्लास है पूरा कोर्स है ये बयालीस घंटे में करीब करीब 12 घंटे तो मैंने सिर्फ इंटरव्यू और जीडी के बारे में बहुत डिटेल्ड मैनर में बात की है तो वो क्लासेस भी आपके लिए बहुत यूजफुल होंगी आप चाहे टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो के हुआ राइट right? uh, या आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो मैनेजमेंट फील्ड की तैयारी कर रहे हो जहां भी आपको इंटरव्यू फेस करना है इवन इफ यूर वर्किंग इन सम अदर सेक्टर लॉट्स ऑफ वर्किंग पीपल गेट एनरोल्ड इन दिस बैच बहुत बारी करियर में आगे बढ़ने में कम्युनिकेशन एक बड़ा रोल प्ले करता है वहां पर उन्हें दिक्कत होती है प्रमोशन नहीं मिल पाते लोगों को राइट बिकॉज कम्युनिकेशन इज़ अ बिग चैलेंज फॉर देम तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंप्रूव होंगे तो इसका मतलब कि अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो भी बहुत काम का है इंटरव्यू ग्रुप डिस्कशन के स्टडीज़ ऑन इंटरव्यूज़ एंड जी वो भी डिस्कस करी हैं अपने स्टूडेंट्स की जो सफल स्टूडेंट्स हैं कि कैसे सवालों का जवाब दिया जाता है राइट right? uh, आपका वही टेम्पलेट वाले आंसर होते हैं ना सो एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट उनकी स्ट्रेंथ वीकनेस हॉबीज इंटरेस्ट अलग अलग होंगे और वो तभी बता पाओगे पाओगे आप जब आप अपने आप को खुद जानते हो तो इवन अभी जब सिलेक्शन के बाद बच्चे कॉल भी करते हैं अभी जैसे आई वी का इंटरव्यू हुआ था एस पी का पीछे चल रहा था तो जो अपने सेलेक्टेड बच्चे जब वो कॉल करते हैं तो मैं उनसे आराम से बात करता हूँ टीम नंबर दे देती है 20-25 मिनट बात होती है उनकी ज़िंदगी के बारे में पूछता हूँ तब उनके सवालों के जवाब गढ़ने में उनको मदद करता हूँ और फिर वो सिलेक्शन लेके आते हैं आप अगर वही रटे रिटायर जवाब व्हाट्स योर स्ट्रेंथ बोल दो वहाँ पे ऑनेस्ट हार्ड वर्किंग पकड़ के धो दिए जाते हैं हम फिर वहाँ पे पकड़ के ढूंढना शुरू करते हैं यहाँ ऑनेस्ट थे तुम तुम्हारे नंबर इतने आए पढ़ाई लिखाई में ईमानदार थे तो हम हम रटे रटाए जवाब देते हैं अच्छा इंटरव्यूअर होगा अच्छी जगह पे जाओगे वो आपको धो देगा तो किस तरीके से आप अपने आंसर्स को फ्रेम करें बहुत कुछ इनपुट्स हैं यहाँ पे बहुत सारे सोर्सेज की बात करिए जहाँ से आप मदद लेकर के चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं तो छः महीने की वैलिडिटी है पर्याप्त समय है वैसे बयालीस घंटे हैं आप चाहो तो पंद्रह दिन में भी देख के ख़त्म कर सकते हो और जो चीज़ें आपको बताई गई हैं उन पर काम करना शुरू करें यू विल डेफिनेटली बिकम अ प्रोमिनंट स्पीकर प्रोमिनंट कम्युनिकेटर और इसमें हर तरह के कम्युनिकेशन की बात हुई है पब्लिक स्पीकिंग में अलग तरह की स्किल्स चाहिए होती है वन ऑन वन कम्युनिकेशन में अलग तरह के स्किल्स चाहिए जीडी के लिए अलग तरह के स्किल्स चाहिए तो बहुत कुछ डिटेल मैनर में डिस्कस किया है बॉडी लैंग्वेज का पूरा साइंस यहाँ पे डिस्कस्ड है जो आपके एडिकेट्स हैं बॉडी लैंग्वेज है वो सब कुछ यहाँ पे डिस्कस्ड है तो यहाँ आप देखो बॉडी लैंग्वेज एंड एटिकेट्स हाथ कैसे मिलाना है चलना कैसे है बोलना कैसे है उठना कैसे बिकॉज कम्युनिकेशन में जो आपके नॉन वर्बल क्यूज़ हैं उनका ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है

हेलो एवरीवन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेरी वॉम वेलकम कैसे हैं आप सब गुड इवनिंग आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं आज इंटरसेक्शन ऑफ डेज हैं आज ब्लैक डे भी है और साथ ही साथ वैलेंटाइंस डे भी है सो तीनों दिनों को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं आज तो कल जितने क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए थे उसके आगे हम प्रोसीड करेंगे सो आर यू रेडी तैयार हो आप सब सिक्सटी क्वेश्चंस तक हमने कर लिए थे उसके आगे प्रोसीड करना है यस yes, सिक्सटी तक वी आर डन विद सिक्सटी वन गुड इवनिंग जी गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग आ जाओ पहला क्वेश्चन आपके सामने गुड इवनिंग जी शाहनी अतुल जवाब आ चुका है तो शी इज इन एन हरी लिखा हुआ है आर्टिकल की दिक्कत शी इज इन एन हरी यहां पे गलत है क्या होना चाहिए करेक्शन भी साथ ही साथ बचाएंगे आप इन हरी या इन हरी डी करेक्ट ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन शुड सी अ ऑक्यूलिस्ट योर आइज लुक वर्स टूडे यू शुड सी अक्योलिस्ट अगेन आर्टिकल की प्रॉब्लम एन ऑक्यूलिस्ट तो प्रॉब्लम क्या है यहां पर है कौन सा रूटवर्ड इस्तेमाल हो रहा है ओ सी यू आइज के लिए यहीं से आता है बाइनाक्यूलर तो यू शुड सी एन ऑक्योलिस्ट योर आईज लुक वर्स टूडे तुम्हारी आंखों के हालात आज खराब लग रहे हैं माई मदर इज अ ऑनेस्ट एंड वेल नोन वुमेन इन द सोसाइटी कोई दिक्कत नहीं अगेन आर्टिकल एन ऑनेस्ट एंड वेल नोन वुमेन इन द सोसाइटी सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन आ जाओ नेक्स्ट थोड़े से नए पैटर्न का क्वेश्चन ही वाज़ ऑलवेज बीन अ ग्रंपी मैन सो आई नेवर liked हिम एंड avoided हिज कंपनी ऑप्शन के साथ जा रहे हो कहां पे प्रॉब्लम है जी तो ही वॉज ऑलवेज बीन अ ग्रम्पी मैन इतना पढ़ते ही आपको समझ आ गया कि बीन का इस्तेमाल आप वॉज के साथ नहीं कर सकते तो बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि यहां पे यही पार्ट अंडरलाइंड है होना क्या चाहिए ही ऑलवेज बीन क्या होना चाहिए यहां पे ही वॉज बींग क्या क्या सोच रहे हो अब देखो आपके आंसर से ही बहुत सारी बातें निकल के आ जाती हैं। वाज बींग कैसे हो सकता है ये बताओ वाज बींग कब लगा सकते हो जब कोई भी बात वैस में कही जाए तब वाज बींग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है आया ना हाया ना लाइक ही वॉज राइटिंग अ कॉलम इन द न्यूज पेपर अ कॉलम वॉज बींग रिटन बाय हिम अ कॉलम वॉज बींग रिटन बाय हिम एक कॉलम उसके द्वारा लिखा जा रहा था तो कब आते हो इसका मतलब नहीं तो वो हमेशा से एक ग्रम्पी मैन रहा है इसीलिए आई नेवर लाइक्ड हिम मैंने उसको कभी लाइक like नहीं किया एंड अवॉइडेड हिज कंपनी उसकी कंपनी को अवॉइड किया तो डेफिनेटली बीन बीन कभी भी वॉज या बी फॉर्म के साथ बी का थर्ड फॉर्म जो है बीन वो हैज़ के साथ ही आएगा हैज़ है हैव है जैसी भी जरूरत है तो डेफिनेटली यहाँ पे ही लगा हुआ है तो आप किसके साथ जाओगे ही हैज़ ऑलवेज बीन अ ग्रम्पी मैन So I never liked him and avoided his company. Agla, parts of the following sentence underlined, select the option that contains an error. I love to read certain stories from a Mahabharat. तो महाभारत से पहले अ आर्टिकल नहीं आएगा फ्रॉम द महाभारत डी करेक्ट ऑप्शन है ठीक है हाँ जी आपको पता है जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनके नामों के पहले क्या आता है द आता है सो आई लव टू रीड सर्टेन स्टोरीज फ्रॉम द महाभारत आइडेंटिफाइड ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज द एरर ध्यान से इसीलिए देखो कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है हमें

तो शी विल हैव बीन वर्किंग इन द कंपनी फॉर थ्री इयर्स ये कौन सा टेंस हो गया ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्योंकि भाई 2023 में वो इस कंपनी में तीन साल से काम कर रही होगी नेक्स्ट वन माई यंगर ब्रदर वर अटेंडिंग अ शॉर्ट टर्म कंप्यूटर कोर्स दीज डेज पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल जो है करियर वेल ऐप का ना वहां से मिलती है हाँ जी My younger brother were attending was attending a करेक्ट ऑप्शन है दोज डेज कर दिया दीज डेज को जहाँ एरर नहीं है वहां भी देख लिया पीर इनाम तो दो डेज में कोई दिक्कत दीज डेज में कोई दिक्कत नहीं है माई यंगर ब्रदर वॉज अटेंडिंग अ शॉर्ट टर्म कोर्स दीज डेज थोड़ा सा अजीब जरूर लग रहा है मतलब अगर आप मल्टीपल एरर में देखें तो वर जो है वो क्लैरिटी से नज़र आ रहा है कि एरर है और वैसे जो दोज डेज लिखा है किसने लिखा था अगर लॉजिकली देखोगे तो वो करेक्ट होना चाहिए बिकॉज आप पास्ट की बात कर रहे हैं कि मेरा छोटा भाई एक शॉर्ट टर्म कोर्स उन दिनों अटेंड कर रहा था अब दूसरी यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है वैसे उन्होंने एरर को डिटेक्ट करने के लिए कहा है बट करेक्ट करने की अगर हम बात करें पास्ट में जाओगे तो दोज डेज होना चाहिए लेकिन यहाँ पे ये भी तो संभावना है कि दीज डेज अगर यहाँ पे लिखा है तो आप वर्क को इस भी लगा सकते हैं मतलब वाज करने के बजाय सो माय यंगर ब्रदर इज़ अटेंडिंग अ शॉर्ट टर्म कंप्यूटर कोर्स दीज डेज़ और जब हम टेंस में पढ़ते हैं की वर्ड्स के बारे में यानी हमारे पास सेंटेंसेज में कुछ की होते हैं जो हमें एक तरह से इंडिकेट कर रहे होते हैं कि आपको किस टेंस के साथ जाना है तो दीज डेज ये जो एक्सप्रेशन है वो बताता है कि आपको कंटिन्यूस में रहना है लेकिन किसके कंटिन्यूस में वो पूरा सेंटेंस देख के आप जाएंगे तो प्रेजेंट और पास्ट दोनों की कॉन्टीन्यूटी है पास्ट में जाओगे तो टिपिकली दो डेज होना चाहिए क्योंकि तो आप पीछे की बात कर रहे हैं अगर आप इन दिनों की बात कर रहे हैं कि मेरा भाई इन दिनों एक शॉर्ट टर्म कंप्यूटर कोर्स अटेंड कर रहा है तो यहाँ पे इज लगना जो है वो ज्यादा जायज़ है तो वर्ग को हटा करके इज लगाओगे वर तो वैसे आउटराइटली गलत था ही ठीक तो तो है अब हो सकता है कि अब question, में आते हैं, वो कई बार ऑप्शन देते हैं कि अच्छा ए और डी में एरर है ए बी सी में एरर है बी और सी में एरर है तो ऐसे में वहां पर दिख जाएगा लेकिन यहां पूरे सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो वर्ग को हटा के इज लगाना ज्यादा जायज है दे यूजली एल इज दैट देयर इज अ डिले इन प्रोक्योरिंग स्टेशनरी ड्यू टू द फॉल्टी परचेज ऑर्डर क्या दिक्कत है यहां पे? दे दूजली एल दैट देयर इज अ डिले इन प्रोक्योरिंग स्टेशनरी ड्यू टू द फॉल्टी परचेज ऑर्डर कोई प्रॉब्लम है नहीं है सेशन देख रहे हैं तो सेशन को लाइक like भी कर दीजिएगा यूट्यूब का अलगोरिदम है आप जानते हैं ज़्यादातर लोगों तक पहुँचेगा तो सेशन हो रहा है तो भला हो जाएगा थोड़ा स्टेशनरी तब तो तक आप बताओ स्टेशनरी दो स्टेशनरी होते हैं बहुत बारी लोग गड़बड़ करते हैं बहुत ही बेसिक कन्फ्यूजिंग वर्ड है लेकिन फिर भी गलतियाँ हो जाती हैं तो ये स्टेशनरी आपका स्टैटिक है और वो स्टेशनरी शॉप है जो बचपन से हम माँ बाप को परेशान किया करते थे सो <laughs> so, कोई एरर है इसमें नहीं है जबरदस्ती का एरर नहीं ढूंढना नो एरर भी ऑप्शन में है तो दे ए, दे देज एल एज यहां पे वर्ब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल दुरुस्त दे के साथ दैट क्या एल करते हैं देयर इज अ डिले कोई प्रॉब्लम नहीं इन प्रोक्योरिंग स्टेशनरी अगेन प्रोक्योरिंग यहां पे क्या है जी दिस इज नाउन वर्ब या एडजेक्टिव बताओ और ये जो लिखा हुआ है ये किस तरह का फ्रेज है ड्यू टू द फॉल्टी परचेज ऑर्डर वॉट काइंड ऑफ फ्रेज इज दिस तो दिस इज एडवर्बियल फ्रेज दिस हुआ है तो यह एडवर्बियल फ्रेज ऑफ रीजन है और यहाँ पे आप देखो सवाल पूछते ही जवाब से कुछ क्लैरिटी आती है ना फिर काजल को एडजेक्टिव लग रहा है शिल्पी को नाउन सुहानी को शाहनी को एड्जेक्टिव अनामेगा को एडजेक्टिव और बताओ भाई फंडा क्लियर है या नहीं क्लियर है चलो फटाफट फ मिनट लगता है बात कर लेते हैं जहां जो मौका मिले सीख लो अगर कंफ्यूजन है देखो V1 वन प्लस आई जो होता है ना V1 वन प्लस आई ये तीन तरह का काम करता है जब ये काम नाउन का करता है तब आप इसको क्या बोलते हो जिरण बोलते हो जब ये काम करता है एडजेक्टिव का तब आप इसे नाम दे देते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल डेफिनेटली नॉन फाइनाइट्स में अदरवाइज प्रेजेंट पार्टिसिपल तो मेन वर्ग के तौर पर काम करता ही करता है और जब मेन वर्ब है तो मेन वो ही है कोई दिक्कत नहीं तो ये तीनों काम करता है अब आपको ये देखना पड़ेगा कि काम क्या है और उसके हिसाब से आप इसको नाम देते हो तो अगर आपने ये कहा कि शी इज डांसिंग शी इज डांसिंग ग्रेसफुली शी इज डांसिंग ग्रेसफुली यहां पे डांसिंग क्या है मेन वर्ब हो गया लेकिन आपने वहीं पे कहा कि डांसिंग इज हर पैशन डांसिंग इज हर पैशन यहां पे अब ये dancing क्या बन गया? सेंटेंस का subject बन गया। noun का काम कर रहा है इसको बोलोगे। वहीं पे आपने कह दिया कि लाइक्स डांसिंग वेरी मच लाइक्स डांसिंग वेरी मच यहां पे अगेन ये नाउन का ही काम कर रहा है क्योंकि वॉट डज शी लाइक का ये जवाब है ऑब्जेक्ट हो गया लाइक like का और वहीं पे अगर ये कहा जाए क्या कहा जाए कि आई सॉ आई सॉ अ डांसिंग गर्ल आई सॉ अ डांसिंग गर्ल ऑन द फ्लोर तो यहां पे क्या नजर आ रहा है आपको यहां पे अब ये डांसिंग एडजेक्टिव के तौर पे नजर आ रहा है तो ये क्लैरिटी बिल्कुल हमें होनी चाहिए दिस डांसिंग इज वॉट दिस इज एम वी मेन वर्ब ये वाला डांसिंग को जिरण बोलोगे सेंटेंस का सब्जेक्ट है कोई पूछे व्हाट इज हर पैशन व्हाट का जवाब है व्हाट का जवाब नाउन या नाउन का इक्विवेलेंट होता है आप जानते हैं एंड शी लाइक्स डांसिंग में अगेन ये जिरंड है और यहाँ पे ये काम क्या कर रहा है इस वर्ब के ऑब्जेक्ट का तो ये जिरंड सब्जेक्ट था ये जिरंड ऑब्जेक्ट है इस और यहाँ पे लास्ट में आई सॉ अ डांसिंग गर्ल तो मैंने एक नाचती हुई लड़की देखी गर्ल है यहाँ पे नाउन और डांसिंग क्या बन गया उस लड़की को डिस्क्राइब कर रहा है दिस इज एडजेक्टिव एडजेक्टिव और एडजेक्टिव प्लस नाउन मिलके नाउन फ्रेज बनता है इसीलिए यहाँ पे ये यह आर्टिकल लगा हुआ है तो क्लैरिटी हमेशा खुद लेके आनी पड़ेगी मैं इसीलिए आपको बीच बीच में छेड़ता रहता हूं सो दैट सेंटेंस स्ट्रक्चर पे क्लैरिटी लेके आओ पूरे सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में वाक्य को समझोगे तो आपके लिए आसानी रहेगी जब आप रूल रट के पढ़ते हैं ना तो फिर आप बस उतना देखते हैं थोड़ा सा कोई छेड़ेगा तो आप छिड़ जाते हैं तो पूरा देखिए पूरे कॉन्टेक्स्ट में समझिए चलिए जी तो हमने क्वेश्चन तो कर लिया ना इसमें कोई एरर नहीं था आगे बढ़ते हैं यस फोर सेगमेंट्स वन ऑफ में कंटेन ग्रामेटिकल एरर जिसमें एरर है वो बताना है तो ही इज नॉट रिच सो ही नॉट अफोर्ड टू बाई एक्सपेंसिव कार पढ़ते ही समझ आ रहा है बाई एन एक्सपेंसिव कार बाई एन एक्सपेंसिव कार तो कहाँ पे दिक्कत है भाई सी सी किस में लिखा है ए में लिखा है ठीक है यहाँ ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं इट कैन गेट एक्सट्रीम कोल्ड ड्यूरिंग द विंटर्स पीरे नाम पूछ रहे हैं LH क्या होता है एल का मतलब होता है आरोप लगाना ठीक है वहीं से एलेजेडली एलेजेड कथित रूप से जैसे हम कहते हैं हां जी इसमें बताइए एरर क्या है वेरी गुड साहिल का जवाब सबसे पहले दैट इज एक्सट्रीमली कोल्ड डी इज द करेक्ट ऑप्शन यहां पर कोल्ड जो है यह एडजेक्टिव है ठीक है इसके पहले क्या चाहिए एडवर्ब चाहिए एक्सट्रीमली कोल्ड एक्सट्रीमली कोल्ड आई कॉट अ व्हाइट कैट रसलिंग बीनीथ माई रूम हांजी प्रेपरिशन गायर टेलमी एक छोटी सी सूचना आपको ये देनी कि जो मॉर्निंग में हम एडिटोरियल सेशन करते हैं उसमें थोड़ा सा चेंज मैंने कल के सेशन से किया है अभी हम दो आर्टिकल करते हैं एक द हिंदू होता है दूसरा है स्पीकिंग ट्री सेशन हो जाता है थोड़ा लंबा आठ बजे शुरू होकर के वो नौ पाँच तक पहुंच जाता है तो इसीलिए मैंने क्या सोचा है कि हम फाइव डेज अ वीक यानी मंडे से लेके फ्राइडे तक द हिंदू करेंगे अभी द हिंदू में आपके पास टेन क्वेश्चन होते हैं उसके ऊपर बेस्ड उस आर्टिकल के ऊपर बेस्ड उसको मैं फिफ्टीन कर दूंगा ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन भी आपको उसी में मिलेंगे और स्पीकिंग ट्री यानी जो फिलोसफी बेस्ड आर्टिकल है उसको हम रख देंगे सैटरडे के लिए तो सैटरडे आप भी फ्री रहेंगे मैं भी फ्री रहूँगा समय भी रहेगा और जो मॉर्निंग वाला सेशन है वो हमारा फोर्टी तो टू फिफ्टी मिनट्स में डिटेल्ड मैनर में ख़त्म हो जाएगा मंडे टू तो फ्राइडे और सैटरडे को हम स्पीकिंग ट्री पढ़ेंगे अपना विचार जरूर रखिएगा जो मैंने सोचा है वो ठीक है या नहीं हाँ जी तो यहाँ पे इन माय रूम जो है वो होगा बीनीत माय रूम नहीं होता ठीक है इन माय रूम बिनीत तो नीचे होता है अंडर अब ये सारे देखो प्रपोजिशन से संबंधित एरर है और प्रपोजिशन के लिए एक रूल है कि anyway, तो काफी बड़ा चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है प्रपोजिशन और अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल होता है तो बिनीत अब जैसे मैं अगर आपसे पूछूं मुझे बताओ बिनीत बिलो और अंडर में क्या फर्क है तीनों नीचों नीचे के लिए तो क्या फर्क है इनमें व्हाट इज द डिफरेंस आधे दिन द हिंदू आधे दिन स्पीकिंग ट्री नहीं अभी स्पीकिंग ट्री चलो देखते हैं देखते हैं ऐसा भी कर सकते हैं लेकिन द हिंदू थोड़ा सा मस्ट हो जाता है ना उसमें अब स्पीकिंग ट्री में सिर्फ एक ही थीम होगा वो फिलॉसफी बेस्ड होगा तो थोड़ा करंट अफेयर्स आपको पता लगता रहता है द हिंदू की वजह से तो इसीलिए उसको रखेंगे या तो ऐसे कर सकते हैं कि चार दिन कर लें और दो दिन स्पीकिंग ट्री कर लें कुछ भी देखता हूं मैं तीन दिन स्पीकिंग ट्री तीन दिन द हिंदू हाँ जी फटाफट -फड़ इनके बारे में बात कर लेते हैं देखिए हम एक बात तो एक रूल के अंदर कभी भी प्रपजेशन को बांध नहीं सकते मल्टीपल तरह के उनके यूसेज होते हैं वो डेफिनेटली है। आप क्लासेस में चैप्टर्स में पढ़ते हैं डिटेल मैनर में बट मोटे मोटे तौर पे जो बात कही जाती है वो क्या कि जब भी हम किसी लेवल की बात करते हैं तो बिलो और अबब उससे आता है जैसे सबसे सिंपल सा एग्जाम्पल है जब बाढ़ आती है तो वाटर लेवल जो है वो अबब द डेंजर मार्क होता है या बिलो द डेंजर मार्क होता है यानी जब कोई भी फिक्स्ड और या स्टैंडर्ड लाइन है उसके ऊपर और नीचे आप जाते हैं तो आप अबब और बिलो जाते हैं ओवर और अंडर को हम टिपिकली परपेंडिकुलर रिलेशनशिप के लिए लेते हैं ठीक है कोई चीज़ आपसे परपेंडिकुलरली ऊपर है तो ओवर और नीचे है तो अंडर तो बट अगेन ये वही कह रहा हूँ कि ये बेसिक सी बातें हैं बट सिर्फ इसी में इन प्रपोजिशन के सारे कैरेक्टरिस्टिक को अकोमोडेट

वो कैब स्पेशल बैच जो कॉम्प्रिहेंशन वो कैब बैच की वीओडी है दैट इज अवेलेबल आउट देयर ठीक है शिव तो वो वीओडी आपके पास अवेलेबल है लास्ट कंप्लीट बैच की है वो और कुल मिला के एटी फाइव हैं उसमें जो सिर्फ वो कैब और कॉम्प्रिहेंशन की हैं एटी फाइव का मतलब अगर घंटे की बात करोगे तो वो करीब करीब नाइन्टी फाइव आवर्स से ऊपर की क्लासेस हैं तो बहुत ही डिटेल्ड मैनर में वो कैब को सीखने का तरीका वो कैब बेस्ड हर तरह के क्वेश्चन सब कुछ उसमें है कॉम्प्रिहेंशन के भी सारे टॉपिक्स डिटेल्ड मैनर में हैं तो आप वो परचेज कर सकते हैं अभी लाइव बैच अवेलेबल नहीं है लाइव इंग्लिश स्पेशल बैच है फाउंडेशन बैच है और बैंकिंग का बैच है लाइव अभी आप उसमें एनरोल कर सकते हो यहां पे किसके साथ आप एलिमिनेट कर रहे हैं अच्छी बात है पूनम मैं आपके बैंक स्पेशल थर्टीन से फॉलो कर रही हूँ फर्स्ट लाइव क्लास वेलकम है पूनम हाँ जी हाँ जी हाँ जी अलॉट ऑफ किससे रिप्लेस करोगे अलॉट ऑफ में दिक्कत है किड्स लर्न अलॉट ऑफ देयर स्कूल एक्टिविटीज एंड होमवर्क अलॉट के साथ हाफ यहां पे लगने का लग रहा है सही किड्स लर्न अलॉट ऑफ स्कूल एक्टिविटीज एंड होमवर्क भाई बच्चे सीखते हैं अपने स्कूल एक्टिविटीज से और होमवर्क से मतलब वो माध्यम बनता है उनके सीखने के लिए तो यहां पे अलॉट बाई है वो एरर है बट करेक्ट कैसे होगा वही ना वो रटा अलॉट ऑफ आ जाता है और लॉट्स ऑफ आ जाता है लग कहां रहा है ये भी तो देखो अलॉट ऑफ लॉट्स ऑफ कहाँ लगाते हो आप अलॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ ये क्या है ये आपके एडजेक्टिव हैं एक्चुअली इन अगर टिपिकल सेंस में हम बात करें तो ये एडजेक्टिव हो जाते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी हैं और एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी हैं इन डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव जिसको हम कहते हैं हम कहें लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स राइट अ लॉट ऑफ मनी अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इस तरीके से ये टिपिकली एडजेक्टिव के तौर पर यूज हो रहे हैं बट किड्स लर्न अलॉट अगर यहाँ पे देखोगे तो ये सब्जेक्ट है ये वर्ब है और ये क्या है ये फिर आपका एडवर्ब हो गया

आप किसी भी टेंस का जब नेगेटिव बनाते हो तो वहां नो नहीं लगाते नॉट लगाते हो यस सर नो आई हैव हैव डन डन दिस दिस आई नॉट राइट ही राइट्स अ कॉलम ही डज नॉट राइट अ कॉलम तो नॉट ही लगता है ना जब आप नेगेटिव बनाते हैं किसी भी टेंस का में कोई भी सेंटेंस को तो जब नेगेटिव बनाते हो तो नॉट लगाते हो तो नॉट एडवर्ब है और नो टिपिकली एडजेक्टिव है लेकिन अमिताभ बच्चन साहब ने जब डायलॉग बोला पिंक मूवी में नो मीन्स नो तो अभी नो क्या बन गया नो no means नो no में नो no क्या है अभी एडजेक्टिव बोल सकते हो आप नहीं बोल सकते क्यों क्योंकि नो no सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है कि नहीं का मतलब नहीं होता है नो मीन्स नो वो नाउन के फॉर्म में आ गया वहां पे. तो इसीलिए रटने के मैं बार बार खिलाफत में बात करता हूं कि रटिए मत ग्रामर इज द मैथमेटिक्स ऑफ लैंग्वेज मैथमेटिक को कौन रटता है भाई मैथमेटिक्स रटने की चीज है या समझने की चीज है कंसेप्चुअल चीज होती है तो अब आपको बात समझ आ रही है किड्स लर्न अलॉट थ्रू देयर स्कूल एक्टिविटीज एंड होमवर्क वो हो सकता है कि भाई उसके जरिए वो बहुत कुछ सीखते हैं तो यहां पे ये कहानी थी ठीक है जैसे कल ही मैंने बात करी थी कि दिस की अगर बात की जाए दिस की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होती है तो टिपिकली या तो प्रोनाउन होता है या एडजेक्टिव होता है आप बोलो दिस इज माई हाउस यहां पर दिस क्या हो गया प्रोनाउन हो गया क्योंकि दिस के बाद इज आ रहा है वो सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है लेकिन वहीं पर आपने बोला कि दिस हाउस इज माइन या दिस बुक इज माइन तो यहां बुक से पहले दिस आ गया तो क्या बन गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन गया बट आई कांट हैंडल दिस बैड इस हद तक बुरी चीज को मैं हैंडल नहीं कर सकता राइट right? तो अभी दिस बैड जब कर रहे हो तो बैड एडजेक्टिव है दिस वहां पे एडवर्ब बाब डिग्री के तौर पे काम कर रहा है अब मैं पूछूं आपसे व्हाट क्या होता है तो आप कहोगे सर व्हाट सही में क्या होता है तो व्हाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है जब आप कहते हो व्हाट इज योर नेम वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है बट वॉट टाइम हैव यू स्टार्टड दिस क्लास यहाँ टाइम से पहले वॉट आ गया तो वो क्या बन गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बन गया और वहीं पर आपको वॉट अ शॉट दैट वॉज वॉट अ शॉर्ट उसके बाद मार्क ऑफ एक्सप्लेमेशन लग रहा है तो वही तरीके से इंटरजेक्शन वाला काम करने लग गया तो शब्द वही है इट्स ऑल अबाउट द प्लेसमेंट और इसीलिए जितने भी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं अगर आपको उनका फंक्शनल आस्पेक्ट पता है कि भाई वो काम क्या करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली उनके काम के आधार पर उनका नाम बता लोगे आपको पहचानने में दिक्कत तभी होती है जब आप रटते हैं ठीक है तो इस बात का ध्यान रखिए सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस आई वुड लाइक टू स्पेंड एन इवनिंग नियर पूल विद अ कप ऑफ कॉफी वाह ये सबसे प्यारे क्वेश्चन टाइप है सो आई लाइक टू स्पेंड एन इवनिंग एन इवनिंग इन पैरिस तो इवनिंग यहां पर खत्म हो गया देखो एक साथ ही आगे बढ़ो आंखें एक साथ ले जाओ अपने आप समझ में आ जाता है नियर अ पूल विद अ कप ऑफ कॉफी तो अब यहां पे देखो आगे बढ़े इधर सिर्फ नियर पुल लिखा था तो आपको दिख गया आप अपने आप करेक्ट पे पहुंच गए डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है और बी के अंदर डी लिखा है इस बात का ध्यान रखना क्लियर है कोई कंफ्यूजन ठीक किया है ठीक है ना आगे बढ़ो इफ यू लिव इन अ फॉरिन कंट्री यू शुड ट्राई एंड लर्न लैंग्वेज वॉट इज द प्रॉब्लम इफ यू लिव इन अ फॉरिन कंट्री यू शुड ट्राई एंड लर्न लैंग्वेज सी ट्राई टू लर्न किया कह रही हैं। देखो यहां पे जब बात हो रही है इफ यू लिव इन अ फॉरेन कंट्री तो डेफिनेटली उस पर्टिकुलर देश की भाषा की बात कर रहे हो ना आप तो वहां पे स्पेसिफाई करोगे और स्पेसिफाई करोगे तो यहां पे लर्न द लैंग्वेज आएगा तो एक्चुअली प्रॉब्लम थी सी पार्ट में ट्राई एंड लर्न द लैंग्वेज तुम्हें कोशिश करनी चाहिए और सीखनी चाहिए वहां की भाषा ये यहां करेक्शन था बात समझ में आ गई तो वहां पे द लगाएंगे तब जाके करेक्ट होगा अब ट्राई टू लर्न की कोई जरूरत नहीं ट्राई एंड लर्न आता है कोई दिक्कत नहीं है वहां पे द लैंग्वेज आएगा बस आपको क्योंकि स्पेसिफाई करना पड़ेगा देर आर मोर देन टू मिलियन जॉब सीकर हु आर ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर फिटनेस टेस्ट फॉर द पोस्ट सिंस 2020 बताइए जी कहां पे प्रॉब्लम है जॉब सीकर में प्रॉब्लम है बहुत अच्छे साहिल थैंक यू अच्छा लगा और कोई सही जवाब है कहीं और ही आंखें तलाश रही हैं बाकी लोगों की अनामिका को डी लग रहा है काजल को भी डी लग रहा है एजुकेशन ब्लॉक को बी लग रहा है बिल्कुल जी अब आप देखो यहां पे प्रॉब्लम है हु हैव ऑलरेडी देयर आर मोर देन टू मिलियन जॉब सीकर who have already completed आप खुद देखिए who are completed कर सकते हो आप are के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कब लगती है जब बात आप पैसिव वॉइस में कह रहे हो हाँ या ना और यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो क्लॉज है who have completed their fitness test for the post since 2020 ये एडजेक्टिव क्लॉज है ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज है जो कि जॉब सीकरस को डिस्क्राइब कर रहा है और पता नहीं लोग जॉब सीकर क्यों कह रहे हैं जब यहां पे लिखा हुआ मोर देन 2 मिलियन जॉब सीकरस बीस लाख से ज्यादा जॉब सीकर की बात होती है जॉब सीकर कैसे लिख सकते हो तो क्या क्यों मारते हैं और हु है यहाँ पे आरपी रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट जो है वो है प्लूरल प्लूरल है तो यहाँ पे क्या लगेगा हैव लगेगा इसीलिए यहाँ पे हैव लगेगा अगर मान लो सिंगुलर लिखा होता तो आप हैज लगा लेते तो इधर आप लगाओगे हैव हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर फिटनेस टेस्ट यहाँ पे आपको वो भी दिख रहा है देयर लगा हुआ है उनका क्योंकि जॉब सीकर प्लूरल है फॉर द पोस्ट सिंस 2020 बात क्लियर हो गई सभी को वी मस्ट टेक केयर ऑफ वन अदर इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस सर ज हिंदू को कंटिन्यू रखिएगा बिल्कुल सर जी बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा अच्छी बात है एस एस सी विद कुनाल वीडियो डालिए आप साहिल थोड़ा ध्यान दो भाई हाँ करेक्ट अतुल इज करेक्ट सो दैट इज इज करेक्ट वन अब ये पढ़ते हैं आप कहां पे ये पढ़ते हैं प्रोनाउन के अंदर किस तरह का प्रोनाउन है भाई रेसी प्रोकल प्रोनाउन बहुत ही क्लियर कट फंडा होता है और बहुत ही स्कोरिंग अगर इससे क्वेश्चन मिल जाए दो ही होते हैं एक तो ईच अदर होता है और दूसरा वन एनदर होता है ईच अदर की बात हम करते हैं जब हम दो लोगों के बीच की बात करें और वन एनदर की जब दो से ज्यादा की बीच की बातचीत है आपस की तो डेफिनेटली यहाँ पे वी से ये तो नहीं पता लग रहा कि सिर्फ दो की ही बात है आया ना तो बेहतर है कि हम वन एनअर करें वैसे आपको एरर ही पूछा गया है तो एरर तो आपने बता लिया बट करेक्ट कैसे करेंगे ये सोचने में दिमाग का विकास होता है थोड़ा हमारे तो इसीलिए मैं ये इसमें जरूर छेड़ता हूं आपको कि आपको ये लग सकता है ईच अदर थोड़ा सोचेंगे तो लगेगा नहीं वन एन अदर होगा तो ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि यहाँ क्राइसिस की बात हो रही है अब क्राइसिस में किसी भी क्राइसिस में दो लोग तो नहीं रहेंगे जब आग लगेगी तो आएंगे कई घर जद में यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़े ही है तो वही वाली बात है दो लोगों के बीच में कोई क्राइसिस नहीं आएगी तो क्राइसिस बड़ा शब्द है ज्यादातर लोग होंगे ज्यादा लोग वहां पे होंगे तो इसीलिए वन एनअर जो है वो ज्यादा बेहतर शब्द है क्राइसिस सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है क्राइसिस सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है या दोनों में एक ही इस्तेमाल होता है सिंगुलर हो या प्लूरल हो जैसे एयरक्राफ्ट है हमारे पास एयरक्राफ्ट तो एयरक्राफ्ट सिंगुलर और प्लूरल और एयरक्राफ्ट ही होता है आप जानते हैं नाउन में पढ़ते हैं क्राइसिस के बारे में क्या विचार है सिंगुलर है प्लूरल है दोनों में एक ही इस्तेमाल होता है फटाफट आंसर हाँ जी हाँ है दोनों में सिंगुलर है जमाइल मंडल प्लूरल कह दिया तो इसीलिए ना हम अपनी फीलिंग पर नहीं चलाना हर चीज़ देखो वो आपको बॉय और बॉयज़ नहीं एग्जाम में पूछेंगे सिंगुलर प्यूरल को चेक करेंगे तो वो ऐसे ही वर्ड पूछते हैं जिसमें आपको दिक्कत है तो क्राइसिस प्लूरल होता है और सबसे आसान सा काम ये बचपन से पढ़ रहे हैं हम एक्सेस का प्लूरल एक्सेस तो इसको ध्यान में रखो आई को ई से रिप्लेस करके प्लूरल बनाते हैं जो है है वो हो जाता है। तो ये सब आपको वो पूछते हैं पेपर में फेनोमन फेनोमना क्राइटेरियन क्राइटीरिया वो ये नहीं पूछेंगे अच्छा वॉयस सिंगुलर है वॉयस प्यूरल है आपको मजा आ गया मैंने तो ढूंढ लिया मिलते ऐसे हैं जो आपको ध्यान से थोड़े दिमाग में रखने पड़ते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं He is as concerned as me regarding the renewed examination schedule. American English में यही आ जाता है schedule, schedule, but standard British में schedule. क्या दिक्कत है हाँ बहुत बढ़िया पीर पूजा नीतीश सबसे ही हैं डी करेक्ट ऑप्शन है करेक्ट क्या करोगे इसमें बताओ डी में तो एरर है करेक्ट कैसे करोगे किसको हटा करके क्या लगाओगे राहुल मी को हटा के क्या लगाया जाए भाई यहाँ पे हाँ जी तो आपको पता है कि कंपैरिजन शुड ऑलवेज हैपन बिटवीन सेम केसेस राइट तो सेम केसेस के बीच में ही कंपैरिजन होता है ही सब्जेक्टिव केस है मी ऑब्जेक्टिव केस है यहाँ पे क्या आना चाहिए आई आना चाहिए ही इज एज कंसर्नड एज आई यानी वो भी उतना ही चिंतित है जितना मैं रिगार्डिंग द रीन्यूड एग्जामिनेशन शेड्यूल तो यहाँ पे मी को हटा के आप क्या लगाएंगे आई लगाएंगे और देखिए केसेस का ध्यान हमेशा रखना बहुत जरूरी होता है अब मुझे लगता है कि आप पढ़े लिखे लोग हैं आप ये वाली इंग्लिश नहीं बोलते होंगे मी एंड माई फ्रेंड वॉचड मूवी एसटर्ड तो वॉच्ड के पहले आ रहा है मी एंड माई फ्रेंड तो मी बोलना बिल्कुल गलत है सब्जेक्ट subject है सब्जेक्टिव केस लगेगा माय फ्रेंड एंड आई वॉज परिचय में माई सेल्फ इस्तेमाल देना बंद कर दीजिए तत्काल प्रभाव से अगर बोलते हैं तो वो आपको आप नाम ले सकते हैं बट माई सेल्फ बोल के परिचय ना दिया करें आफ्टर दैट लॉन्ग आफ्टरनून वेन आई क्वाइटली एंटर्ड हर रूम टू हैंड ओवर दैकेट टू हर शी आस्क मी टू सिट रिलकटेंट क्या दिक्कत है लंबा सा सेंटेंस है थोड़ा उस लंबे आफ्टरनून के बाद जब मैं उसके कमरे में चुपचाप दाखिल हुआ वो पैकेट हैंडओवर करने के लिए तो उसने मुझको कहा कि तुम बैठ जाओ लेकिन क्या बैठने के लिए उसने पूरे दिल से कहा <laughs> नहीं तो साहिल दीक्षा एब्सोल्युटली करेक्ट यहाँ रिलेक्टेंटली हो जाएगा टू सेट वर्ब लगा है तो Reluctantly, ये adverb चाहिए ऑफ मैनर राइट क्या बात है बड़ी बहुत ही फिल्मी सी नहीं हो गया एकदम सीन क्लियर आ, आ गया होगा आंखों के सामने उस लंबे आफ्टरनून कई बार होता है ना दिल टूटा हुआ समय बीतता ही नहीं आफ्टरनून खत्म ही नहीं हो रही तो जब मैं चुपचाप उसके कमरे में अच्छा एंटर के साथ एक छोटा सा ज्ञान और भी यहाँ पे आप जानते हैं वैसे एंटर के साथ हम इंटू नहीं लगाते कि जब आप वर्ब में ट्रांजिटिव और इन वर्ब का कॉन्सेप्ट पढ़ते हो या प्रेपरेशन के अंदर भी तब भी आपकी इससे मुलाकात होती है और अगर प्रीवियस ईयर्स उठा के आप देखें तो प्रेपरेशन चैप्टर के अंदर भी ट्रांजिटिव वर्ब के ऊपर भरपूर क्वेश्चन आए हैं और ट्रांजिटिव का मतलब सकर्मक किया क्रिया वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है प्रेपरेशन की मदद नहीं लेता जबकि इन ट्रांजिटिव वर्ब के साथ अगर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है तो प्रिपोरिशन अपनी तरफ से लगाना पड़ता है तो डेफिनेटली एग्जामिनर इसका उल्टा करेंगे उनको एरर देना है वो ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रपजेशन uh, लगा के देते हैं जो कि गलत है तो एंटर के साथ भी इंटू लगा के देना वो गलत होता है लेकिन तब जब आप किसी कमरे में किसी हॉल में किसी रूम में कहीं दाखिल हो रहे हो ऐसे अदरवाइज अगर बाकी के जो कॉन्टेक्स्ट उसमें एंटर के साथ हम इंटू लगा देते हैं जैसे वी हैव एंटर्ड इंटू अ न्यू डील राइट तो हम एक नए डील में आज हमारी डील हुई है कुछ फाइनल आज उसमें हमने एंटर किया तो वहाँ एंटर इंटू दिस न्यू डील ये लगा सकते हो आप किसी जगह पे एंटर करने के लिए इनटू का इस्तेमाल नहीं होता ठीक है और बहुत मतलब आठ दस वर्ब हैं जो बार बार पूछे जाते हैं पेपर में कभी क्वेश्चन आएगा तो देख लेंगे वैसे आपको पता ही होगा तो एम्फेसाइज के साथ वो ऑन लगा देते हैं अटैक के साथ ऑन लगा देते हैं डिस्क्राइब के साथ अबाउट लगा देते हैं डिस्कस के साथ अबाउट लगा देते हैं तो ये सारे हमें वैसे फीलिंग में लगते हैं कि ठीक तो है शी डिस्क्राइब्ड अबाउट हर एक्सपीरियंस बट दैट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट शी डिस्क्राइब्ड हर एक्सपीरियंस

हाँ जी बताइए एरर भी बताइए और साथ ही साथ मुझे ये भी बताइएगा ये किस तरह का क्लॉज है इट्स अ नाउन क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्बियल क्लॉज वट काइंड ऑफ क्लॉज इज दैट हाँ वी एंटर्ड इन टू एब्सोल्यूटली दीक्षा बिल्कुल आएगा पीर कोई दिक्कत नहीं है होल्ड ऑन द पीपल सुबह से क्या लगना चाहिए यहाँ पे डेफिनेटली प्रॉब्लम यहाँ पे है देखो होल्ड ऑन होल्ड ऑन कब इस्तेमाल होता है होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट जब आप किसी को कुछ समय के लिए मतलब थोड़े समय के लिए मोमेंट के लिए रुकने के लिए कहते हैं ये कई बार तब होता है जब ये आपके न्यूज चैनल जो है आ, वहां पर <laughs> एक बड़ा फेमस न्यूज चैनल है आपको पता है वहाँ एक एंकर और आठ दस लोग होते हैं और इतने लोग बोलते हैं लाइक पीपल आर टॉकिंग ओवर इच अदर

कोई पूछेगा कि पुलिस क्यों नहीं रोक पाई भीड़ को तो होल्ड ऑन नहीं होल्ड अप होता है होल्ड अप द पीपल राइट सो पुलिस क्यों नहीं रोक पाई लोगों को लंबे समय के लिए क्यों क्योंकि लोग भारी संख्या में वहां इकट्ठा हुए थे तो एडवर्ब किसको बोलते हो आप जो वर्ब को डिस्क्राइब करे वर्ब को कैसे डिस्क्राइब करें वर्ब के होने का टाइम बता करके वर्ब के होने की जगह बता करके वर्ब के होने का मैनर बता करके वर्ब के होने का रीजन बता करके तो यहां रीजन बताने के लिए कारण बताने के लिए पूरा का पूरा क्लॉज खर्च हो रहा है और एड से उसकी शुरुआत हो रही है इसलिए इसको एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीजन बोलेंगे ठीक है डिपेंडेंट क्लॉज है ये तो करेक्ट आंसर कहां गया भैया ये होल्ड ऑन ठीक है प्रेजल वर्ब फ्रेजल वर्ब, फिर आपकी एडियम्स एंड फ्रेजेस सबसे ज्यादा ट्रिकी है ना इनकी संख्या हजारों में है आप क्या कहते हैं एक लंबा सेशन फ्रेजल वर्ब पे किया जाए मैराथन टाइप का मैराथन में वो बारह घंटे वाले तो नहीं कर पाऊंगा मतलब चार तीन चार घंटे कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा आप करते रहना आंसर पानी वानी पी के चलो द स्टूडेंट्स वर एबल टू गेट बेटर फ्रॉम कॉलेज अर्ली सो दे वेंट टू द मूवीज समझ आ रही है द स्टूडेंट्स एबल टू गेट बेटर फ्रॉम कॉलेज अर्ली सो दे टू द मूवीज दिलीप लग रहा आज पहली बार आए हैं हां जी ये क्लास रोज चल रही है दिलीप पिछली आज तीसरी क्लास है मंडे से ये क्लास चल रही तो पीछे वाली भी क्लास देख लेना और अगले दो दिन भी चलेगी कुछ अजीब सही सेंटेंस नहीं है ये नहीं नहीं इस टाइम पर नहीं होगी अगर वो होगा ना आपका क्या कहते हैं मैराथन मतलब थोड़ा लंबा सेशन अगर जाएगा तो उसको वीकेंड में रखेंगे और हो सकता है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी हो जाए जरूरी नहीं कि यहीं पे हो सारे सोशल मीडिया अकाउंट जो हैं उनकी जानकारी आपको नीचे यहाँ पे लिखी हुई है ठीक है तो यूट्यूब चैनल जो है वो इंग्लिश एक्सपो विद सत्येंद्र तिवारी है जो आपको फर्स्ट स्लाइड पर भी दिखाई देता है अरे भाई रुको 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 पेड बैच में क्या फीस है बहुत नॉमिनल फीस है चले जाइए वे लैब पे वहां जानकारी मिल जाएगी सो दैट दे वेंट टू द मूवीज कुछ अजीब सा ही सेंटेंस दिया है ना और देखो एक छोटी सी बात और भी बताता हूं एग्जामिनेशन में कई बार ऐसा होता है क्योंकि एस एस सी इस, इस चीज के लिए जाना जाता है मतलब कुछ अजीब से सेंटेंसेस इस बार तो आंसर्स भी गलत थे की तरफ से तो अगर कोई भी सेंटेंस ज्यादा टाइम ले रहा है आपके पल्ले नहीं पड़ रहा तो इट्स बेटर टू लीव दैट क्वेश्चन इन एक्चुअल एग्जामिनेशन सीनरियो ठीक है इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज रिस्टोरिंग सॉल हेल्थ जो है ये क्या है अगेन जिरंडियल फ्रेज है जो किस सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है तो ये सब्जेक्ट हो गया आपका उसके बाद वुड हेल्प देखो आप यहां जिरंड और इन्फिनेटिव दोनों की कहानी है थोड़ी अतुल के एसएससी की गलती से नहीं हुआ सिलेक्शन क्या कर सकते हैं <laughs> कई बार तो ऐसे माशाल्लाह ऑप्शंस भी दे देते हैं मतलब तो प्रॉब्लम है यहां पे वुड हेल्प मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ठीक है ट द इफेक्ट अब यहाँ पे इंफेनिटिव में एक कॉन्सेप्ट आता है बेयर इंफेटिव का हाया ना बेयर इन्फेटिव तो बेयर इन्फिनेटिव का क्या मतलब होता है कि इन्फिनेटिव को आपने नंगा कर दिया और नंगा कर दिया का मतलब इंफिनेटिव टू प्लस बी वन होता है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना अब उसमें हमारे पास बड़े सारे वर्ब हैं जैसे मेक है लेट है बिड है, है ये सब पढ़ते हो आप तो ये बेयर इंफिटिव लेते हैं लेकिन अगेन कब जब आप एक्टिव वॉइस में कोई सेंटेंस लिख रहे होते हैं राइट right? जैसे आपने कहा कि आई हेल्प्ड हिम आई हेल्प्ड हिम क्रॉस द रोड राइट और इसी को जब पैसे वॉइस में लिखोगे तो क्या हो जाएगा ये ही वॉज हेल्प्ड ही वॉज हेल्प्ड टू क्रॉस द रोड तो ये इसीलिए हर एक कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्चुअल होता है इंग्लिश में अगर आप ये रट लेंगे बस कि हेल्प के बाद टू प्लस यून नहीं आता तो आप इसको गलत करार देंगे आप इसको गलत करार देंगे कि हेल्प के बाद टू प्लस यून नहीं आता भाई ये सही है दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड वाई इज इट सो ऐसा क्यों है क्योंकि ये पैसे वॉइस में लिखा है एक्टिव वॉइस में आप बेयर इन्फेनेटिव लगाते हैं यहाँ हेल्प के बाद जो अगला वर्ब आया वो विदाउट टू आया ठीक है सो वुड हेल्प मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज Would help to mitigate भी कर सकते हो एट मिटिगेटिंग भी कर सकते हो अलग अलग स्ट्रक्चर पॉसिबल है बट एट मिटिगेट तो बिल्कुल भी नहीं होगा ठीक है लक्ष्य कुमार मेरे भाई एक ही बात को कितनी बार और लिखोगे ठीक है ना प्रैक्टिस सेट लाया करो प्लीज आएगा प्रैक्टिस सेट ये भी प्रैक्टिस ही चल रही है कि कुछ और चल रहा है मेक श्योर यू नोन हाउ टू सिम कहां पे दिक्कत है पढ़ते ही समझ में आ गया यू नोन द फ्रंट पार्ट इज यूज फॉर कार्विंग द लाइन्स एंड द बैक एंड फॉर स्क्रैचिंग द स्क्रैचिंग ऑफ होल एरियाज देखो जो भी नए लोग हैं आपकी जानकारी के लिए ये जैसे वीक हमारा ग्रामर के ऊपर चल रहा है नेक्स्ट वीक इसी तरीके से हम वुकैब के क्वेश्चन जो हैं उनको कर लेंगे और फिर कॉम्प्रिहेंशन कर लेंगे तो तीन वीक में अलग अलग कर लेंगे उसके बाद फिर मैं आपके साथ मिसलेनियस जो है वो प्रैक्टिस करूंगा देखो मिसलेनियस से पहले तीनों एरियाज़ पर कमांड होनी जरूरी है ना भाई ग्रामर है वो कैब है कॉम्प्रिहेंशन है यही सोच करके ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस करा रहा हूँ जो पिछले ही साल के हैं ज़्यादा पुराने भी नहीं है और इसके माध्यम से एक बार पूरा हमारा रिविज़न हो जाएगा ठीक है लक्ष्य हाँ जी तो यहां पे आप क्या कर रहे थे ठीक है द फ्रंट पार्ट इज यूज फॉर कार्विंग द लाइन्स एंड द बैक एंड फॉर स्क्रैचिंग ऑफ ने स्क्रैचिंग द होल एरियाज वेयर कैन आई फाइंड अ गुड चाइनीज रेस्टोर अबाउट हेयर पढ़ते ही समझ आ रहा होगा कहां पर दिक्कत है Where can can I find a good Chinese restaurant about here? Preposition में problem है क्या लगाओगे इसकी जगह पे क्या लगा सकते हैं About here problem है क्या लगा सकते हैं Around देखो around और about का इस्तेमाल कई बार similar sense में भी हो जाता है कैसे लाइक देर वर अबाउट टू हंड्रेड पीपल राइट और देर वर अराउंड टू हंड्रेड पीपल तो यहां अराउंड टू हंड्रेड पीपल अबाउट टू हंड्रेड पीपल दोनों सही है और दोनों का मतलब लगभग हो गया लेकिन जब हम यहाँ पे जगह की बात कर रहे हैं तो फिर अराउंड अबाउट जो है वो यहां पे सही नहीं है ठीक है फैक्टरिंग इज ऑफ कोर्स डिफरेंट फ्रॉम एंड सुपीरियर देन बिल डिस्काउंटिंग फ्रॉम द्वाइंट ऑफ व्यू ऑफ अल्पनी हाँ जी अराउंड दोनों का डिफरेंस आपको बता दिया कि दोनों अराउंड टू हंड्रेड पीपल अबाउट टू हंड्रेड पीपल फाइव हंड्रेड पीपल दोनों में सिमिलरली यूज हो सकता है इंटरचेंजली बट यहाँ प्लेस की बात है तो अबाउट नहीं लगेगा अराउंड लगेगा तो भाई देखो ये पढ़ते ही आपको समझ आ रहा होगा बचपन से आप पढ़ रहे हैं कि ये जो आई ओ आर है ये लैटिन सफिक्स है और इसके साथ हम दैन नहीं लगाते टू लगाते हैं सुपीरियर इन्फीरियर सीनियर जूनियर ऑल्टेरियर पोस्टेरियर तो ये आई ओ आर से एंड होने वाले तो यहाँ पे एक लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि ऐसे क्वेश्चन या तो एडजेक्टिव में मिलते हैं या वर्ब टेंस में मिलते हैं जब वो दो अलग अलग तरह के एडजेक्टिव या वर्ब का कॉलोकेशन लगाते हैं अब जैसे यहाँ पे मान लो डिफरेंट के बाद अगर वो फ्राम नहीं लगाते डिफरेंट एंड सुपीरियर टू होता तो भी एरर आ जाता तो डिफरेंट के साथ फ्रॉम की जोड़ी बनती है और सुपीरियर के साथ टू की जोड़ी बनती है तो अगर आप दो अलग अलग तरह के एडजेक्टिव लगाते हैं तो उनके साथ जिस शब्द की जोड़ी बनती है वो लगाओ ठीक है तो आ, ऐसी क्लास में भी जब मैं कॉन्सेप्ट कराता हूं तो आपको याद होगा बिल्कुल पहला दूसरा क्वेश्चन ही देता हूँ कि योर कार योर ड्रेस इज सुपीरियर एंड मोर एक्सपेंसिव देन माइन तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कहा गया क्या सुपीरियर इवन आज भी नए वाले बैच में फाउंडेशन बैच में हम एडजेक्टिव कर रहे थे ना तो सुपीरियर एंड मोर एक्सपेंसिव आंखें वहीं देखनी चाहिए जहां देखने की जरूरत है तो अब इवन कई बार मोर सुपीरियर भी दे दिया जाता है आज क्लास में मैंने मोर सुपीरियर भी दे दिया था सेंटेंस बनाते समय तो अब यहाँ पे कोई कह रहा है कि भाई योर ड्रेस योर कार इज मोर सुपीरियर सॉरी हाँ मोर सुपीरियर एंड मोर तो अब इसमें क्या प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ये है कि पहली बात तो भाई यहाँ पे सुपीरियर के पहले मोर नहीं लग सकता और दूसरा कि सुपीरियर के साथ अगर आपने आगे टू नहीं लगाया है तो ये माना जाएगा कि आप सुपेरियर के साथ दैन लगा रहे हैं तो सुपेरियर के साथ टू लगता है जिसके साथ जो लगे वो लगाओ इवन क्लास में कुछ बच्चे कहते हैं सर यहाँ से मोर हटा दीजिए तो कम आ हैं ना हम अगर मान लो यही सेंटेंस इंप्रूवमेंट में दे दिया जाए और चार ऑप्शन दे दिया जाए कि अच्छा क्या लगा करके सेंटेंस इंप्रूव हो जाएगा तो हर एक चीज़ लॉजिकल है अब एक्सपेंसिव ऐसा एडजेक्टिव है जिसका ई आर ई एस टी फॉर्म तो होता नहीं पर आपको ये पता है कि जिन एडजेक्टिव के ई आर ई एस टी फॉर्म नहीं होते उनका कम्पेरेटिव एंड सुपरलेटिव हम मोर और मोस्ट लगा के बनाते हैं अब ऑनेस्ट है आपने कहा मिस्टर ए इज ऑनेस्ट अब आपको ए से बी ज़्यादा ऑनेस्ट बताना है तो क्या बोलोगे ए इज मोर ऑनेस्ट देन बी ए इज ऑनेस्टर देन बी तो कोई शब्द होता नहीं तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको मोर ऑनेस्ट बोलना है वैसे एक्सपेंसिव भी वैसा ही एडजेक्टिव है अब आपको ये बताना है कि तुम्हारी कार मेरी कार से ज़्यादा महंगी है तो ज़्यादा महंगी कैसे बताओगे मोर लगा के ही तो बताओगे और मोर के साथ जोड़ी आपकी किसकी बनती है दैन की बनती है तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है तो इस पर क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर मिलते हैं वैसे ही मैंने कहा वर्व में भी ऐसे मिलेंगे अब मान लो पहले उन्होंने लगा दिया कि ही हैज़ एंड विल डू तो अब हैज के साथ डन लगेगा विल के साथ डू लगेगा लेकिन उन्होंने हैज के बाद डन छोड़ दिया तो ये मान लिया जाएगा कि हेज के साथ आप डू ही लगा रहे हो तो बहुत ध्यान देना होता है स्ट्रक्चर पे और देखो एसएससी में एमटीएस <laughs> में भी अच्छा क्वेश्चन आता है इसीलिए एमटीएस हो सीएचएसएल हो सीजीएल हो पढ़ना सबके लिए ढंग से कई बार तो एमटीएस में बड़े अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं सीजीएल में नहीं आते वैसे कंपनीज विल गो आफ्टर वन अदर इन देयर मार्केटिंग कैंपेंस कहाँ एरर है कैसे करेक्ट करोगे वही बात वन अदर तो पहली बात एक्सप्रेशन है ही नहीं है वन एनदर होता है ठीक है वन एनदर और ईच अदर तो वही बात कि यहां पे वन एन अदर नाउ इट्स रेफरिंग टू द सेम बिग लग फेट थैंक्स टू डेविड स्लिंग शॉट क्या प्रॉब्लम है बहुत अच्छे फैजान सबसे पहले जवाब शिल्पी सही और ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स है व्हाट पीपल कम इट पर्टिकुलरली हम स्पीकिंग में तो अपनी इज्जत बचा लेते हैं जब लिखने की बारी आती है तो इसमें बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं और देखो कल कर भी रहे हैं। फैजान ने सबसे पहले सही जवाब दिया है तो भाई ये इट्स है जब आप ऐसे लिखोगे तो इसका मतलब होता है इट इज नाउ इट इज रेफरिंग टू द सेम बिग लग मेट हिस्स फेट थैंक्स टू डेविड स्लिंग शॉर्ट तो यहां पे डी करेक्ट ऑप्शन है नाउ इट्स रेफरिंग टू द सेम यहां पे इट इट चाहिए जब आप आई लगाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है उसका मतलब होता है इसका फटाफट टेस्ट ले लूँ क्या थोड़ा सा कि सबको क्लैरिटी हो जाए इसमें बताओ मुझे जी दो सेंटेंस आपको दिए बताइए किस में किसके साथ जाएंगे ए बी ए बी दोनों में जो लग रहा हो वो बता दो अगर दोनों में लग रहा है ए तो ए लिख देना दोनों में बी बी लग रहा है बी तो बी लिख देना जरा लिखो जरा कमेंट सेक्शन में आज ये भी मामला क्लियर हो जाए ठीक है ए बी 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 ए बी करना शुरू कर दिया कई बार अरमान होते भैया सही तो बताओ सारे के सारे अब इतने मासूम क्वेश्चन में भी हम गड़बड़ कर देते हैं तो ये है भाई इट इज रेड ये इट इज रेड है और इट इज जब कहना है तो इसके साथ जाओगे जब इट्स कलर इज रेड बोल रहा हूं तो कलर जो शब्द है नाउन है और नाउन के पहले क्या चाहिए होता है एडजेक्टिव ये पजेसिव एडजेक्टिव है एक्चुअली इसका सिंपल सा अर्थ इसका ही होता है इसका रंग लाल है ठीक है जो मैंने आपसे सवाल पूछा था उसका जवाब होगा बी ए यानी पहले में बी वाला वर्ड और दूसरे में ए वाला वर्ड आएगा और एक छोटी सी बात और भी कई बार ये भी कहा जाता है जैसे कोई पूछे कि हाउ हैज़ बीन योर एक्सपीरियंस हाउ हैज़ बीन योर एक्सपीरियंस तो आप जवाब देते हो इट्स बीन ग्रेट तो ये भी क्लियर कर लेना बोलने में तो इज्जत बचा लोगे लिखने में फिर नहीं बच पाती इट्स बीन ग्रेट तो इट्स बीन ग्रेट ऐसे लिखा जाएगा और अब की बार इस इट अपॉस्ट्राफी एस में जो कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है इट इज़ नहीं छुपा हुआ है इसीलिए यहां पे इट इज भी होता है और इट हैज भी होता है तो आपको इतना कॉमन सेंस है कि बीन लगा हुआ है तो इट इज बीन तो लगाओगे नहीं आप तो इसमें क्या छुपा हुआ है इट हैज बीन इट हैज बीन और फिर यहाँ पे आ गया ग्रेट अब फिर कुछ मासूम दिल, दिल दिमाग को संबंध में सवाल पैदा होता है सर हमने तो पढ़ा हैज बीन बीन हैव के साथ वर्ब में आईएनजी लगता है नहीं हमेशा नहीं लगता जब आईएनजी लगता है तो वो हेल्पिंग वर्ब होता है यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है स्टेटिव वर्ब है स्टेटिव वर्ब है स्टेट बता रहा है किसका इट का जो कि प्रोनाउन है जो कि आपने एक्सपीरियंस के लिए इस्तेमाल किया था और नाउन प्रोनाउन को जो डिस्क्राइब करता है उसे क्या कहते हैं एडजेक्टिव इसीलिए हैज बीन के बाद क्या लगा हुआ है यहाँ पे ग्रेट लगा हुआ है ये एडजेक्टिव है ये प्रोनाउन हो गया तो नाउन प्रोनाउन का स्टेट बताने में ये मदद कर रहा है ये स्टेटिव वर्ब है फ़र्क सिर्फ ये हो गया कि ये स्टेटिव वर्ब एक ड्यूरेशन का है आपने किसी होटल में स्टे किया चार दिन चेकआउट कर रहे हैं पाँचवें दिन फोर नाइट फाइव डेज का प्लान था होटल मैनेजर पूछता सर हाउ हैज़ बीन योर एक्सपीरियंस आप जवाब देते हैं इट्स बीन ग्रेट तो योर एक्सपीरियंस जो नाउन फ्रेज है ना उसके लिए इट लगाते हो ये तो इट्स बीन ग्रेट बोलते हो आप यानी इट हैज बीन ग्रेट यानी ये चार दिन का जो ड्यूरेशन रहा वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहा ठीक है तो दीज आर द माइन्यूट डिफरेंसेस डिस्पाइट ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस एंड पावरफुल एनालिटिकल टूल्स नथिंग इज हैपनिंग ये तो बहुत ही घिसा बेटा कांसेप्ट है बचपन से पढ़ रहे होगे एरर नजर आ गया डिस्पाइट के साथ हम आफ का इस्तेमाल नहीं करते हां जी बी करेक्ट ऑप्शन है डिस्पाइट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड पावरफुल एनालिटिकल टूल्स नथिंग इज हैपनिंग राइट तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और पावरफुल टूल्स के बावजूद कुछ भी नहीं हो रहा इंस्पाइट के साथ हाफ डिस्पाइट के साथ हाफ नहीं लगेगा जस्ट बिकॉज आई एम क्वाइट डज नॉट मीन आई कॉन्ट स्कोल्ड यू जस्ट बिकॉज आई एम क्वाइट क्योंकि मैं शांत हूं इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें डांट नहीं सकता क्या बात है कोई दिक्कत है क्या इसमें देखो इसीलिए पढ़ने में ही अपने आप फ्लो में पता लग जाता कोई एरर नहीं है जस्ट बिकॉज आई एम क्वाइट डज नॉट मीन आई can't scold यू और इसीलिए मैं आपको शुरुआत में चाहे कोई भी बैच हो करियर वैब पे सबसे पहले ग्रामर फाउंडेशन पढ़ाता हूँ अब देखो ये डज नॉट मीन जो लिखा हुआ है ये क्या है ये वर्ब है आया ना किसके लिए लगा हुआ है आई एम क्वाइट नाउन clause हो गया नहीं तो समझ में नहीं आएगा लगेगा ये कौन सी अंग्रेजी भाई आई एम क्वाइट फिर डज नॉट मीन और ये स्पीकिंग में भी रिफ्लेक्ट करेगा इसीलिए बोलते समय अगर आपने ध्यान से सुना है जस्ट बिकॉज आई एम क्वाइट ड नॉट मीन आई कॉन्ट स्कोल्ड यू इसका यह मतलब नहीं कि मैं तुम्हें डांट नहीं सकता और देखो डॉट मीन ये वर्ब का पोर्शन है बर, बर, और उसके बाद ये अगेन नाउन क्लॉज है जो कि इसके ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है इधर नाउन क्लॉज सब्जेक्ट के तौर पर तो नो एर मच ऑफ द आर्ट ही डिस्कसिस इज फनी प्लेइंग एंड मिश्युअस बताओ भाई बहुत अच्छे नाम कहीं नहीं पता लग रहा जिसने करेक्ट जवाब दिया नाम क्या भाई तुम्हारा ये डबल टिक वेरी गुड दीक्षा दैट इज प्लेफुल अब देखो मच ऑफ द आर्ट ही डिस्कसेस सिर्फ अगेन वही नाउन क्लास वाला फंडा वो पता जो जब भी सिलेक्टेड बच्चे आते हैं ना जब मुलाकात होती है वैसे मैं ऑफिस में तो नहीं होता मैं नोएडा से ही क्लासेस लेता हूँ तो इसलिए मुलाकात कम ही हो पाती है तो जब जिनके साथ भी इंटरव्यूज़ होते हैं उनका वही कहना होता है कि सर शुरू में जो आप ग्रामर फाउंडेशन की क्लासेस कराते हैं वो उस उन क्लासेस में अगर कोई टिक गया तो उसकी इंग्लिश अपने आप आसान हो जानी है और मैं वही बार बार एहसास कराता हूँ कि भाई देखो कोई क्वेश्चन उठा के देख लो कोई हर जगह सेंटेंस मिलेगा सेंटेंस में नाउन क्लासेज आ रहे हैं नहीं आ रहे ही डिस्कश के बाद इज आ रहा है और आप अंग्रेजी के रूल रटते हैं हंड्रेड रूल हंड्रेड फिफ्टी रूल गोल्डन रूल सिल्वर रूल रूल रट के धाराशाही हो जाओगे सेंटेंस ही पल्ले नहीं पड़ेगा फिर तो इसीलिए ढंग से अगर एक बार पढ़ लिया वो चार पांच क्लासेस होती हैं हर बैच में किसी में छह भी हो जाती हैं ले जिसमें सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के फंडामेंटल्स को फंक्शनल आस्पेक्ट को ब्रश अप करता हूँ वर्ड पहचानना सीखते हैं फिर फ्रेजेस पहचानते हैं फिर क्लॉजेस पहचानते हैं और अपने करियर करियरवेल की क्लासेस में कोई चैप्टर होता है मैं बच्चों को छेड़ देता हूँ बताओ कौन सा फ्रेज है कौन सा क्लॉज है जो आपको एडिटोरियल में भी करा रहा हूँ तो जब तक उस लेवल की क्लैरिटी नहीं होगी इसका मतलब क्या है अंग्रेजी फिर आप ये नहीं क्लेम कर सकते कि और फिर आपके वो बोलने में भी दिखेगा कि आपको समझ नहीं आती है आप रट्टू तोते हैं जितना छोटा सा आकाश है आपका उतना ही दे दो उतने में खेलोगे थोड़ा गेम बढ़ाओ बस वहीं पे पंख कट के गिर जाएं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कोई इतनी मुश्किल सी चीज नहीं है इवन मैं वही कहता हूँ कि वो हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय रेन एंड मार्टिन हम सभी के बचपन की वो किताब थी ग्रामर की दसवीं तक के लिए होती है ना उसमें ये सब फ्रेज और क्लॉज समझाए गए हैं ये पुराने पाप हैं जो आपने किए हैं पंद्रह साल तक ये सब पता होने चाहिए थे फ्रेज क्लॉज सेंटेंसेस पहचान में आए नहीं पढ़ा तो कम से कम अब तो पढ़ लो भाई अब पढ़ लो नैया पार हो जाए सेंटेंस समझ में आए फिर रूल रटने की समस्या खत्म हो जाएगी खुद नजर आएगा खैर तो मच ऑफ द आर्ट ही डिस्कस इज फनी यहाँ पे प्लेइंग नहीं प्लेफुल ये सारे के सारे एडजेक्टिव हैं इज यहां पे किस तरह का वर्ब हो गया स्टेटिव वर्ब हो गया ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है एग्जामिनर उसी में खेल जाएगा अच्छा इज के बाद प्लेइंग लगा नहीं ये प्लेफुल ये बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं आपके लिए कहूं कि ही इज गुड तो गुड वहां पे क्या है एडजेक्टिव है इसको क्या बोलोगे बोलोगे स्टेटिव वर्ब ही का स्टेट बता रहा है बट ही इज डूइंग दिस वर्क यहां का इज हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद डूइंग मेन वर्ब है बहुत बढ़िया चलो समय हो चुका है पूरा कल करते हैं अब थर्टी क्वेश्चन का टारगेट था आराम से डिटेल्ड मैनर में डिस्कस हो रहा है तो कल मुलाकात करते हैं कल इसको पूरा करेंगे ठीक है थैंक यू थैंक यू एवरीवान दैट्स ऑल्व फॉर टुडेज सेशन लेट्स कैचअप टुमारो कल मिलेंगे आठ बजे जुड़ना मत भूलिएगा एडिटोरियल सेशन में ठीक है तो द हिंदू कल करेंगे हम फिर और जो भी नए लोग हैं इस सेशन में पहली बार जुड़ रहे हैं आपकी जानकारी के लिए इस सेशन पे इस चैनल पे सुबह आठ बजे मेरे साथ आप एडिटोरियल करते हैं तो वो भी आपको मिलेगा और शा शाम को सात बजे यहाँ पे ये यह अभी प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं इस वीक में पूरा सेशन ग्रामर को डिवोटेड है उसके बाद नेक्स्ट वीक देखेंगे जैसी आपकी मांग होगी आदेश होगा उस तरीके से मैं प्रैक्टिस कराते चलूंगा जिसमें डेफिनेटली जैसे मैंने पहले भी कहा पहले ग्रामर वो कैब कॉम्प्रीहशन एक एक हफ्ते थोड़ा प्रैक्टिस कर लें थोड़ी आपकी मिट्टी भुरभुरी हो जाए तो उसके बाद फिर अगर आप कहेंगे तो फिर हम मिसलेनियस मतलब पूरा जो और उसका ज़्यादा पर्पज़ तब होता है जब आपका एग्ज़ाम आने वाला हो और सपोज़ आपके जब सी के प्री शुरू होने वाले होंगे तो उस समय हम कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे एक सेट लिया और 25 क्वेश्चन का डिस्कस कर लिया लेकिन अभी जब एग्जामिनेशन अभी ऐसा तो नहीं कि तुरंत एग्ज़ाम आ रहा है तो उसके पहले हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि हमारे तीनों एरियाज़ पे हमारी बहुत ही अच्छी कमांड हो ठीक है तो ग्रामर पे भी वो कैब पर भी और कॉम्प्रिहेंशन पे भी तो पहले मेरी वो कोशिश रहेगी कि इन सेशंस के जरिए एक डिडक्टिव अप्रोच से क्वेश्चन के माध्यम से हम ज्ञान ले रहे हैं जहाँ थोड़ा भी छेड़ने का मौका है छिड़ रहे हैं सोच रहे हैं समझ रहे हैं ब्रेन स्टार्मिंग कर रहे हैं हम यहाँ पे तो उससे आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी और फिर हम प्रैक्टिस करेंगे बाकी डिटेल मैनर में पढ़ना है बैचेस अवेलेबल हैं फाउंडेशन बैच में भी एडमिशन ऑन है इंग्लिस स्पेशल जो भी आया था और बैंकिंग का हमारा बैच जो एक कम्प्लीट पैकेज होता है उसमें भी एडमिशन ऑन है वहाँ पे पाँचों एरियाज हमारे कवर होते हैं बाकी कॉम्प्रेंशन और वोकैब अगर आपको मास्टर करनी है तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि नाइनटी क्लासेस के एक का बैच पूरा अवेलेबल है लास्ट बैच कंप्लीट हुआ था न्यू बैच है उसमें कंटेंट नया है आप उसमें एनरोल कर सकते हैं अपने हिसाब से कॉल क्लासेस देख सकते हैं और कल आपको पता ही है ये स्पोकन बैच भी शुरू हुआ है कल मैं स्पोकन पे एक क्लास भी लूंगा शाम को पांच बजे इसी चैनल पे ठीक है तो उसमें भी जुड़ना मत भूलिएगा बाकी तो जो भी नए लोग हैं थोड़ी सी जानकारी आपको मिलेगी ये बैच के बारे में मैंने कल बताया था सो इफ यू रियली इफ यू आर इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग योर कम्युनिकेशन स्किल्सोटली थैंक यू वेरी मच एवरी वन लेट्स कैचअप टूमोरो दीक्षा ऑडिटोरियल टाइमिंग इज एट ए एम ग्यारह घंटे में मुलाकात होती है सुबह आठ बजे आपको मिलता हूँ ऑडिटोरियल में और शाम को सात बजे मिलता हूँ मैं ये प्रैक्टिस सेशन में ठीक है इसी चैनल पे थैंक यू हेलो एवरीवन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक वेरी गुड इवनिंग सभी को कैसे हैं आप सब वेरी गुड इवनिंग नमस्कार स्वागतम वेलकम तो ये जो लास्ट ईयर एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस हैं हम उनका डिस्कशन कर रहे हैं एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन नंबर नाइनटी तक कल के सेशन में हो चुका है जो भी लोग आज पहली बार इस सेशन में जुड़ रहे हैं आपकी जानकारी के लिए तीन सेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं राइट right? जो कि आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा और हो सकता है प्ले भी बन गई हो तो वहां मेरी सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी आज हमें क्वेश्चन नंबर 91 से शुरू करना है तो आइए विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड शुरू करते हैं तो आज आ जाओ भाई पहला क्वेश्चन आपके सामने एम में आया हुआ और देखो एम में भी अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं हम इन क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ इनके जुड़े हुए ज्ञान का भी डिस्कशन करेंगे

या आफ के बाद कभी भी चाहे वो वन ऑफ हो ईच ऑफ हो सम ऑफ हो कॉमन सेंस की बात है हम एक की बात या बहुतों की बात हमेशा बहुतों में से ही करेंगे तो आप के बाद आने वाला जो नाउन है वो आपका प्लूरल में होना चाहिए और इस बात का भी ध्यान रखें कि कई बार वो नाउन के पहले बड़े सारे एडजेक्टिव फ्रेजेस लगा देते हैं जैसे आप वन ऑफ माय फ्रेंड्स बोलो वन ऑफ माय कलीग्स बोलो वन ऑफ माय स्टूडेंट्स बोलो वन ऑफ कैंडिडेट्स बोलो तो आपको तुरंत नज़र आता है कि आपके बाद प्युरल नाउन है लेकिन अब यहां पे भी देखो ये द मोस्ट विशियस क्या लगा दिया इन्होंने ये एडजेक्टिव फ्रेज लगा दिया तो कई बार ये एडजेक्टिव फ्रेज लंबे भी हो सकते हैं लेकिन आपकी आंखें इतनी पारखी होनी चाहिए कि कि आपको नाउन पहचान में आ जाए भैया नाउन कहां पे है तो द मोस्ट विशियस ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया उसके बाद ये नाउन प्रकट हुआ है ठीक है पुलिस के साथ एक और ज्ञान खैर यहाँ पे उस ज्ञान का कोई एप्लीकेशन नहीं है लेकिन आप जानते हैं पुलिस उस नाउन में आता है जो दिखने में सिंगुलर है

वाई इज योर फ्रेंड गिविंग मी weird लुक्स कोई दिक्कत परेशानी इस सेंटेंस में तुम्हारा दोस्त मुझे वियर्ड लुक्स क्यों दे रहा है वियर्ड के लिए एक शब्द और आता है दैट इज बिजार जानते होंगे कोई चीज अगर बिजार है बिजार को कई बार बिजार को कई बार जो है ये वन वर्ड उसमें स्पेलिंग एरर में भी पूछा गया है वायर्ड नहीं है शाल नहीं है स्पेलिंग तो सही है weird की weird का मतलब जो चीज अजीब हो उसको क्या कहते हैं वियर्ड कहते हैं और बिजार की स्पेलिंग इसीलिए पूछते हैं वो क्योंकि कई बार वो डबल जेड दे, दे देंगे तो आपको ध्यान में रखना है बिजार की स्पेलिंग में जेड ए डबल आ रही होता है जो चीज बहुत अजीब हो तो तुम्हारा दोस्त मुझे अजीब सा लुक क्यों दे रहा है तो यहां पे नो no एरर है वाई इज युक्स नो एरर नेक्स्ट वन सोप removes traces ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड हैवी मेटल्स दैट हैंड sanitizers कैन left बिहाइंड सर जीएस का कुछ बताओ मैं भाई यहां इंग्लिश का बताऊंगा जीएस के बताने वाले हमारे फैकल्टीज हैं वो आपको बताएंगे नजर आ गया अतुल को नजर आया शाहनी को नजर आया बहुत बढ़िया एस पी दुबे जी को नजर आ गया तो लीव बिहाइंड होगा इतना ज्ञान सभी को है कि मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म जाती है फर्स्ट फॉर्म जाती है यहाँ कैन लेफ्ट बिहाइंड दिखा है कैन लीव बिहाइंड हो जाएगा ठीक है मॉडल के साथ बी थ्री कब लगा सकते हो आप जब या तो जैसे आप कहते हो ना कैन बी डन तो इट कैन बी डन यानी पैसे वायस में जब आप जाते हैं तो बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लग सकती है वहां पे आईएनजी फॉर्म भी जा सकता है राइट बट थर्ड फॉर्म तभी लगा सकते हो मॉडल के साथ कभी भी थर्ड फॉर्म नहीं लगता शुड हैव हैव डन डन कुड है शुड कुड मे माइट किसी के बाद अगर हैव लगाते हो तब आप थर्ड फॉर्म लगा सकते हो मॉडल के बाद कभी नहीं लगेगा तो सोप रिमूव ट्रेसेज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड हैवी मेटल्स दैट हैंड सैनिटाइजर्स कैन लीव बिहाइंड यानी ये सोप रिमूव करता है पेस्टिसाइड्स और हैवी मेटल्स के ट्रेसेज जो कि हैंड सैनिटाइजर जो है वो आपके हाथ में छोड़ देता है ये पूरा का पूरा एडजेक्टिव क्लॉज है आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट द लास्ट टाइम ही रिपीटेड द सेम मिस्टेक आई थॉट ही वुड फील मेनी सॉरी बट आई वॉज रॉन्ग किस पार्ट में एरर है द लास्ट टाइम ही रिपीटेड द सेम मिस्टेक जब लास्ट टाइम उसने वही गलती दोहराई थी तो मैंने सोचा कि वो बहुत सॉरी फील करेगा लेकिन मैं गलत था वो मिस्टेक रिपीट करने के बाद भी कोई सॉरी फील नहीं किया उसने एरर कहाँ पे है सर वी वॉन्ट सीजीएल स्पेशल सीजीएल स्पेशल इज ऑलरेडी डन परमजीत सांगवान ये 94 फोर क्वेश्चन है ना इस शीट में पीछे हमने सीजीएल के क्वेश्चन किए हैं तो आप देख सकते हैं पिछली क्लासेस इसमें एम टी एस भी है सी एच एस एल भी है सीजीएल भी है और ग्रामर ग्रामर है राइट वो नहीं बदल जाएगी और एम टी एस में कई बार काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं सीज़ल में भी उतने अच्छे नहीं आते तो इसीलिए पूरी यहाँ पे देखो ये सारा का सारा सारी प्रैक्टिस हम इसीलिए कर रहे हैं कि ग्रामर के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके रिवाइज हो जाए हाँ जी तो सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है सॉरी के पहले मेनी आ सकता है नहीं आ सकता सॉरी यहाँ पे एडजेक्टिव है एडजेक्टिव के पहले आपको क्या लगाना होगा यहाँ पे मच लगाओगे आप राइट मच सॉरी अच्छा मेनी और मच क्या होता है बताइए प्लीज मच और मेनी क्या होता है चलो आपसे पूछने से अच्छा मैं फटाफट -फड़ बता दूं याद दिला दूं आपको देखो मेनी नंबर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं मच क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं दोनों के दोनों पॉजिटिव डिग्री हैं बट दोनों का जो कंपैरेटिव है एंड सुपरलेटिव है वो सेम होता है ठीक है यानी मेनी मोर मोस्ट मच मोर मोस्ट मेनी आप नंबर के साथ लगाएंगे और मच लगाएंगे किसके साथ मच लगाएंगे क्वांटिटी के साथ लेकिन ये कब लगाएंगे जब आगे नाउन लगा हो ये एडजेक्टिव की डिग्रीज हैं यहां देखिए यहां तो सॉरी लिखा है सॉरी नाउन है क्या नहीं एडजेक्टिव है एडजेक्टिव के पहले मच लग गया तो उसे क्या कहा जाएगा एडवर्ब कहा जाएगा तो ये ज्ञान अगर अभी तक यहीं तक सीमित था कि मेनी मोर मोस्ट ये एडजेक्टिव की तीन डिग्रीज हैं पॉजिटिव कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव या मच मोर मोस्ट एडजेक्टिव की तीन डिग्रीज हैं तो उस ज्ञान को थोड़ा सा बढ़ाइए मच मोर मोस्ट मेनी मोर मोस्ट इनका इस्तेमाल हम एडवर्ब के तौर पर भी कर सकते हैं और आप बचपन से करते आ रहे हैं आप एडजेक्टिव में पढ़ते भी हैं कि वो सारे एडजेक्टिव जिनके ER और फॉर्म नहीं होते उनका कम्पेरेटिव बनाने के लिए आप क्या कहते हो अगर ये कहना है कि शालिनी इज मोर ब्यूटीफुल आप क्या यूज कर रहे हो मोर ब्यूटिफुल ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है मोर उसके पहले लग रहा है जो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है उसे क्या कहते हैं एडवर्ब और मोर ब्यूटिफुल में मोर ऑनेस्ट में मोर सिंसियर में इन सारे एक्सप्रेशन में मोर क्या बन जाता है कंपेरेटिव एडवर्ब तो स्थानीय मान डिसाइड करेगा कि आप उसको एडजेक्टिव कहेंगे या एडवर्ब कहेंगे ठीक है तो यहाँ पे इस एडजेक्टिव के लिए मच जो है वो यहाँ पे एडवर्ब के तौर पे काम करेगा ये मच यहाँ एडवर्ब है ध्यान रखिए एडवर्ब ऑफ डिग्री एक्चुअली और साथ ही साथ एक छोटा सा ज्ञान और फील यहाँ पे किस तरह का वर्ब है फील जो है वो स्टेटिव वर्ब है और स्टेटिव वर्ब को हमेशा एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है तो ये जो आंख बंद करके जो वर्ब को डिस्क्राइब करें उसे एडवर्ब कहते हैं वो कौन से वर्ब को जो एक्शन वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं उनको एडवर्ब कहा जाता है ठीक है तो वर्ब की ही कैटेगरी है स्टेटिव वर्ब जहां आप किसी नाउन या प्रोनाउन का स्टेट बताते हैं और इसीलिए जो भी स्टेटिव वर्ब हैं आप उनको एडजेक्टिव से डिस्क्राइब करते हैं जैसे कि आप अगर मान लो बहुत खुश महसूस कर रहे हो तो आप क्या बोलोगे आई एम फीलिंग आई एम फीलिंग यू फॉर टूडे आई एम फीलिंग यू फॉर इक टूडे यानी आज मैं बड़ा प्रसन्न महसूस कर रहा हूँ खुशी की चरम सीमा मुझे मिल गई है यहाँ पे ई यू रूट वर्ड होता है जिसका मतलब गोडिया वेल -well होता है मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि फीलिंग लगा है तो यू फॉरिकली लगा दोगे ठीक है और वो क्योंकि प्रोग्रेसिव एक्शन है अदरवाइज किसी चीज को टच कर रहे हैं आप किसी रॉड को आपने टच किया गर्म रॉड को और फिर आप क्या कहोगे इट फील्स हॉट इट फील्स हॉट आप खुद यहाँ पे देख लें तो रॉड के लिए इट प्रोनाउन सब्जेक्ट हो गया फील यहाँ पे वर्ब आया लेकिन ये वर्ब क्योंकि स्टेटिव वर्ब है इसके जरिए आप इस रॉड का स्टेट बता रहे हैं रॉड एक नाउन है नाउन और प्रोनाउन को जो डिस्क्राइब करता है जो स्टेट बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं इसीलिए जो भी हमारे स्टेटिव वर्ब्स हैं उनको एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है ठीक है तो इसीलिए देखो ये सारे क्वेश्चन एक सहारे मात्र हैं जिनके जरिए आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो हम रिवाइज करते हुए चल रहे हैं सो ही वुड फील मच सॉरी बट आई वॉज रॉन्ग सॉरी नहीं दोनों में एक और, लगे हाथ ध्यान में आ गया। और वेरी अर्थ होता है डिफरेंस तो देखो इसको ध्यान में रखना बिल्कुल आसान है क्योंकि बचपन से आप ये यूज कर रहे हैं मच बेटर एंड वेरी गुड तो इससे मोटे तौर पे आपको क्या समझ आ रहा है कि वेरी के बाद जो आप लगाते हो ना अब इन दोनों हालातों में ये क्या है ये दोनों एडवर्ब ऑफ डिग्री है ये एडवर्ब ऑफ डिग्री हैं क्यों एडवर्ब ऑफ डिग्री हैं क्योंकि इनके आगे लिखे हुए ये शब्द एडजेक्टिव है जो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है वो एडवर्ब होता है एडवर्ब सिर्फ वर्ब को ही तो नहीं करता एडजेक्टिव को भी करता है और दूसरे एडवर्ब को भी एडवर्ब डिस्क्राइब कर लेते हैं एक ही सेंटेंस में तो यहां क्या नजर आ रहा है यहां से आपको फार्मूला समझ में आ गया कि भाई मच के साथ हम क्या लगाते हैं मच के साथ लगता है कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडीजे और वेरी के साथ आप क्या लगाते हो वेरी के साथ लगाते हो पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इस पर भी भरपूर सवाल पिछले सालों में आपके पेपर में पूछे गए हैं इवन मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं तो ये आप पढ़ते हो कहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आता है आपका डिराइव्ड एडजेक्टिव जिन्हें हम बोलते हैं यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल इनको डिराइव्ड एडजेक्टिव क्यों बोलते हैं क्योंकि ये होते हैं वर्ब के फॉर्म लेकिन वर्ब के फॉर्म से आप एडजेक्टिव को डिराइव करते हो ठीक है तो आपने अगर कहा कि लेट से इज द वर्ड फॉर दैट हाँ कॉफी तो स्टीमिंग कॉफी एंड स्टीम्ड मोमोज तो अगर आपके पास स्टीम्ड मोमोज हैं तो मोमोज से पहले स्टीम्ड उसके स्टेट को ही डिस्क्राइब कर रहा है एडजेक्टिव के तौर पे स्टीमिंग कॉफी कॉफी को डिस्क्राइब कर रहा है तो एक जगह प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम कर रहा है एक जगह पास्ट पार्टिसिपल तो इसमें भी क्या होता है कि एक के साथ आप पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं और एक के साथ क्या लगाते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट तो वेरी के साथ टिपिकली क्या लगता है वेरी के साथ अगर देखें इसको और दूसरे कलर से लिख दिया जाए तो वेरी के साथ आप लगाते हो प्रेजेंट पार्टिसिपल टिपिकली इसके भी वैसे एक्सेप्शन हैं थोड़े बट जनरली आप प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते हैं और वहीं पे मच के साथ आप क्या लगाते हो पास्ट पार्टिसिपल और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल को इसीलिए हम डिराइव्ड एडजेक्टिव कहते हैं क्योंकि ये ऑनेस्ट ब्यूटीफुल काइंड जेंटल जैसे ओरिजिनली एडजेक्टिव के शब्द नहीं है ये हैं वर्ब वर्ब की forms, लेकिन verb की फॉर्म्स फॉर्म्स लेकिन का इस्तेमाल हम कैसे कर रहे हैं एडजेक्टिव के तौर पे जैसे एप्पल्स तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है लेकिन सड़े हुए एप्पल्स बर्निंग ट्रेन जलती हुई ट्रेन राइट right? तो ये भी मच और वेरी का फर्क है दोनों एडवर्ब एडवरब डिग्री के तौर पर यूज होते हैं वैसे इसका कुछ एक्सेप्शन है वो आप ढूंढिएगा इतना ज्ञान बहुत है भाई आगे बढ़े हाँ द टाइम स्केल ऑफ Evolution have been difficult to reconstruct because of a limited fossil record ab dekho batao अब देखो बताओ hai टाइम स्केल आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा नाउन फ्रेज है या ना कलर चेंज किया जाए दिस इज एन पी नाउन फ्रेज यहां पर आया है वर्ब वर्ब से पहले जो आएगा वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा इसमें कोई वर्ब नहीं लगा है तो नाउन फ्रेज बोलोगे इस नाउन फ्रेज में प्रपोजिशन के पहले जो लिखा है वो देखोगे क्योंकि तो वही डिसाइड करता है वर्ब यहाँ पे टाइम स्केल लिखा है सिंगुलर है तो हैव बीन का तो कोई मतलब नहीं है क्या करोगे आप हैज बीन कर लोगे अगेन मैं आपसे पूछूं हैज बीन किस तरह का वर्ब है यहाँ पे तो इसे क्या कहा जाएगा दिस विल बी कॉल्ड स्टेटिव वर्ब भैया ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है रटा हुआ ज्ञान नहीं चाहिए आंखें इतनी खुली होनी चाहिए कि सेंटेंस में देख सकें कैसे डिसाइड हुआ कि स्टेटिव वर्ब है क्योंकि तो यहां बाद में लिखा है डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्या है भाई एडजेक्टिव है स्टेटिव वर्ब के बाद क्या लिखते हो एडजेक्टिव इज एम आर वॉजवर और हैज बीन हाँ बीन हाँ बीन हैव हाँ हैड स्टेटिव वर्ब में क्या फर्क है इज एम आर वॉज वर लगाते हो तो उस समय का स्टेट बताते हो हैज बीन हैव हाँ बीन लगाते हो तो ड्यूरेशन का स्टेट बताते हो यही फर्क होता है ठीक है कल भी हमने बात करी थी इसके बारे में तो क्वेश्चन का जवाब मिल गया सी चलिए बिकॉज़ ऑफ अ लिमिटेड फॉसिल रिकॉर्ड एक और छोटी सी लर्निंग यहां पे दे देता हूं आपको बिकॉज़ ऑफ के बाद ये ध्यान रखिए हमेशा फ्रेजेस लगते हैं ये फ्रेज है ये फ्रेज है और बिकॉज़ के बाद जो है वो क्लॉज लगता है एक सेंटेंस यहां पे लिख देता हूं आपको बात समझ आ जाएगी कई बार एरर के क्वेश्चन में ये भी नजर आता है बिकॉज़ ऑफ हिज स्टुपिडिटी he lost that opportunity ठीक है और इसी बात को अलग तरीके से कहा जाए तो बिकॉज ही इज अ स्टोपेड गाय लॉस दैट ऑपरचुनिटी यही बात मैं आपसे कह रहा था भाई बिकॉज के बाद आप क्लॉज लिखते हैं और बिकॉज ऑफ के बाद आप फ्रेजेस लिखते हैं इसका ध्यान रखिए तो यहां बिकॉज ऑफ है तो हिज स्टूबिडिटी या नाउन फ्रेज हो गया दो शब्दों का समूह ठीक है ऑफ है और बिकॉज यहाँ पे सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ रीजन और उसके बाद ये पूरा का पूरा आपको क्लॉज दिख रहा है सब्जेक्ट और वर्ब लगा हुआ है तो ये भी ध्यान में रखो कई बार इस पर भी एरर मिल जाता है खासतौर से जो बैंक के लिए प्रिपेयर करते हैं आपको जो कनेक्टर्स और स्टार्टर वाले क्वेश्चन आते हैं जिसमें कंजंक्शन और सेंटेंस स्ट्रक्चर की समझ की जरूरत होती है तो उसमें टू दे लगेगा? लगेगा. लगा हुआ है ना प्रपोजिशन है उसके बाद फ्रेज आएगा ड्यू टू हिट स्टूबिलिटी ड्यू टू हिट सेंसियरिटी एनी वे बट सेंस है बिकॉज है इनके बाद क्लॉज आएंगे आगे बढ़ो पार्टिसिपेंट्स इन आवर स्टडीज रिव्यूड दीज ऑनलाइन डेटिंग प्रोफाइल्स कोई दिक्कत <coughs> आंखें खोल के पढ़ना है तो भाई देखो वर्ब में वो तभी खेलते हैं जब इज एम आर वॉज हैज़ हैव कुछ ऐसा दिया और पास्ट इंडेफिनेट में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता जो मर्जी सब्जेक्ट हो क्योंकि दैट इज इम मटीरियल सिंगुलर या प्लुरल वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी पार्टिसिपेंट्स प्लूरल है कोई फर्क ही नहीं पड़ता यहाँ डेटिंग प्रोफाइल्स नाउन आपका प्लूरल है दीज यहाँ पे क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव है जो नाउन के पहले लगेगा प्रोफाइल्स प्लूरल है दीज लगा हुआ है सब कुछ दुरुस्त है कोई एरर नहीं है आगे बढ़ो टू ट्रीट नाइट मेयर डिसऑर्डर देयर इज अ नंबर ऑफ मेडिकेशन एंड थेरेपीज कहाँ पे एरर है बताइए अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसके साथ जुड़ा हुआ है आप बता लीजिए उसके बाद बात करते हैं कुछ नया सीख रहे हो सेशन को लाइक कर दीजिएगा ठीक है लाइक कर दोगे तो पहुंच जाएगा ज्यादातर लोगों तक यूट्यूब के एल्गोरिद्म चेंज होते रहते हैं बहुत बढ़िया साहिल वरुण एसपी दुबे शाहनी सब सही हैं बहुत अच्छे देर के साथ आर आएगा अब ये फंडा हमें क्लियर होना चाहिए कि देयर के साथ इज और आर दोनों आता है के साथ तब लगाते हो जब उसके बाद singular noun हो और देयर के साथ आर तब लगाते हो जब प्लूरल नाउन हो और आर का मतलब ये was और वर के लिए भी applicable है अगर टेंस चेंज हो गया तो तो ये ध्यान में रखना है ठीक है सो देयर इज अ स्टूडेंट इन माई क्लास एंड देयर आर सम स्टूडेंट्स इन माइ क्लास एग्जामिनेशन तो वही है सम स्टूडेंट्स हुआ तो देर आर हो गया और सम स्टूडेंट है तो देर इज हो गया तो बिल्कुल आंखें एंड थेरेपीज द नंबर के साथ आप सिंगुलर स्ट्रक्चर लेके जाते हैं जब वो तौर से सब्जेक्ट का काम करता है तब आई पर्टिकुलर लाइक दैट किटन बिकॉज इट हैज वाइट फीट बताइए नजर आ गया बहुत बढ़िया तो भाई पर्टिकुलरली लाइक होगा पर्टिकुलर आपका एडजेक्टिव है यहां एडजेक्टिव की कोई जरूरत नहीं लाइक है वर्ब वर्ब को दरकार होती है एडवर्ब की पर्टिकुलरली आई पर्टिकुलरली लाइक दैट किटन बिकॉज इट हैज वाइट फीट दैट शब्द की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है वट इज दैट ओवर हियर प्रो नाउन है कि एडजेक्टिव है तो भाई डेमोन्स्ट्रेटिव इसको क्या बोलोगे दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव एड्जेक्टिव ये डेमोन्स्ट्रेटिव एड्जेक्टिव हो गया बिकॉज नाउन के पहले आ रहे हैं और अगेन देखो अभी जो आपको सिखाया यहां देखो बिकॉज लिखा हुआ है तो पूरा का पूरा क्लॉज है सब्जेक्ट है वर्ब है इट हैज वाइट फीट हैज़ पे किस तरह का वर्ब है हेल्पिंग वर्ब है हैज़ या मेन वर्ब है जी हैज़ हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, है क्या है जी दिस इज मेन वर्ब ऑफ पजेशन हेल्पिंग वर्ब नहीं है रखने के लिए इस्तेमाल हुआ है उसके पास है वाइट फीट आगे बढ़िए Improved policing is vitally, but not sufficient. पूरे सेंटेंस की ना चीरफाड़ कर देनी होती इसीलिए मैं आपको छेड़ता रहता हूं तो चीरफाड़ कर दो पूरी तरीके से समझ लो कहीं कोई कंफ्यूजन का स्कोप ना रहे बहुत बढ़िया दुबे जी इज वाइटल तो वाइटल जो शब्द है वो क्या है एडजेक्टिव है वाइटली यहां पे लगा दिया इन्होंने सो so, वाइटली शब्द होता भी नहीं है तो इम्प्रूवड पुलिसिंग इज वाइटल बट नॉट सफिशंट अब देखो इंप्रूवड पुलिसिंग ये कहानी क्या है पुलिसिंग यहाँ पे नाउन है ये जिरंड हो गया एक्चुअली ये जिरंड हो गया और अभी जो आपको बता रहा था मैं डिराइव्ड एडजेक्टिव यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म ये एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल करी जा रही है जो कि इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है यानी जो इंप्रूवड पुलिसिंग है वो वाइटल है वो इम्पोर्टेंट है और इधर ये एडजेक्टिव हो गया इज यहाँ पे क्या कहा जाएगा स्टेटिव वर्ब कहा जाएगा हेल्पिंग वर्ब नहीं है यह स्टेटिव वर्ब है क्योंकि इसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं है एडजेक्टिव लेकिन यह पर्याप्त नहीं है और देखो इससे और भी क्या बात समझ आ रही है कि एक ही शब्द की ग्रामेटिकल प्रोफाइल बदल जाती है अब पुलिस नाउन है या आप पढ़ते हैं बट सपोज वहां पे आपको सेंटेंस कभी अखबार में मिले कि हाउ कैन बी पुलिस द पुलिस तो अब यहां पे क्या समझ आ रहा है How कैन बी पुलिस द पुलिस में ये वाला पुलिस नाउन है बट ये वाला पुलिस क्या है ये वो अब है ठीक है तो हम पुलिस को कैसे पुलिस कर सकते हैं पुलिसिंग आप जानते हैं राइट लोगों को डिसिप्लिन में रखना अब ये इस तरह की लाइने तब आती हैं जब पुलिस ही कहीं पे कोई गलत काम करते हुए उनको पकड़ा जाता है कोई पुलिस ऑफिसर है या इस तरह की चीजें तो वहाँ पे आपको अखबारों में इस तरह के सेंटेंस इवन जो एक्चुअल सेंटेंस था मुझे अभी ध्यान आ रहा है अकबर इंडियन एक्सप्रेस में आया था हु पुलिस द पुलिस ये था एक्चुअली हु पुलिस द पुलिस को कौन पुलिस करेगा तो इस स्ट्रक्चर में समझ आ रहा है ना ये वाला पुलिस रहा है। तो ये मेन वर्ब हो गया चलिए वाइल्ड इन पाइज एंड ऑल्सो एंजॉय पढ़ते ही समझ में आ रहा है कहां पे दिक्कत है? अवस्थी सर जी मैंने आपके जैसा इंग्लिश पढ़ाने वाला टीचर आज तक नहीं देखा चलिए ठीक है है अच्छी बात पढ़िए देखिए समझिए जी तो कैन बी यूज सिंपली समझ आ रहा है अभी हम इसी की बात कर रहे थे कैन जो है वो मॉडल वर्ब है मॉडल वर्ब के बाद आप थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते वैसे फर्स्ट फॉर्म लगेगा लेकिन कैन बी के बाद आप लगा सकते हैं ये पैसिव हो गया कि कैन बी पैसिड इन पाइज एंड टार्ट कैन ऑल्सो एंजॉय देम प्लेन अब परसिमस कुछ होगा लगाने वाला आइटम अब देखो ये एम में ऐसे ऐसे वर्ड आए हुए हैं और सीजियल का क्वेश्चन आपने पीछे करें कितने मासूम सेंटेंसेस भी थे तो इसीलिए हर एग्जाम को सीरियसली लीजिए और एग्जाम देने वाला बच्चा डेफिनेटली हर तरह के एग्जाम देता है हर तरह के एग्जाम देता है राइट right? तो इसीलिए इस बात को ध्यान रखें कि अगर आपके फंडामेंटल्स इंटैक्ट हैं क्लियर हैं ग्रामर आपको आती है ढंग से समझा है चैप्टर हंड्रेड रूल फिफ्टी रूल गोल्डन रूल सिल्वर रूल से नहीं पढ़ाई करी है ग्रामर की हर चैप्टर को ढंग से समझते हैं उसका फंक्शन समझते हैं तो कोई भी एग्जाम क्लियर कर लेंगे रटने वाली पढ़ाई में फिर वहाँ पे चांस का मामला होता है फंसा तो फंसा नहीं फंसा तो आप फंस जाते हो तो इसीलिए ढंग से चैप्टर्स की समझ रखो पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे चैप्टर्स को ढंग से समझो पढ़ो आप आसानी से कर सकते हो तो वही बात है कि पाइज और टार्ट्स पे परसिमस कुछ लगाने के लिए होगा वही आगे कह रहा है लगा भी सकते हो और तुम उनको प्लेन भी इंजॉय कर सकते हो यानी पाइज और टार्ट्स पे बिना कुछ लगाए भी खा सकते हो तो कहां पे एरर था भैया कैन बी यूज हम टिक लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं क्योंकि मैं समझाने में बिजी हो जा रहा हूं देख लेना कैन बी यूज होगा ठीक है इसमें इट इज बिलीव्ड दैट डिफिकल्ट टास्क डिमांड लॉट ऑफ आवर रिसोर्सेज ऐसा बिलीव किया जाता है कि जो डिफिकल्ट टास्क हैं अब डिफिकल्ट टास्क तो प्लूरल है तो डिमांड ठीक है बिल्कुल प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाती है पढ़ के समझ में आ गया होगा यहां अ चाहिए अ लॉट ऑफ आर रिसोर्सेस, कहाँ गया लॉट वाला पार्ट ये है सी करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट योर ईयर्स आर इचिंग बिकॉज यू आर हैविंग एन एलर्जिक रिएक्शन अगेन देखो जो अभी सिखाया है उसका पूरा बिकॉज के बाद अगेन पूरा का पूरा क्लॉज है बताओ योर इयर्स आर इचिंग बिकॉज यू आर हैविंग एन एलर्जिक रिएक्शन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एलर्जिक में शालिनी क्या लग रहा है क्या दिक्कत है एलर्जिक में बताओ तो मुझे है रिएक्शन नाउन है एलर्जी का एड्जेक्टिव है एलर्जी नाउन है एलर्जी का एडजेक्टिव है तो उसमें क्या दिक्कत है यू हैव लॉट ऑफ यूज कर सकते हैं नहीं एसपी दुबे जी लॉट साफ कर सकते हैं देखो दो एक्सप्रेशन होते हैं ना या तो आप अलॉट ऑफ यूज करते हो या आप लॉट साफ यूज करते हो ये दोनों एक्सेप्टेबल हैं बट लॉट ऑफ नहीं होता कुछ अलॉट ऑफ होता है या लॉट साफ होता है हाँ जी तो देखो अगर थोड़ा सा लूज इंग्लिश में जाओगे तो शायद वो बोल देंगे जी कोई एरर नहीं है बट एरर है यहाँ पे यहाँ आर हैविंग की जगह पे बिकॉज यू हैव लगाना ज़्यादा सही होगा और अगेन ये आप वर्ब और टेंस में पढ़ते हैं हमारे पास पांच कैटेगरी के, के वर्ब हैं जिनमें टिपिकली हम आईएनजी नहीं लगाते वो कौन कौन से हैं टिपिकली ऐसा नहीं कि लगता नहीं है लगता है बट उसका सेंस अलग हो जाता है वर्ब ऑफ सेंस परसेप्शन ठीक है स्मेल है टेस्ट है साउंड है ये सारे उसके बाद आपके पास जो मेंटल एक्टिविटी के वर्ब हैं लाइक कंसिडर बिलीव थिंक इनमें टिपिकली हम आईएनजी नहीं लगाते कब लगाते हैं अभी बात कर लेते हैं उसकी वर्ब आप पजेशन के साथ आप नहीं लगाते हैव का मतलब रखना होता है हैव है ओन है पजेज है इन सब में टिपिकली आईएनजी नहीं आता फिर आपके पास इमोशन फीलिंग एक्सप्रेशन वाले वर्ब हैं लाइक लव हेट लाइक यू नो तो इन सब के साथ भी आप आईएनजी नहीं लगाते तो कि अब इसके पीछे कारण क्या है कारण यह है कि कोई भी इमोशन एनर्जी इन मोशन होता है आज आपको प्यार है अगले साल नहीं हो सकता है, है? तो इसीलिए जब किसी को बर्थडे 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 विश विश किया करो तो आई आई एम विशिंग यू यू अ अ वेरी वेरी हैप्पी हैप्पी गलत है ठीक है आई लव यू बोलते हो ना आप आई एम लविंग यू नहीं बोलते आई एम लविंग यू बोलोगे मतलब कुछ और हो जाएगा आई लव यू में आप इमोशन सामने वाले तक पहुंचा रहे हो आई एम लविंग यू का मतलब नाउ यू आर बिकमिंग फिजिकल ठीक है अब वो प्यार जो है वो केमिस्ट्री तक नहीं रहा वो फिजिकल हो गया तो सेंस ही बदल जाएगा थप्पड़ और बढ़ेगा कहना कुछ और चाहते थे पहुंच कुछ और गया जो भी मैं कहना चाहूं बर्बाद करें अल्फाज मेरे तो अंग्रेजी नहीं आएगी तो काम खराब हो जाएगा फिर आप मुझे लॉजिक देंगे सर मैकडोनल्ड्स में तो बोलते हैं आई एम लविंग इट तो बिल्कुल बोलते हैं सर लेकिन आई एम लविंग इट का मतलब ये नहीं कि वो बर्गर के साथ प्यार हो गया है, है? चिमटे पड़े उसके साथ लिपटे पड़े इट्स नॉट लाइक दैट आई एम लविंग का वहाँ मतलब आई लाइक से लव वैसी मोस्ट कल ऑडिटोरियल में हमने पढ़ा था ना उस शब्द को तो हमने तबाह कर दिया कहीं भी लब घुसट देते हैं तो शब्द का मतलब बदल जाता है ऐसे ही सी है देखना सेंस परसेप्शन का वर्ब है लेकिन आपने कहा कि आई एम सींग हर दीज डेज तो अब यहाँ सींग का मतलब ऐसा थोड़ी कि सामने बिठा करके उसको देख रहे हो तुम्हारी आंखें क्या है वहां आई एम सींग हर दीज डेज का मतलब यू आर डेटिंग विद दैट पर्सन राइट जैसे आपको कोई पूछे आर यू सींग सम करण जोहर पूछते हैं ना कॉफी विद करण में आजकल किसी के साथ डेट कर रहे हो तो आर यू सींग समी में आई एन जी लगाना बिल्कुल जायज़ है वहां बिल्कुल जायज है तो मतलब बदल जाता है वैसे ही हैब के साथ है आप हैब कुछ रखने के लिए बोल रहे हो तो वहां आई मत लगाओ लेकिन ये जनरली खाने और पीने के लिए होता है जैसे आप बोलो कि आई एम हैविंग माई इवनिंग स्नैक्स आई एम हैविंग माई ब्रेकफस्ट आई एम हैविंग माई डिनर आई एम हैविंग माई लंच्यूटली फाइन देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल इन दैट वहां आप खाने और पीने आई एम हैविंग माई ड्रिंक्स वहां लगाइए हैविंग बट हैविंग रखने के लिए मत लगा लीजिए ठीक है आई एम हैविंग माई लंच इन माई बैग मेरे बैग में मेरा लंच रखा हुआ है आप रहा है रही वाले ट्रांसलेशन से लगा रहे हैं वहां पे वो गलत हो जाएगा आई हैव माई लंच इन माई बैग मेरे बैग में रखा हुआ है खाने के लिए हैविंग लगाओगे ठीक है तो यही प्रॉब्लम है सेंस परसेप्शन में भी कहानी वही बनती है कि हमारा हर सेंस परसेप्शन तो लिमिटेड है देखते हैं हम लिमिटेड है हमें सिर्फ बिब्योर रेंज दिखता है बहुत कुछ है जो देखने की क्षमता से बाहर है तो चौड़ में कैसे आ सकते हो कि जो मैं देख रहा हूँ दुनिया का सटेट्स वो हो ही नहीं सकता सुनाई बीस हर्ट से बीस हज़ार हर्ट देता है कुत्ते सूंगते हमसे दस हज़ार गुना ज़्यादा अच्छे हैं <laughs> तो हमारे सारे सेंस परसेप्शन एक्चुअली लिमिटेड है तो हम किसी भी चीज़ को सूंघ करके देख करके फील करके जो बता रहे हैं ना वो दुनिया का सत्य नहीं है वो हमारा प्रोजेक्शन है और अपने प्रोजेक्शन में आप कभी डेफिनेट वो प्रोजेक्शन है डेफिनेट थोड़ा ही हो सकता है जहां डेफिनेट नहीं हो उधर इनडेफिनेट लगाओ लेकिन जब वो एक्शन प्रोग्रेशन में आ जाएगा आपने कोई खाना खाया आपने कहा दिस फूड टेस्ट डिलीशियस तो वहां तो आप खाने के बारे में राय दे रहे हैं मैंने इसकी चर्चा पहले भी की थी क्योंकि क्वेश्चन आया था लेकिन वहीं पे सपोज आपका काम है कॉफी टेस्टर का वाइन टेस्टर का आप पेस्ट्री टेस्टर हैं दुनिया में ये भी प्रोफेशन है हैं तो कोई बड़ी कंपनी है उसने आपको हायर कर रखा कि भैया तुम पेस्ट्री खा के बताओ इसमें मीठा ठीक है तो और मिलाने की जरूरत है तो अब वहां जब आप टेस्टर हैं तो वहां आप डिलीबरेटली वो चीज को खा करके पी करके टेस्ट करते हैं तो वहां टेस्टिंग लगाना बिल्कुल जायज़ है कोई चीज ना के पास लगा करके सूंघ रहे हो वहाँ स्मेलिंग लगा सकते हो लेकिन ऐसे किसी चीज की महक के बारे में अपनी राय रख रहे हो वहां आई नहीं लगा सकते इन इंग्लिश एवरी थिंग इज कंटेक्चुअल डोंट मग अप थिंग्स अदरवाइज यू विल बी ट्रिक्ड बैडली धो दिए जाते हैं अच्छे पेपर में तो चीजों को रटिए मत चलिए बहुत ज्ञान दे दिया इसके साथ तो बिकॉज यू हैव एन अलर्जिक रिएक्शन दिस इज एब्सिल्यूटली फाइन अलर्जी इज नाउन अलर्जिक इज एडजेक्टिव रिएक्शन इज नाउन ये बिल्कुल दुरुस्त है अब पता नहीं एसएससी वालों ने क्या किया है

और यहां पे ये किस तरह से काम कर रहा है यहां पे काम कर रहा है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के तौर पे आई की ही विशेषता बता रहा है उसी को मैं कह दू आई एम अ कन्फ्यूज मैन आई एम अ कंफ्यूज मैन तो यहां पे ये मैन क्या है दिस मैन इज नाउन और जो नाउन को डिस्क्राइब करता है उसे क्या कहते हैं एडजेक्टिव ये कौन सा एडजेक्टिव हो गया ये एट्रीब्यूटिव हो गया नाउन के पहले आ रहा है ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है तो ढंग से बोलोगे नहीं लिखोगे नहीं तो पेपर में गलत होगा ही बोलना अभी आप इस सेशन से पहले एक सेशन मैंने स्पोकन पे लिया है जिसमें जो मेरा स्पोकन इंग्लिश पे वी ओ है उसके बारे में थोड़ा ज्ञान दिया है तो हम साफ बोलते नहीं जो लिखा है उसको भी साफ बोली अपने आप एरर समझ में आता है साफ बोलोगे नहीं तो प्रोनाशिएशन साफ़ नहीं होगी स्पेलिंग में गलतियां करोगे स्ट्रक्चर में गलतियां करोगे आप तो आप खुद ही सोचो आई एम कन्फ्यूज लोग कैसे बोल लेते हैं एम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग सकती है कभी किसी भी हाल में एक्टिव वॉइस में लिख रहे हो तो एम के बाद Uh, वो में आई आएगा थर्ड फॉर्म तो किसी के साथ लगा सकते हैं पैसे वायस में दैट इज एब्सोल्युटली ओके विद एनी ऑफ द सेंटेंसेस तो क्लैरिटी होनी चाहिए चलिए जी डोंट गेट इन्वॉल्व गेट यहाँ पे कॉजेटिव वर्ब है शिवम इज मोर क्लेवरर देन एनी अदर बॉय बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है ये आज फाउंडेशन बैच में हम कर रहे थे एडजेक्टिव ही देखो अच्छे क्वेश्चन हैं एम में पहली बात तो यहां आपको वो समझ आ गया कि क्लेवरर खुद कंपेरेटिव डिग्री है देन यू कांट यूज मोर बिफोर दैट तो वैसे तो कॉन्सेप्ट आसान सा है क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा बट जो मैं थोड़ा सिखाना चाहता हूं सुन लो एक मिनट क्योंकि इस कॉन्सेप्ट तीन तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं कैसे इस सेंटेंस को पढ़ के आपको समझ में आ रहा है कि शिवम जो है वो सबसे चालाक बालक है हाँ या ना ऑफिस के अंदर यानी योर आइडिया इज सुपरलेटिव बट द स्ट्रक्चर इज कंपैरेटिव आपका विचार जो है वो तो सुपरलेटिव है लेकिन एक सुपरलेटिव विचार को आप कंपैरेटिव स्ट्रक्चर में व्यक्त कर रहे हैं अब इसमें क्या करते हैं बच्चे एरर में कई बार ये अदर भी गायब कर दिया जाता है तो वो रट लेते हैं कि एनी के बाद अदर लगा करके सेंटेंस करेक्ट कर लो वो अदर लगता क्यों है आइए फटाफट फ़ड़ कुछ सेंटेंसेस मैं यहां पर लिखता हूं किस कलर से लिखा जाए चलो संपत सरल इज बेटर देन एनी अदर सटायरिस्ट इन इंडिया ठीक है अब ये एनी अदर क्यों लगाना पड़ा अगर मैं यहां पे अदर ना लगाऊं सिर्फ जनरली ऐसे एरर दे दिया जाता है एनी सटायरिस्ट में क्या दिक्कत है और अदर क्या काम कर रहा है अब यहां पे आपको दिख रहा है कि अगर हम ये अदर लगाएंगे तभी हम संपत्त सरल को बाकी व्यंग्यकारों के ग्रुप से अलग कर सकते हैं बिकॉज सुपरलेटिव डिग्री आप कब लगाते हो जब पूरे ग्रुप में से आप एक को सबसे बेस्ट बता रहे हो भाई ना किसी एक का नाम ले लिया कि भाई प्रिया इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास तो वहां तो पूरे ग्रुप में से एक प्रिया की बात हो रही है सुपरलेटिव का इस्तेमाल ही हम करते हैं मोर देन टू में से जब आप एक की बात करते हैं ग्रुप में से लेकिन जब तक दो हैं तब तक कंपेरिजन होगा और यहां पे आपने क्या लगाया हुआ है क्लेवरर या यहां पे बेटर तो डिग्री आपकी कंपैरेटिव है कंपैरेटिव बनाने के लिए आपको दो एंटिटीज बनानी पड़ेंगी जब ए और बी होता है तभी कंपैरिजन पॉसिबल है लेकिन अगर आप यह कह रहे हैं कि संपत सरल इज सटायरिस्ट तो संपत सरल भी उसी सर्कल में है जिस सर्कल में बाकी के व्यंग्यकार हैं एक सर्कल में रहते हुए तुलना नहीं हो सकती है तुलना के लिए सर्कल से बाहर निकलना पड़ेगा तो जैसे ही आप यहाँ पे एनी अदर लगाते हो अब संपत सरल साहब एस एस इधर आ गए और मान लो बाकी के दस व्यंकार हैं चार व्यंकार हैं वो यहाँ पे आ गए अब हमारे पास दो ग्रुप बन गया एनी अदर करते ही संपत सरल एक्सक्लूड हो जाते हैं उस ग्रुप से और अब हमारे पास ए और बी दो एंटिटीज आ जाती है एंड ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कंपैरिजन की विदाउट हैविंग टू एंटिटीज यू कांट कंपेयर यू नो दैट इज व्हाई वी पुट दैट एनी अदर ठीक है अब इसमें एग्जामिनर कैसे कैसे खेल सकता है अब इसी बात को मान लो मैं ऐसे कह दूं कि संपत सरल इज द बेस्ट दैन ऐसे भी क्वेश्चन मिलता है आपको इट्स बेस्ट दैन एनी अदर सटायरिस्ट यानी यहां बाकी बिल्कुल सब वही लिखा हुआ है अब आपको क्या होगा आपको लगेगा ये जो बच्चे रटने वाले होते हैं कि एनी के साथ अदर आता है वो दिमाग में बिठाया हुआ क्यों आता है कई बार नहीं पता होता रटने में समझने में फोकस नहीं होता तो उनको लगेगा सेंटेंस तो बिल्कुल ठीक है और वो इस बेस्ट को नजरअंदाज कर देते हैं और एग्जामिनर ये बहुत चुपचाप ये बेस्ट आपको दे जाता है क्योंकि तो सेंटेंस का आइडिया सुपरलेटिव है विचार तो सुपरलेटिव है आप यही कहना चाहते हैं कि संपत सरल सबसे अच्छे व्यंग्यकार है तो विचार सुपरलेटिव है इसीलिए पेपर के प्रेशर में आपको स्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं आता कि भैया इधर दैन लगा हुआ है और दैन लगा है तो कंपैरिजन हो रहा है और कंपैरिजन हो रहा है तो डिग्री कंपैरेटिव होनी चाहिए यहां बेटर लगाना चाहिए ये दूसरा तरीका है आपको ट्रिक करने का ठीक है इधर अदर गैप कर देंगे इधर अदर ठीक लगाएंगे बट चुपके से डाल देंगे क्या सुपरलेटिव डिग्री और तीसरा तरीका क्या हो सकता है इस तरह का सेंटेंस कि भाई दिस लाइब्रेरी दिस लाइब्रेरी इज बेटर देन ऑल अदर लाइब्रेरीज ऑफ दिस लोकेलिटी या लोकेलिटी लंबी स्पेलिंग है यही छोटी जगह है सिटी लिख दो ठीक है अब यहां क्या नजर आ रहा है अभी तक के ऊपर के दोनों सेंटेंसेस में एनी अदर था हाँ या ना एनी अदर था बट यहां पे ऑल अदर आ गया और जैसे ही ऑल अदर आएगा तो ये जो आपका नाउन है ना ये भी प्लूरल हो जाएगा क्योंकि एनी के साथ सिंगुलर जाते हो और ऑल के साथ प्लूरल जाते हो तो ये फंडा भी ध्यान में रख लो कि भाई एनी अदर के साथ क्या लगेगा एस सी एन लगेगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन और ऑल अदर के साथ क्या लगेगा वहां लगेगा pcn प्लूरल काउंटेबल नाउन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहां एक तरीका था एक तरीका यही दिख रहा है कंपेरेटिव से पहले मोर लगा दो तो सब जानते हैं कि मोर स्मार्टर मोर क्लेवरर नहीं कह सकते मोर वाइजर नहीं कह सकते मोर हम उन्हीं के पहले लगा सकते हैं जिनका ई ER आर वाला फॉर्म अवेलेबल नहीं है मोर ऑनेस्ट मोर इंटेलिजेंट मोर ब्यूटिफुल ये लगा सकते हो पर जिनका ई फॉर्म अवेलेबल है उनके साथ नहीं लगता और वैसे ही सुपरलेटिव के साथ मोस्ट नहीं लगता मोस्ट रिचेस्ट नहीं बोल सकते तो ये तो खैर सभी को पता होता है बट ये कॉन्सेप्ट था इसीलिए मैंने आपको याद दिला दिया तो ध्यान रखिए कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट समझ में आई बात चलो आगे बढ़ो वी टॉक्ड अबाउट राइटिंग अ विल बट इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू नेवर गेट अराउंड टू डूइंग व्हाट इज द प्रॉब्लम समझ में आ गया वन ऑफ द थिंग्स वही कहानी फिर देखो वो नाउन के पहले एडजेक्टिव डालते डालते हैं लंबा एडजेक्टिव भी डाल सकते हैं आंखें खुली रखना नाउन पहचान लेना इधर थिंग्स होगा ये तो कहां गया ये हाँ ये है बी आगे बढ़ो मेथनॉल इज रिलीज फ्रॉम पैक्टिन एंड इज देयर फॉर मेनी फ्रूट इसके ऊपर आप ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं तो मुझे लगता है सभी लोग सही करेंगे साहिल साहब एडजेक्टिव है मेरे भाई अबंडस कैसे कर दिया एडजेक्टिव को प्लूरल करोगे कि नाउन को प्लूरल करोगे अबंडेंस नाउन होता है एडजेक्टिव है और भाई अभी पीछे हमने क्वेश्चन देखा है एडजेक्टिव के पहले मच लगेगा मेनी जो है वो सिर्फ एडजेक्टिव होता है मच एडवर्ब के तौर पे आप यूज़ करते हैं टिपिकली तो मच इज ए डीजे एडजेक्टिव और मच जो है ये ऑफ डिग्री है ठीक है आगे बढ़िए सर नेबर पुट ऑफ अंटिल टुमारो वॉट यू कैन डू टूडे काल करे सो आज कर राज करे सो अब बताओ भाई बहुत अच्छे शाहनी पुट ऑफ ओ डबल एफ आएगा यहां पे ठीक है नेवर पुट ऑफ अंटिल टुमारो यानी किसी चीज को कल के लिए मत टालो पुट ऑफ का मतलब यहाँ पे टालने के लिए हो गया पुट ऑफ का वैसे और भी मीनिंग uh, होता है राइट पुट ऑफ जैसे आप किसी को अपने आंसर से पुट ऑफ कर दें तो डिसअपॉइंट करना भी पुट ऑफ करना होता है यहाँ पुट ऑफ का मतलब इसीलिए फ्रेजल वर्ब एक फ्रेजल वर्ब के बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन यूसर्स ये बात ध्यान रखनी है यहाँ पे देखो पुटअप है पुट आउट है अब कोई आपसे पूछे वेयर डू यू पुट अप तो पुटअप का क्या मतलब है तुम कहाँ रहते हो कपड़े पहनना हो गया put on weight, gain, weight gain करना हो गया put up with का मतलब होता है किसी को बर्दाश्त करना झेलना आई वॉज पुट अपट रूम मतलब क्या यू डेंट वॉन्ट टू बी विद पर्सन इन दैट रूम बट यू है आपको झेलना पड़ा वो इंसान तो पुटअप विद ट्रेजल वोब्स नेक्स्ट इंडिया इज ऑलरेडी द थर्ड लार्जेस्ट एविशन मार्केट इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक ट्रेवल इंडिया इज ऑलरेडी द थर्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक ट्रैवल एनी प्रॉब्लम फ्रिजल वोव्स नहीं बनती है? कोई बात नहीं इस सैटरडे uh, को मैं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपो विथ सतेंद्र तिवारी पे आपको एक मैराथन कराऊंगा उसमें ईडियम्स भी हैं तो आगे फ्रेजल वोवस को भी लेकर के ऐसे ही वीकेंड में मैराथन करेंगे ठीक है क्योंकि ये चैनल बहुत ज्यादा बिजी है मल्टीपल मेनी क्लासेस होती है यहाँ मैराथन पॉसिबल नहीं है ठीक है तो यहाँ एक घंटे का सेशन ही पर्याप्त होगा तो बाकी वीकेंड्स में रखेंगे वहां आप आइए वहां करते हैं कोई एरर नहीं है इंडिया इज ऑलरेडी द थर्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक ट्रैवल नो एरर हर जगह एरर जरूरी नहीं है नो no एरर भी ऑप्शन में दिया हुआ है देखो जो ईडियम्स हैं फ्रेजल वर्ब्स हैं ना ये फिक्स्ड वोकेबलरी में आता है ये तो आपको करना ही पड़ेगा इसको पढ़ना पड़ेगा मेरी भी लिमिटेशन है मैं भाई चार घंटे में क्या करा लूंगा डेढ़ सौ दो सौ उनकी डिस्कशन हो जाएगी प्रीवियस ईयर में आए हुए बट पॉइंट इज़ वॉट वो डेफिनेटली सेलेक्टेड होंगे फिल्टर्ड होंगे साथ साथ आप पढ़ते हैं तो और दिमाग में जाता है अपने पढ़ने के मुकाबले बट इसका काम यही है कि ईडियम्स फ्रेज फ्रेजल वर्ब को रोज़ कट की जिम्मेदारी मान लो कि रोज़ मुझे दस पंद्रह बीस ऐसे करते रहने हैं शेप्स दैट आर इंपॉसिबल टू मेक ऑफ मशीनिंग कैन बी प्रिंटेड क्या दिक्कत है यहां पे वॉट इज द प्रॉब्लम एरर बताया करो एबीसीडी के बर्ड के बजाय डीप जोन ओनली लाइव सेशन होते हैं क्या यस डीप जोन बिल्कुल लाइव सेशन होते हैं ये नो एरर मेक ऑफ मशीन में प्रॉब्लम है नो no एरर भी ऑप्शन है क्या अच्छा टू के बाद मेक्स कौन लगा रहा है सीक्रेट मिशन नाम तो भैया सीक्रेट मिशन रखा है तुमने चरण कहा है तुम्हारे टू के बाद कहा पढ़ा था कि वर्ब में सीएस लगता है, है? ग्रामेरियंस बेचारे अपनी कबर में तडप घोर कलयुग लग रहा है आ ही गया टू के बाद मेक्स, जो मतलब इच्छा में आए जवाब किसी का सही नहीं है कुछ लोगों ने अंदाजा सही लगाया है ये देखो मेक बाई मशीनिंग है ये पूरे सेंटेंस को समझो सेंटेंस का सब्जेक्ट है शेप्स ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब हो गया कैन बी प्रिंटेड यानी शेप्स कैन बी प्रिंटेड अब कौन से शेप्स को प्रिंट किया जा सकता है जैसे आज के समय में हम थ्री प्रिंटिंग की बात करते हैं ना वो घर भर बना देते हैं थ्री प्रिंटिंग प्रिंटिंग के जरिए तो थ्री प्रिंटिंग का मतलब कि वो चीज एग्जिस्ट करने लग जाएगी तो यहाँ पे ये लिखा है और ये पूरा का पूरा जो क्लॉज है ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एडजेक्टिव क्लॉज है ये एडजेक्टिव क्लॉज है जो उन शेप्स को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो शेप्स जो कि मशीनिंग के द्वारा बनाना इम्पॉसिबल है मशीनिंग एक प्रक्रिया है ना बाई मशीन की भाई मशीन के, के जरिए तुम कोई शेप कोई डिज़ाइन निकाल के बना रहे हो तो जिन चीज़ों को मशीनिंग के जरिए बनाना इम्पॉसिबल है उनको हम प्रिंट कर सकते हैं तो वही थ्री डी प्रिंटिंग वाली बात हो गई तो इसीलिए दरख्वास्त करता हूँ कि पूरे सेंटेंस को देखने समझने की ताकत बढ़ाओ रटोगे रूल तो सिर्फ तुक्का मारोगे ये है यहाँ पे ये कर दो वो तुक्का सेट भी बैठ सकता है भाई पूरा नंबर लेके आना है ग्रामर तो कहीं गुंजाइश होनी नहीं चाहिए मतलब कुछ बेवकूफ़ी में जल्दबाजी में गलती कर दो वो एक अलग केस है अदरवाइज तो ग्रामर में पूरा नंबर लेके आना चाहिए आपको कोई भी एग्जाम लिखे तो बिल्कुल लॉजिकल होता है तो ठीक है कहाँ गया भैया मेक ऑफ मशीनिंग कहाँ लिखा है इधर लिखा है इसमें था मेक बाई मशीनिंग हो जाएगा आगे बढ़ो द ग्राइफ इंडोर स्ट्रूट बैक अप टू नन ऑफ देम टेकिंग इट है लॉन्ग डे बताओ साहिल शालिनी हैज लगा दिया इन्होंने तो वो तो आपको समझ आ रहा है कि भाई इट के साथ हैव नहीं जाएगा बट थोड़ा सा और सोचो हैव लगेगा क्या सॉरी हैज लगेगा कि हैड लगेगा अगर आप च्वाइस दूं सोचने का तो हैड लगेगा क्योंकि तो यहाँ पे ट्रूब्ड बैक की बात हो रही है ना पास्ट में जा रहा है मामला तो द ग्राइफ इंडोरस ट्रूब्ड बैक अप टू द दिल नन ऑफ देम टॉकिंग इट हैड बीन एन लॉन्ग डे एक और लंबा दिन था रहा तो यहाँ पे डेफिनेटली एरर तो इसमें है ही है इट के साथ है नहीं लगेगा बट हैज भी नहीं हैड जो है वो अप्रोप्रिएट है आगे बढ़ो आवर पैसेज अक्रॉस द अरेबियन सी वॉज स्मूथ एज द मोस्ट टिमिड ऑफ नेविगेटर्स कुड डिजायर बहुत अच्छे मिस्टर बहुत बढ़िया सबसे पहले जवाब आया हाँ जी तो आपको पता है एज स्मूथ एज होगा यहाँ पे ठीक है एज और एज के जरिए डेफिनेटली आप सिमिलरिटी शो करते हैं एडजेक्टिव में आप पढ़ते हैं और खास तौर से यहाँ पे हम उन एडजेक्टिव्स को ही लगा सकते हैं जो कि ग्रेडेबल हों ग्रेडेबल का मतलब जिनका कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव होता है इनके साथ कभी भी ऐसे एडजेक्टिव नहीं लगते जो नॉन ग्रेडेबल हो इस बार सीजियल में भी क्वेश्चन आया था जिसपे विवाद भी हुआ था नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव कौन है नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव कौन है सर जी जो फाउंडेशन बैच है आपका इसमें थियोरी आप पढ़ाएंगे या ओनली प्रैक्टिस भैया फाउंडेशन बैच में पूरा पढ़ते हो करियर वे लैब पे जो बैच आता है ना अभी भी बैच आया हुआ है इंग्लिश स्पेशल नाइनटीन है जिन लोगों की भी ग्रामर हिली हुई है उस बैच में एनरोल कर लीजिए अगर ढंग से आपको पढ़ना है तो उस बैच में आप पूरा सब्जेक्ट पहले वो टॉपिक समझते हैं रूल नहीं पढ़ते मेरे साथ पहले समझते हो ना नाउन क्या होता है सारे उसके टाइप्स सारा ज्ञान उसके बाद फिर हम कॉन्सेप्ट पे आते हैं जहां पे आपके सो कॉल्ड रूल्स की चर्चा होती है लेकिन मैं कॉन्सेप्ट इसीलिए बोलता हूं क्योंकि वो लॉजिक के साथ आप सीख रहे हो तो वो सुपरफिशियल नहीं है तो इस तरह से जब आप कमांड करोगे तब आपको भी क्लैरिटी इतनी मिलेगी तो इंग्लिश स्पेशल नाइनटीन बैच उसमें एडमिशन ऑन है वो नया बैच है मेरा आप उसमें एनरोल कर सकते हैं अगर ढंग से ग्रामर वो कैब कॉम्प्रिहेंशन सब पढ़ना क्योंकि वो कंप्लीट बैच है यहां तो हम प्रैक्टिस ही कर रहे हैं और प्रैक्टिस के साथ जहां जहां जो गुंजाइश हो आपको बता दे रहा हूं तो मैं क्या बताने लग रहा था कि ये सिर्फ ग्रेडेबल एडजेक्टिव के साथ लग सकता है अब जैसे आपके पास है कौन सा एक्सेलेंट है या लेट्स यूनिक है परफेक्ट है तो इनके साथ आप कभी ना एज़ परफेक्ट एज कहीं लिखा है तो वो गलत है एज़ यूनिक एज कहीं लिखा है तो वो गलत है वो नहीं लिख सकते आप क्यों नहीं लिख सकते क्योंकि भैया यूनिक का मतलब ही होता है वन ऑफ इट्स काइंड ऐप जैसा कोई नहीं तो उसको किसी के बराबर तो दिखा ही नहीं सकते ना आप परफेक्ट परफेक्शन इज गॉड्स बिजनेस कोई इंसान को परफेक्ट बोल दो फिर कहो ही इज एज़ परफेक्ट एज माई ब्रदर तो ये बिल्कुल गलत है तो अगर ऐसा कभी मिले तो उसमें भी एरर होगा जो भी आपके नॉन इसीलिए इनको नॉन ग्रेडेबल कहा जा सकता कहा जाता है क्योंकि ये हाइएस्ट डिग्री के हैं इनको कोई ग्रेड नहीं दोगे कि थोड़ा ज़्यादा है ये सबसे ज़्यादा है तो कभी भी नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव के साथ एज एज नहीं लगेगा अगर कभी लगता है तो वो एरर है ये आपके लिए एक्स्ट्रा लर्निंग है ध्यान रखिए कहाँ थे यहाँ पे हाँ एज स्मूथ सी करेक्ट ऑप्शन है अगला चलो When I have arrived at the theater, the show had already started. वही टिपिकल और टेंस का कॉन्सेप्ट मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी क्या दिक्कत है When आई arrived एट द थिएटर जब मैं थिएटर पहुंचा सो ऑलरेडी शुरू हो चुका था तो जो एक्शन पहले हो चुका था वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा परफेक्ट का मतलब ही पूरा हो गया उसको लेकर के आप बिल्कुल श्योर हैं लेकिन आप थिएटर कब पहुंचे इसके बारे में पता नहीं पास्ट इंडेफिनेट तो एरर यहाँ पे है

पूजा साहिल शाहनी बहुत अच्छे वही जो अभी हमने किया था कि जो कंपैरेटिव है उसके पहले मोर नहीं लगेगा और जो सुपरलेटिव उसके पहले मोस्ट नहीं लगेगा ये रिडेंडेंसी का एरर है सुपर एक्सप्रेशन का एरर है तो कहाँ थे आप यहाँ पे थे सी करेक्ट ऑप्शन है नेक्स्ट प्रोफेसर मुरलीज आई ब्राउज रोज अ लिटिल हायर एंड हिज गेज बिकेम डिस्टिंक्टली कोल्डेस्ट क्या पे क्या दिक्कत है बहुत बढ़िया मिस्टर नाम क्या भाई मिस्टर आपका सही जवाब और किसी का जवाब अभी तक सही नहीं है पूजा का भी सही है देखो जब भी आप एडवर्ब लगाते हो ना तो उस समय टिपिकली एडजेक्टिव अपने पॉजिटिव डिग्री में होती है तो डिस्टिंकली कोल्ड कोल्ड यहां पे जो है दैट इज एडजेक्टिव और डिस्टिंक्टली डेफिनेटली क्या है एडवर्ब है तो जब भी आप एडवर्ब लगाओगे ना तो टिपिकली जो आपका एडजेक्टिव होता है वो किस में होता है वो पॉजिटिव डिग्री में होता है और लिटिल हायर में कोई दिक्कत नहीं है कि जब प्रोफेसर मुरली ने अपने आईब्रोज को थोड़ा ऊपर उठाया हां? को एंड हिज गेज बिकेम डिस्टिंक्टली कोल्ड और फिर बिल्कुल कोल्ड निगाहों से देख रहे हैं नेक्स्ट विदाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट अर्थ टेम्परेचर कुड बी फ्रीजिंग नजर आ गया होगा अर्थ टेम्परेचर अपॉस्ट्रफी लगना चाहिए My रिसर्च फोकस ऑन मरीन मैमल बिहेवियर इकोलॉजी एंड कॉन्जर्वेशन दो तीन मिनट और आपका साथ चाहिए तो माई रिसर्च फोकसेज ऑन आया ना रिसर्च सिंगुलर है वो अब लगेगा फोकस एज ऑन नेक्स्ट अर्ली ड्यूरिंग डिसंबर 2021 लाल वाज अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी टू द लोकपाल ड्यूरिंग लगा सकते हो यहां पे ड्यूरिंग दिवाली हॉलीडेज इन डिसंबर 2021 ठीक है तो ड्यूरिंग यहां पे गलत है बी करेक्ट ऑप्शन है नेक्स्ट In seventy nine AD, the Mount Vesuvius blew its top, burying the ancient cities of Pompeii and Herculaneum. Kadikatasme Nazarare. तुक्का तो नहीं मार रहे ना इट्स टॉप बी वाले लोग भैया इट्स टॉप का मतलब इसका टॉप अब ये आपका माउंट है तो डेफिनेटली यहाँ पे बेरिंग द एनशियन सिटी का मतलब ये ज्वालामुखी रहा होगा ज्वालामुखी ने अपना टॉप को ब्लू कर दिया होगा और उसमें से लावा निकल करके पूरे शहर को तबाह कर दिया शहर को ख़त्म कर दिया बेरी कर दिया अपने नीचे दफन कर दिया तो इट्स जो है वो बिल्कुल ठीक है ही बिहेव सो अग्रेसिव इन हिज न्यू होम दैट ही इज रीहाउस्ड विद एन ओल्ड कपल अभी देखो ये आपको वही प्रोनाउंसिएशन सिखा रहा था कि हाउस जब नाउन होता है तो हाउस बोलते हो जब वर्ब होता है तो वो हाउस हो जाता है रीहाउस्ड यहाँ पे वही वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है कि ही बिहेव सो aggressively. अग्रेसिव जो है वो एडजेक्टिव है एडव हो जाएगा अग्रेसिवली सो यहाँ पे एडवर्ब डिग्री है और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है आप जानते हैं सो so, और दैट की जोड़ी बनती है इसमें भी वो खेलते हैं कल देखेंगे कोई और क्वेश्चन मिलेगा तो इस पर चर्चा कर लेंगे हम और सो कहांग सो ही है इतना पढ़ते ही समझ आ रहा है आगे जाओगे नहीं ही हैजेंटेड जियोलॉजिकल फीचर्स एंड कलर्स ऑफ द स्टोन ऑफ द साइट तो कहाँ पे दिक्कत थी इसमें थी क्या रहा स्कोर कार्ड वन ट्वेंटी क्वेश्चन मतलब आज तो थर्टी क्वेश्चन ही किए हमने ठीक <coughs> है सो चलिए दैट सॉल्व फॉर टूडे सेशन थैंक यू वेरी मच फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन लेट्स और सुबह आठ बजे जुड़ना बिल्कुल मतलब भूलिएगा आठ बजे द हिंदी ऑडिटोरियल करते हैं पढ़ते हैं समझते हैं और उस पर पंद्रह क्वेश्चन होते हैं उसी आर्टिकल के ऊपर जो ग्रामर वो और कॉम्प्रिहेंशन तीनों एरियाज़ के ऊपर बेस्ड होते हैं अब वहाँ से स्पीकिंग ट्री हट चुका है तो आपको पूरा समय नहीं लगता आज भी हमने करीब करीब पैंतालीस मिनट में ख़त्म कर लिया था और सैटरडे भी मैं अब एडिटोरियल रखूंगा और वो दिन होगा स्पीकिंग ट्री के लिए तो सुबह आठ बजे विदाउट फेल जुड़ जाइए रोज़ आप मतलब जो आपको नोटिफिकेशन आता है ना उसका इंतजार मत किया करिए तो वो सेशन लगातार चलेगा द हिंदू तो लगातार चलेगा प्रैक्टिस में रुकावट हो सकती है क्योंकि इतने सारे क्लासेस हैं तो हो सकता है कि भाई ग्रामर के बाद हम रुक जाएं थोड़ा फिर एक हफ्ते बाद प्रैक्टिस हो बट जो आपका एडिटोरियल है वो नॉन स्टॉप चलेगा आठ बजे तो उसको मिस मत करिए थैंक यू वेरी गुड इवनिंग एवरी वन मैं सतेंद्र तिवारी आप सभी का करता हूँ स्वागत सॉरी फॉर द डिले टीम की तरफ से की आने में थोड़ा लेट हो गया वेरी गुड इवनिंग एवरी वन मैं बिल्कुल हाजिर हूँ आपकी सेवा में आदित्य उमाकांत अनिश शालिनी एस पी दुबे अजीत पांडा गुड इवनिंग एवरी वन उमाकांत मिश्रा विच लैंग्वेज यू आर राइटिंग ओवर हियर गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरी वन रमन सभी को नमस्कार स्वागत वेलकम तो आ जाइए कल हमने क्वेश्चन नंबर 120 तक डिस्कशन कर लिया था उसके आगे डिस्कशन की शुरुआत करते हैं दिस इज उडिया ओके यू आर फ्रॉम उड़ीसा व्हाट हैव यू रिटर्न दिस इज गुड इवनिंग गुड इवनिंग को ही उड़िया में लिखा है आपने गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग आकाश शिल्पी कैसे हैं आप सब कैसा रहा यह सेशन पूरा पिछले चार दिन का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका इस इन तरह के सेशंस को कंटिन्यू किया जाए आगे आज बात भी कर लेना वीकेंड है गुड इवनिंग लवली अजीत चिंटू अमित विशाल अनीश शालिनी वेरी नाइस ठीक है जी तो आइए शुरू करते हैं <coughs> तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आई होप दैट विल वी विल अराइव एट द आइडियल ट्रेड ऑफ सून अच्छा कल मैं जाते जाते देख रहा था एक सज्जन हमारे कोई वो कह रहे थे किसी और मैडम को कि अरे सर आपकी बात का जवाब देते हैं आप ही पूछिए भाई ऐसा कुछ नहीं होता अब कौन भाई थे वो कल मैं कमेंट में जब क्लास ऑफ हो गई तब देख रहा था वो बेचारे पता नहीं कुछ पूछ रहे थे शायद तो वो किसी मैडम का नाम लिख रहे थे भाई जब मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ तब मेरा ध्यान कमेंट पे नहीं होता तब कैमरे पे होता है बिकॉज मुझे अपने जो थॉट्स हैं जो आपको पहुँचाना है क्वेश्चन के साथ संबंधित ज्ञान उधर ध्यान होता है तो मेरा कमेंट पे उस समय ध्यान जाता नहीं जब मैं कॉमेंट देखता हूँ तो जिसका नाम आता है वो नाम ले लेता हूँ ऐसा थोड़ी किसी के साथ कोई विशेष संबंध है मेरा आप सबको मैं बस यूट्यूब के जरिए ही जानता हूँ और सफल होंगे तो डेफिनेटली फिर पास में आके मिलेंगे हम ठीक है चलो सो आइए पहला से क्वेश्चन आपके सामने है आई होप दैट वी विल अराइव एट द आइडियल ट्रेड ऑफ सून कोई एरर नजर आ रहा है क्या यहां पे? तो कोई एरर यहां पे नहीं है आई होप दैट मैं उम्मीद करता हूं कि हम जरूर एक आइडियल ट्रेड ऑफ पे जल्द पहुंचेंगे यानी हमारी डील जो है वो फाइनल होगी चलो ही हैड टू रेवल अगेंस्ट हिस्स फादर टू बिकेम अ म्यूजिशियन पढ़ते ही आपकी जबान फंसेगी ढंग से पढ़े आप टू के बाद बिकेम बिल्कुल नहीं लग सकता क्या लगना चाहिए बिकम यह है इन्फिनेटिव टू प्लस वी वन टू प्लस वी वन का पैसे वाइस फॉर्म क्या होता है जब इसको पैसे वाइस में आप लिखते हो इन्फेनेटिव को तो टू बी प्लस वी थ्री हो जाता है रेबेल जो शब्द है यहां पे ये रेबेल अपने आप में रूट वर्ड भी है रेबेलियन ये कब से शुरू हुआ शुरू है भाई एक वर्ड आता है आपके लिए कौन सा देखो बेल वर्ड है एक्चुअली बेल और इसका मतलब होता है वॉर लाइक -like, युद्ध जैसा तो यहीं से शब्द आपके पास आता है बेलिजरेंट 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 हम उस इंसान को बोलते हैं जो बहुत ही खड़ूस और हमेशा लड़ने के लिए तैयार हो राइट right? यहीं से फिर रेबेल rebel, रेबेलियन ये सारे शब्द आते हैं और फिर यहीं से एक शब्द और आता है दैट इज एंटेबेलम एंड पोस्ट जो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं एंटे का मतलब होता है बिफोर और पोस्ट का मतलब होता है बाद में तो अगर हम एंटेबेलम की बात करें यानी युद्ध से पहले और पोस्ट बेलम का मतलब होता है युद्ध के बाद ठीक है यहीं से बेलिकोज शब्द भी आता है बेलिकोज तो को ध्यान में रखने के लिए ना एक जो है वो वीरु बुद्धे का है वायरस ऑफ थ्री इडियट्स आपने देखा होगा तो ही वॉज हैविंग अ बिग बेली एंड ही वॉज ऑलवेज रेडी टू फाइट हमेशा लड़ने के लिए तैयार होते थे ये है थर्ड वर्ल्ड वॉर तो ऐसे खड़ूस आदमी को जो मतलब लड़ने के लिए हमेशा तैयार है इसको अगर मैं और अच्छे तरीके से लिख दूं तो इसका मतलब होता है अग्रेसिवली हॉस्टाइल जो इंसान अग्रेसिवली हॉस्टाइल हो मतलब हॉस्टाइल का मतलब ही उसके अंदर दुश्मनी का भाव है हॉस्टिलिटी का भाव है और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दुश्मनी को जज्ब करके रखते हैं ये इंसान बिल्कुल अग्रेसिवली दिखाएगा भी तो उसको बोलते हैं बेलिजरेंट चले बिफोर जेनी कुड स्टॉप हिम डैनियल बाउंडिंग ऑफ द बेड सीज्ड जेरीज डेस्कलैम्प एंड स्टार्टेड बीटिंग हिम सेल्फ

गुड इवनिंग सजाउद्दीन जाउद्दीन जी नो एरर बाउंडेड देखो ये अगेन अगर आप मेरे स्टूडेंट रहे हैं और मेरे साथ ग्रामर आपने पढ़ी है तो जब हम एडवर्ब पढ़ते हैं तो वहां पे मैं मिसप्लेस्ड मॉडिफायर कराता हूं और मिसप्लेस्ड मॉडिफायर में जनरली एसएससी के जो एग्जाम्स हैं वो अभी तक लिमिटेड रहे हैं मिसप्लेस्ड वर्ड के साथ मिसप्लेस्ड वर्ड का क्या मतलब नाम से ही पता लग रहा है यानी एडवर्ब का शब्द लगना कहीं और चाहिए लगा कहीं और दिया लेकिन वहां पे मिसप्लेस्ड फ्रेजेस भी मैं आपको कराता हूं और मिसप्लेस्ड क्लॉजेस भी कराता हूं और ये जब करियर विल पे पहला बैच मेरा अक्टूबर 2018 में जब करियर विल की शुरुआत हुई थी तब भी कराया था उस बैच में भी कराया था क्योंकि ये चीज़ें मैनेजमेंट एग्जाम्स में या उस लेवल के क्वेश्चन जहां थोड़ा सा हाई लेवल ग्रामर पूछी जाती है वहां पर कराया जाता है तो मैं वो जरूर वहां पे आपको कराता रहा हूं और वही कॉन्सेप्ट यहां पे इस्तेमाल हो रहा है यहां पे अगर वैसे दिक्कत देखोगे तो सिर्फ एक कॉमा की है राइट right? ये बाउंडिंग ऑफ जो लिखा है ना ये यही करेक्ट ऑप्शन है और इसमें दिक्कत एक कॉमा की है ये बाउंडिंग ऑफ द बेड एक्चुअली क्या है ये डैनियल के लिए इस्तेमाल हो रहा है और डैनियल के लिए डैनियल को ये डिस्क्राइब कर रहा है तो ये डैनियल को डिस्क्राइब कर रहा है तो दो कॉमा के बीच में होना चाहिए मैंने आपको कितनी बार बोला एडिटोरियल में भी बार बार आपको इसी बात की याद दिलाता हूँ और एहसास कराता हूँ कि देखो भाई जो सब्जेक्ट दिया है उसके बाद कॉमा लगा करके उस सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा बात कही जाती है वो उस सब्जेक्ट को ही डिस्क्राइब कर रहा होता तो यहां पे और कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन बाउंडिंग वैसे लिखोगे तो वो गलत लगेगा बिकॉज आपको लगेगा यार डैनियल के बाद बाउंडिंग कहां से आ गया अब जैसे आप लोगों ने बाउंडेड लिखा है तो बाउंडेड आपने क्यों लिखा है जिन लोगों ने लिखा, लिखा उन्होंने देखा कि अच्छा कुड स्टॉप आगे सीज्ड लिखा है स्टार्टेड लिखा है तो इसीलिए बाउंडेड कर दो ये लॉजिक आपने लगाया बट एक्चुअली बाउंडिंग ऑफ द बेड ये डैनियल के स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए ये मॉडिफायर है एक बार क्विकली मैं थोड़ा सा आपको मिसप्लेस्ड मॉडिफायर का एग्जांपल दे देता हूं देखो जो अभी मैं कह रहा था कि मिसप्लेस्ड मॉडिफायर में वर्ड भी हो सकता है फ्रेज भी हो सकता है और क्लॉज भी हो सकता है अब अगर मैं यहां पे सेंटेंस लिखता हूं आप बताना पे एरर है शी जस्ट वॉन्ट्स टू अटेंड वन सेशन My friend screamed at the park at me. She kept the medicine in the medicine cabinet that was prescribed to her by her doctor. अब देखो ये तीन सेंटेंसेस हैं और तीनों में मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स हैं बट पहले में ये जो एग्जाम्पल है आपका फर्स्ट वन ये मिसप्लेस्ड वर्ड का है यहाँ एक शब्द की प्लेसमेंट गलत है जो दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा है यहाँ पे मिसप्लेस्ड फ्रेज की प्रॉब्लम है फ्रेज गलत जगह पे लगा हुआ है और ये जो लास्ट सेंटेंस दिया है यहां मिसप्लेस्ड क्लॉज की बात है तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब मैं थोड़ा सा हर एक चैप्टर के अंदर इसीलिए पूरी डिटेलिंग में जाते हैं क्लास के अंदर भी मैं सिर्फ वर्ड तक आपको सीमित नहीं रखता था तो अब आपको ये दिख रहा है कि एस एस के पेपर में भी मिसप्लेस्ड फ्रेज आ रहे हैं इसीलिए हर एक चैप्टर जो है उसको डिटेल्ड मैनर में पढ़ो सतही तौर पर मत पढ़ो आप अब देख लो फटाफट -फड़ कौन सा वर्ड यहाँ पे गड़बड़ है और उसको कहाँ लगाया जाना चाहिए ये जो जस्ट लगा हुआ है ये कहाँ लगेगा टू अटेंड जस्ट वन सेशन जस्ट की जो प्लेसमेंट है वो गलत है मिसप्लेसड है वो वन के पहले लगेगा बिकॉजिंग वन शी वॉन्ट्स टू अटेंड जस्ट वन सेशन करना है उसको अलाउ कर दो जस्ट तो वन के लिए लगा हुआ है के लिए नहीं लगा हुआ. यहां पर देखो क्या फ्रेंड पार्क के ऊपर चिल्लाएगा भाई कोई चिल्लाएगा तो किसी इंसान पर चिल्लाएगा ना पार्क पर थोड़ी तो चिल्लाएगा तो इसका मतलब पार्क लिखा हुआ है इसकी प्लेसमेंट गलत है माई फ्रेंड स्क्रीमड एट मी ये एट द पार्क आप लास्ट में लेके जा सकते हो माई फ्रेंड स्क्रीम्ड एट मी एट द पार्क एट द पार्क यहाँ पे क्या है एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस है यानी ये घटना कहाँ घटी उसकी बात कर रहा है ठीक है तो इसको बिल्कुल लास्ट में लेके आ सकते हो या आप स्टार्टिंग में भी लगा सकते हो क्योंकि जो हमारे एडवर्बियल्स होते हैं एडवर्बियल फ्रेजेज ऑफ टाइम हो एडवर्बियल फ्रेज ऑफ आपका यू नो प्लेस हो रीजन हो ये सेंटेंस के शुरू में भी आ सकते हैं और लास्ट में भी आ सकते हैं जैसे आप ये कहो कि ड्यू टू ट्रैफिक जैम कॉमा आई मिस्ड माय फ्लाइट यस्टरडे तो ड्यू टू ट्रैफिक जैम क्या है एडवर्बियल फ्रेज ऑफ रीजन है कॉमा लगा के उसके बाद सब्जेक्ट लग रहा है या आप ये भी कह सकते हो आई मिस्ड फ्लाइट यस्टरडे बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक जैम तो एडवर्बियल सेंटेंस के शुरू में भी लग सकते हैं लास्ट में भी लग सकते हैं तो उसी तरीके से ये एट द पार्क स्टार्टिंग में भी आ सकता है एट द पार्क कॉमा माई फ्रेंड स्क्रीम्ड एट मी और यहां पे क्या प्रॉब्लम है देखो कितना बेतुका सेंटेंस है ये कितना बेतुका सेंटेंस है शी केप्ट द द मेडिसिन मेडिसिन इन कैबिनेट दैट प्रिस्क्राइब टू हर हर डॉक्टर ये पूरा का पूरा आपका एडजेक्टिव क्लॉज है और इस एडजेक्टिव क्लॉज की जो प्लेसमेंट है ना वही गड़बड़ है क्योंकि ये किसके बाद लगा हुआ है ये मेडिसिन कैबिनेट के बाद लगा हुआ है भाई डॉक्टर साहब इंटीरियर डिजाइनर थोड़ी होते हैं घर का डेकोर बता रहे हैं कि तुम्हें मेडिसिन कैबिनेट ना इस ब्रांड का लगाना है डॉक्टर दवा प्रिस्क्राइब करता है मेडिसिन कैबिनेट नहीं प्रिस्क्राइब करता कि तुमको मेडिसिन घर पे जाके कौन से कैबिनेट में रखना है किस अलमिरा में रखना है किस डब्बे में रखना है तुम्हें तो जहां मर्जी वहां रखो तो इसका मतलब इस क्लॉज की प्लेसमेंट सही नहीं है सो सी केप्ट द मेडिसिन इस पूरे क्लॉज को उठा करके कहा लगाओगे मेडिसिन के बाद भैया ये रिलेटिव प्रोनाउन है दैट दैट रिलेटिव प्रोनाउन है जो क्लॉज लिख रहे हो वो रिलेटिव क्लॉज है और इसका एंटीसीडेंट है मेडिसिन कि उसने मेडिसिन रखी जो मेडिसिन उसको उसके डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब की गई थी कहाँ रखी मेडिसिन कैबिनेट में शी केपट द मेडिसिन दैट वॉज प्रिस्क्राइब टू हर बाई हर डॉक्टर इन द मेडिसिन कैबिनेट दिस इज द स्ट्रक्चर तो ये हैं आपके मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स इसमें डेंगलिक मॉडिफायर भी होते हैं अब डेंगलिक मॉडिफायर का कोई क्वेश्चन आएगा तो बता दूंगा आपको उसमें एक्चुअली इनफिनेटिव जिरेन्ड और पार्टिसिपल का इस्तेमाल होता है डेंगल का मतलब होता है झूलता हुआ तो वहाँ मॉडिफायर झूलता हुआ है पता ही नहीं लगता किसको रेफर कर रहा है चलो इतना बहुत है इसके लिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया था बस वहाँ कॉमा लगाना था और कुछ नहीं था The radio data shows neither evidence for ongoing jet activity. क्या दिक्कत है? बहुत बढ़िया उमाकांत. Data is plural. You do know सारे U M वाले datum, data, agenda. एजेंडा अडेंडम अडेंडा ये मैथमेटिक्स इसकी ध्यान में रखनी है कि भाई कोरिजेंडम कोरिजेंडा यानी को आप रिप्लेस करते हो किससे बैक्टीरियम बैक्टीरिया ये सब खूब पूछे जाते हैं वो डेफिनेटली आपसे नहीं पूछेंगे वो सिंगलर प्यूरल में यही पूछते हैं जिनके थोड़े अजीब से हैं तो यू UM एम को बहुत सारे हैं मैं लिखने नहीं जा रहा बस आपको याद दिला रहा हूं यूएम UM को ए से रिप्लेस करके प्लूरल करते हो प्लूरल के साथ वर्ब में एस एस नहीं लग सकता और कोई दिक्कत है क्या यह शब्द सही लग रहा है आपको और देखो ये क्वेश्चन की फॉर्मेशन गलत करी है MTS ने बिकॉज यहां पे दो ऑप्शन का तो कोई ऑप्शन इन्होंने दिया नहीं है और दिक्कत दोनों में है डेटा के साथ शो आना चाहिए और नीदर एविडेंस लिखा है तो नीदर को तब लगाओगे जब उसके साथ की जोड़ी हो तो सिंपली नहीं के लिए तो हम नीदर लगाते नहीं और यह भी क्लैरिटी हमें रखनी है कि नीदर ईदर जब अकेले इस्तेमाल होते हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं या एडजेक्टिव होते हैं नीदर नॉर ईदर और कंजंक्शन होते हैं तो ये भी ध्यान में आपको रखना है तो खैर तो यहां पे नीदर एविडेंस का कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा नीदर एविडेंस फॉर ऑनगोइंग जेट एक्टिविटी तो क्या होना चाहिए यहां पर फेनोमिन एन ओ एन है शिल्पी अच्छा हाँ कल मेरे YouTube चैनल पे जो है वो आपको प्रीवियस ईयर के idioms जो है उनका स्टॉक मिलेगा लंबा सेशन करेंगे इंग्लिश एक्सपो विद सत्येंद्र तिवारी तो वहां जुड़ जाइएगा तो क्या होना चाहिए नो एविडेंस द रेडियो डेटा शो नो एविडेंस द रेडियो डेटा शो नो एविडेंस फॉर ऑनगोइंग जेट एक्टिविटी जोकर होता तो मैं सबको हंसा दिया होता uh, क्या होना चाहिए यहां पर आपको पता है हाइपोथेटिकल कंडीशनल है और हाइपोथेटिकल कंडीशनल में जो मर्जी सब्जेक्ट हो आप वर्ब क्या लगाते हैं वर लगाते हैं इफ आई वर अ क्लाउन और अगर मैं और करेक्ट सेंस में बात करूं तो यहां पे वुड हैव मेड नहीं आना चाहिए था वुड मेक आना चाहिए था क्योंकि हाइपोथेटिकल कंडीशनल के अंदर अगर आप वर लगा रहे हैं तो वहां टिपिकली वुड uh, मेक आएगा अगर वहीं पे इफ आई हैड बीन अ क्लाउन आई वुड हैव मेड तब आई वुड हैव के साथ जाओगे तो वही दिक्कत है कि uh, अब अब इन्होंने पेपर में तो डेफिनेटली इसी को एरर बोला होगा राइट सी इनका आंसर होना चाहिए टिपिकली और वो कई बार चल भी जाता है आई वुड अगर हम बिल्कुल प्योरिटेनिकल सेंस में बात करें तो स्ट्रक्चर बड़ा पर्टिकुलर है ये बिल्कुल वैसे ही है ना कि जैसे आप कहो कि एफ आई वॉर यू एफ आई वर यू आई वुड एक्सेप्ट दैट ऑफर और वहीं पे

सपोज आप कॉलेज में हैं और आपको आपके कॉलेज के फाइनल ईयर में हैं आप और आपको कोई जॉब ऑफर की गई आपने उस जॉब को एक्सेप्ट नहीं किया आप आकर के अपने मित्र को बता रहे हैं आपका मित्र कहता है यार अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो मैं जॉब ले लेता तो पहला वाला सेंटेंस हो जाएगा लेकिन अब आपको कॉलेज से निकले पाँच साल हो चुके हैं आपको उस समय कोई जॉब ऑफर की गई थी आपने एक्सेप्ट नहीं किया था और आज आकर के पाँच साल के बाद आप अपने दोस्त को बता रहे हैं तब बात वहाँ पर क्या होगी अब ये इमिडिएट पास्ट की बात नहीं कल की बात नहीं कि कल आपके कॉलेज में एक यू नो प्लेसमेंट ड्राइव चल रही थी और ऑफर किया गया था और आपने नहीं लिया अब बात आप पांच साल पुरानी बता रहे हैं अपने दोस्त को जब आपको इस बात का दुख है कि उस समय जो जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिली थी अगर आपने ले ली होती तो आपके लिए बेहतर होता तब आपका दोस्त क्या कहेगा कि इफ आई हैड बीन यू अगर मैं तुम्हारी जगह होता था आई वुड हैव एक्सेप्टेड दैट ऑफर तो मैं वो ऑफर ले लेता था तो वो एक तरह से पास्ट का हाइपोथेटिकल हो गया राइट right? तो वहां पर टेक्निकली हम वुड हैव के साथ जाते हैं बट अब देखो ये जो कंडीशनल के स्ट्रक्चर हैं अगेन स्पोकन इंग्लिश में तो काफ़ी लीवे आपको मिलता है ये बिल्कुल लगाते हैं लोग कोई दिक्कत ही नहीं होती तो अब हो सकता है एग्जामिनर ने यही सोचा हो बट ये तो बिल्कुल पक्की बात है कि जो मर्जी सब्जेक्ट होता है आप हमेशा क्या लगाते हैं वर लगाते हैं और यहाँ क्लाउन नाउन दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन अगर कोई प्रोनाउन होता तो वो प्रोनाउन भी सब्जेक्टिव केस में होता है आप इस बात को जानते हैं जैसे यहाँ पे यू जो लिखा गया यू तो वैसे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों ही यू होता है लेकिन अगर मान लो मुझे ही में चूज करना होता ही और हिम में तो मैं किसके साथ जाता इफ आई वर ही अगर मैं वह होता या उसकी जगह होता तो अगर प्रोनाउन आप यूज कर रहे हैं तो आफ्टर वर यू हैव टू गो विद द सब्जेक्टिव केस नेक्स्ट वन पीपल्स माइट कन्फिस यहीं पे आप रुक जाओगे तो पीपल्स नहीं होता पीपल्स होता है बट उसका केस है आपको पता है पीपल अपने आप में प्लूरल है दिस इज प्लूरल नाउन पीपल क्लर्जी जेंट्री पीजेंट्री और पीपल्स का इस्तेमाल हम कब करते हैं जब हम अलग अलग रेसेस की बात करते हैं जैसे पीपल्स ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज तो कॉमन वेल्थ कंट्रीज आर दोज कंट्रीज वेयर ब्रिटिशर्स हैव रूल्ड एंड इफ एनी वेयर कॉमनवेल्थ गेम्स आर बींग ऑर्गेनाइज कॉमन पीपल्स ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज सो इफ़ एनी वेयर कॉमनवेल्थ गेम्स आर बींग ऑर्गेनाइज तो वहाँ जितने भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज के खिलाड़ी हैं वो एक जगह पे ही खेल गांव में रुके हुए हैं तो जब आप अलग अलग रेसेस के लोगों को एक साथ रेफर करते हैं तब पीपल्स लगाते हैं इसका इस्तेमाल आपको तब भी देखने में आता है जब आ, दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं सपोज मोदी मोदी जी जो हैं वो किसी देश में गए और वहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो भी राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके साथ उनकी मीटिंग हुई तो अगर संयुक्त प्रेस वार्ता में बयान आता है तो दोनों देशों के लोगों को रेफर किया जाता है तो वो क्या वहाँ पर क्या कहा जाएगा पीपल्स ऑफ इंडिया एंड यूनाइटेड अरब एमिर नहीं आएगा लेकिन जब अलग अलग देशों की बात करोगे तो कहानी है तो डिफरेंट रेसेस के लिए नेशनैलिटीज के लिए हम पीपल्स लगाते हैं अदरवाइज पीपल्स नहीं लगता पीपल अपने आप में प्लूरल है यहां ऐसा कोई कॉन्टेक्ट नहीं है माइट मॉडल वर्क कन्फ्रेस वर्क की फर्स्ट फॉर्म इंट्रोगेशन रूम बाकी तो ठीक ही है She is considered one of the best young directors in Hollywood. What is the problem? Nazaragya, error. The best. She is considered one of the best young directors in Bollywood. Hollywood. many फीमेल mammals इंक्लूडिंग रैबिट्स एंड कैट्स ovulate only ओनली they mate मेट कोई दिक्कत परेशानी मेनी फीमेल्स फीमेल मैमल्स इंक्लूडिंग रैबिट्स एंड कैट्स अब देखो यहां पे इंक्लूडिंग कैट रैबिट्स एंड कैट्स दो कॉमा के बीच में दिया है मैमल्स प्लूरल है प्लूरल के साथ वर्ब की जाएगी फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे कोई एरर नहीं है अंडे देने वाले जीवों को एक शब्द में क्या कहते हैं वन वर्ड में कई बार आया हुआ है दैट इज ओ पैरस ये इसी ओ वी रूट वर्ड से आता है यहीं से ओवम ओवोलेशन ओबाइड ये सारे शब्द आते हैं तो ओ पैरस का मतलब अंडे देने वाले और वहीं पे जो बच्चे देने वाले हैं उनको क्या कहा जाता है दे आर कॉल्ड वी पैरस का मतलब लाइफ है तो जो बच्चे देने वाले जीव हैं मैमल्स हैं स्तन जीव हैं उनको हम बीबी पैरस कहते हैं और ओबी पैरस हो जाते हैं अंडे देने वाले पैर यहाँ पे रूट वर्ड है बर्थ के लिए एक्चुअली इसीलिए माओ को जब बच्चे के जन्म के बाद डिप्रेशन का बाउट आता है तो उसे क्या कहते हैं दैट इज कॉल्ड पोस्ट पैरटम डिप्रेशन पोस्ट पैरटम डिप्रेशन पोस्ट बाद में पैर बर्थ के बाद आफ्टर चाइल्ड बर्थ नेक्स्ट वन टू वन इंटरेक्शन विद पेरेंट्स इज नो टू बी important. पढ़ते ही आपकी जबान फंसेगी क्या होना चाहिए इज के साथ नो कैसे लगा सकते हो इज नोन टू बी इज नोन टू बी एलर्जीज कैन indirect cause कॉज यू टू फील टायर्ड robbing रॉबिंग यू ऑफ स्लीप allergies can indirectly cause you to feel tired by robbing you of sleep ठीक है नजर आ गया खुद ही सो कैन इनडायरेक्टली इनडायरेक्ट जो है वो आपका एडजेक्टिव है हमें यहां चाहिए एडवर्ब इनडायरेक्टली cause you to feel tired by robbing you of sleep का मतलब क्या कि तुम्हारी नींद छीन लेगा वो नींद ना आने की बीमारी को क्या कहते हैं मुझे नींद ना आए दैट इज इनसोम्निया एसो एम एन रूट वर्ड है सोने के लिए इन सोमनिया इन हो गया नेगेटिव सॉम का मतलब स्लीप सॉम्नोलॉजी सोमनोलॉजिस्ट सोमनोलेंट बोथ मैन एंड वेमेन कंसिडर अ वराइटी ऑफ कंसर्न वेन सेलेक्टिंग देयर आउटफिट बिल्कुल शॉलिनी सॉम्नी लॉक्वेस्ट है एन आई और नींद में चलने वाला सामनमस्ट कई बार स्पेलिंग में गलतियां कर देते हैं तो बिल्कुल ध्यान में रखिए ए एम बी एल एम्बुल करने का मतलब चलना होता है सामन हो गया सोना तो का मतलब नींद में चलने वाला यहीं से एम्बुलेंस आता है एम्बुलेट आता है पैराम्बुलटर आता है सारे शब्द तो बोथ मेन एंड वेमेन में मैन एंड शालिनी आ, काजल को नजर आ गया है कुमार जी को नजर आ गया उमा कान जी कह रहे नो एरर <laughs> अरे भाई देयर आउटफिट्स लिखा हुआ टी एच ई ई आर नजर नहीं आता है, स्पेलिंग सुबह एडिटोरियल में भी हम इस तरह के क्वेश्चंस कर रहे हैं ध्यान रखिए है। इसीलिए मैं दे रहा हूँ उस तरह के क्वेश्चन आपको एडिटोरियल में भी ये देते हैं वो दैन, दैन देयर देयर ये खूब मिलता है आंखें खोल के देखो मेन एंड वेमेन दोनों की बात हो रही है तो उनके आउटफिट्स होगा ना तो कहां गया टीएच आ रही देर इट वुड बी रियली कूल इफ यू गॉट ऑन द टीम आई हैव नेवर सीन यू प्लेड बैडमिंटन आर यू गुड अच्छे से देखना है उमाकांत वही तो भाई गलती हो जाती है फिर हम कहते हैं सर सिली मिस्टेक हो गई

तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज और लोग क्या बयान देते हैं तब तो वो ये कहते हैं मीडिया hmm. वाइट में वी कांट सी दिस हैपन हम ऐसा होता हुआ नहीं देख सकते तो सी के बाद जो अगला वर्ब लग रहा वो है वो बेयर इन्फेनेटिव है राइट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और विदाउट टू होगी तो यहां पे प्लेड जो है वो गलत है आई बैडमिंटन या प्लेइंग भी कर सकते हो वो पार्टिसिपियल हो जाएगा बैडमिंटन खेलते हुए even if uh, evidence was re uh, relevant to the case it could not be used to determine the reprobate बहुत प्यारा शब्द है reprobate क्या मतलब होता है reprobate का रेप्रोबेट जो है आपका ना ये शब्द नाउन भी होता है एडजेक्टिव भी होता है और वर्ब भी होता है नाउन एडजेक्टिव के तौर पे तो लगभग सेंस सिमिलर ही होता है जो इंसान मतलब बुरा हो रोग हो अनप्रिंसिपल्ड हो कोई दीनवान ना हो तो उसी को डिस्क्राइब करेगा ये और वर्ब के तौर पे इसका मतलब होता है टू क्रिटिसाइज समय तो, तो डेफिनेटली नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है तो एक बुरे आदमी को ही हम रेप्रोबेट कहते हैं तो यहां पे एविडेंस के साथ आप ए कैसे लगाओगे इफ इवन इफ एन एविडेंस वाज रेलेवेंट टू द केस और एन से भी ज्यादा बेहतर क्या होगा द होना चाहिए तो अ बिल्कुल नहीं होगा बिकॉज uh, यहां पे हम स्पेसिफाई कर रहे हैं ना एक केस की बात कर रहे हैं कि इवन इफ द एविडेंस वाज रेलेवेंट टू द केस जो एविडेंस हमें मिला है अगर वो इस केस से के साथ रेलेवेंट हो इट कुड नॉट बी यूज टू डिटरमिन द रेप्रोबेट ठीक है तो दिक्कत तो खैर यहीं पे थी और आपको सीधे सीधे एन दिखाई देगा बट एन से बेहतर भी क्या है द है क्लियर है एविडेंस प्लूरल है वंदना ये कहां से पता लगा एविडेंस अनकाउंटेबल होता है इन जनरल यहां तो एविडेंसेस भी नहीं लिखा हुआ तो कहां से प्लूरल कह रहे हो आप सम रियलिस्टिक एस्टिमेट विल बी न्यू आफ्टर एडवांस टैक्स कलेक्शन फिगर्स आर आउट विल बी न्यू लिखा हुआ है बी के बाद आप कभी वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा सकते हैं क्या नो न्यू नोन क्या होना चाहिए विल बी नोन आफ्टर एडवांस टैक्स कलेक्शन फिगर्स आर आउट योर सक्सेस वर शॉर्टलिव्ड एंड हैड डिजास्टरस आउटकम्स योर सक्सेस वॉर्टलिप्ट कल भी बात की थी ये लिख भी देता हूं गलती नहीं होनी चाहिए सक्सेस नाउन है एंड सक्सेसफुल जो है ये आपका एडजेक्टिव है और सक्सीड जो है ये वर्ब है एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल सिंगुलर द किड्स देयर वर सो नोटोरियस द मोर आई आस दम टू क्वाइट डाउन द मोर लाउड वहाँ बच्चे इतने ज्यादा शरारती थे नोटोरियस थे कुख्यात थे एकदम शातिर शैतान बच्चे कि मैं जितना ही भी उनसे जितना ही उनसे कहूँ कि भाई तुम थोड़े चुप हो जाओ वो उतना ही ज्यादा तेज चिल्लाते थे दिक्कत कहाँ पे है बहुत अच्छे उमाकांत वंदना शालिनी सब करेक्ट हैं उंड तो भाई लाउड का लाउडर लाउडेस्ट अवेलेबल है तो हम यहां पे मोर नहीं लगाएंगे लाउड क्या हो जाएगा लाउडर नेक्स्ट अनअडल्टरेटेड एंड अन अबेस्ट वर द टू वर्ड्स दैट द जज यूज टू डिफाइन हिज परफॉर्मेंस किसके साथ जाओगे समझ में आ गया दैट द जज यूज टू डिफाइन हिज परफॉर्मेंस अन यानी किसी तरह की मिलावट नहीं है अनस्ड है यानी किसी तरह की शर्म नहीं अन ये दो शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया तो अडल्ट्रेट में ये ध्यान रखना कौन कौन से शब्द आते हैं एक शब्द आता है अडल्ट्री अडल्ट्री क्या होता है अडल्ट्री है फिर अडल्टरेशन है और फिर आपके पास अडल्टुड है तो ये सारे के सारे शब्द जो हैं हमारे वो बाई डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है बट सबका सेंस अलग है ये वयस्कता है ये मिलावट है और ये है नाजायज संबंध अडल्ट्री इलिसिट रिलेशनशिप यूज बी करेक्ट हो गया नेक्स्ट द फेडरलिस्ट विश टू मेक द सेंट्रल गवर्नमेंट एज स्ट्रॉन्ग पॉसिबल यस वे वेरी गुड देखो जो एक पैटर्न का मोटा चेंज है तो दिख ही रहा है वो काफी टाइम से पहले क्वेश्चन आते थे तो बिल्कुल पहला टुकड़ा ए दूसरा टुकड़ा बी ऐसे होता था अब उसको वो आगे पीछे करके दे रहे हैं बहुत अलर्ट रह करके सिली मिस्टेक ना हो इसकी कोशिश करनी है एज स्ट्रांग एज पॉसिबल ठीक है एज स्ट्रांग एज पॉसिबल साफ साफ नजर आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कैन यू प्लीज हेल्प मी टू दिस प्रोजेक्ट क्या दिक्कत है क्या है नो एरर यहां पे टू की जगह पे क्या आना चाहिए विद आना चाहिए कैन यू हेल्प मी विद दिस प्रोजेक्ट ठीक है ये करेक्ट स्ट्रक्चर है कैन यू हेल्प मी विद प्रोजेक्ट ये कॉलोकेशन जाता है इसके साथ क्या आप इस प्रोजेक्ट में मेरी मदद कर सकते हैं उसके लिए ही बेल्टेड टू ह्यूज सिक्सर्स बट इलेवन टू गेट लास्ट टू डिलीवरीज वॉज अ बिग आस्क अब यहां में अगर आपसे पूछू आस्क शब्द की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है तो क्या बताओगे वॉट इज दाइल ओवर हिस्सा दिख रहा है ना नाउन तो क्योंकि पीछे लगा है एडजेक्टिव और एडजेक्टिव प्लस नाउन मिलकर बनता है नाउन फ्रेज और आर्टिकल का इस्तेमाल हम नाउन या नाउन फ्रेज के लिए करते हैं तो बट इलेवन टू गेट ऑफ द लास्ट टू ये ठीक है क्या लगना चाहिए यहां पे यानी लास्ट दो बॉल से ग्यारह रन निकालना जो है बिग आस्क यानी एक बड़ा काम था ये दो छक्के तो उसने मारे लेकिन लास्ट की दो बॉलों से ग्यारह रन निकालना एक बड़ी चीज थी तो गेट ऑफ तो नहीं है भाई क्या बताओ फिर गेट आउट ऑफ गेट आउट ऑफ द लास्ट टू डिलेवरीज़ इतनी क्रिकेट कॉमेंट्री सुनते हो अच्छा एक छोटी सी लर्निंग ये भी है याद होगा ना आपको भाई एडजेक्टिव में हमारे पास पहले आ जाता है ऑर्डिनल और फिर आता है कार्डिनल तो ये भी लर्निंग है यहाँ पे उसका एरर यहाँ पे नहीं है बट मिल जाता है कई बार टू लास्ट करके दे देते हैं ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव को लेकर के ठीक है तो गेट आउट ऑफ द लास्ट टू डिलीवरीज ये जो है वो करेक्ट होना चाहिए लास्ट दो डिलीवरी से निकाल पाना हर हर एवेलुएशन विल गिव मी अ बेस्ट इंडिकेशन ऑफ वेयर आई स्टैंड इन द क्लास क्या होना चाहिए वेरी गुड भैया मिस्टर नाम क्या तुम्हारा इतने सारे बॉक्स बना रखे हैं सेवन बॉक्सेस हैं तो बेस्ट के पहले अ का इस्तेमाल गलत है गिव मी द बेस्ट इंडिकेशन ऑफ वेयर आई स्टैंड इन द क्लास ये वेर आई स्टैंड इन ये नाउन एडजेक्टिव या एडवर्बियल स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो स्पेसिफिक आंसर आना चाहिए यस वेरी गुड काजल शिल्पी

दुबे जी यही हुआ है एडवर्बियल आप वेयर की वजह से कर रहे हैं तो इसीलिए चीजों को रटिए मत इवन अगर आप मेरे बैच में इन हैं तो जब हम एडजेक्ट वो क्लॉज की आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो पहले तीन क्वेश्चन कैसे होते हैं पहले तीनों क्वेश्चन जो मैं क्लास में कराता हूं, वो तीनों वेन से शुरू होते हैं लेकिन एक उसमें नाउन क्लॉज होता, होता है एक एडजेक्टिव होता है और एक एडवर्बियल होता है तो ये पहले तीन क्वेश्चन मैं ऐसे ही देता हूं क्योंकि अगर आप कुछ भी रट के बैठे हो कि वेन से शुरू होता है तो ये वाला क्लॉज होता है ये चीजें डेंजरस हैं बिल्कुल हल्के रहो दिमाग से कोई चीज रटो मत देखो वो काम क्या कर रहा है फिर वही बात बार बार दोहरा रहा हूं ग्रामर इज ऑल अबाउट वर्ड प्लेसमेंट एंड वर्ड सेलेक्शन वर्ड प्लेसमेंट की आपको समझ है और सही शब्द का आप चुनाव कर पाते हैं इसका मतलब आपको ग्रामर आती है पीरियड इसके आगे कोई डिबेट नहीं है और ये तभी आएगी जब सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को ढंग से समझा होगा आपने जहां ये रटने वाला ऐसा हो तो ये होता है वही दिक्कत है ठीक है चलिए, सो इट्स लॉजिकल रटने का काम मैं नहीं करता और न कराता हूं आपको और इसीलिए मैं तो बार बार इसीलिए क्वेश्चन ऐसे देता हूं जहां पे रटने वाला ज्ञान आपका बार बार लड़े और आपकी बुद्धि खुले क्योंकि तो रटा हुआ ज्ञान लिमिटेड रखेगा आपको कैन यू प्लीज पास मी दैट ग्लिटरी पेन ब्लैक अब ये तो कॉमन सेंस ही समझ आ रहा है भैया पेन जो है नाउन है ना तो ग्लिटरी और ब्लैक ये दोनों तो एडजेक्टिव हैं दैट uh, ग्लिटरी ब्लैक पेन तो पेन जो है वो बाद में आएगा नाउन है उसके पहले ये सारे के सारे एडजेक्टिव हो गए तो आंसर कहाँ पे है बी फॉर बैंगलोर दैट्स द करेक्ट ऑप्शन ठीक है ब्लैक पेन ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव और ऑर्डर ऑफ एडवर्ब ये भी दोनों ध्यान में रहने चाहिए ऑर्डर ऑफ एडवर्ब का फार्मूला क्या है डी एम पी एफ टी आर पहले डिग्री मैनर प्लेस फ्रीक्वेंसी टाइम रीजन और पर्पज वैसे जो एस एस सी का टिपिकल फार्मूला है वो तो एम पी टी रूल से उनका काम चल जाता है आपने भी पढ़ा होगा एम पी टी रूल एडवर्ब में पहले एडवर्ब ऑफ मैनर लगाओ फिर प्लेस लगाओ फिर टाइम लगाओ लेकिन अब जैसे जैसे सेंटेंस के थोड़े लेवल भी बेहतर करेंगे ही आने वाले दिनों में तो जो पूरा एडवांस कॉन्सेप्ट है वो डीएमपी एफ टी आर अगर लंबे सेंटेंस मिले तो नो मैटर हाउ माउंटेंस आर फॉर्मड दे इवेंचुअली बिकम्स टू हैवी एंड सकम टू ग्रेविटी नजर आ गया दे इवेंचुअली लिखा हुआ है दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाएगी दे इवेंचुअली बिकम टू हैवी एंड सकम टू ग्रेविटी सकम के साथ टू की जोड़ी बनती है इसका मतलब ग्रेविटी के आगे वो सरेंडर कर जाते हैं यानी वो पहाड़ खत्म हो जाते हैं तो वही कह रहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि माउंटेन्स बने कैसे हैं दे इवेंचुअली बिकम टू हैवी धीरे धीरे वो बहुत हैवी हो जाते हैं और फिर ग्रेविटी के शिकार हो जाते हैं ऐसी आपको न्यूज़ में पढ़ने को मिलता है ना सकम टू इंजरीज तो सकम टू इंजरीज का क्या मतलब होता है कि किसी का एक्सीडेंट हुआ उसमें वो इंजर्ड हुआ हॉस्पिटलाइज हुआ और फिर उसकी मौत हो गई तो इंजरी के आगे उसने सरेंडर कर दिया सकम टू इंजरीज अच्छा एरर कहाँ पे था बिकम्स कहाँ लिखा है हाँ इधर बिफोर ही कुड डिवोट मेनी मोर थॉट टू द मैटर प्रनव हैड स्टेप्ड अप टू हिम पढ़ते ही नजर आ रहा है बिल्कुल सकम टू टेम्पटेशन चुन्नू कुमार यानी जीभ जब जीब लप लपाई कुछ पसंद आ गया खाना मना था लेकिन फिर भी उस पर कंट्रोल नहीं कर पाए और लालच के आगे सरेंडर कर दिया वेरी गुड तो भाई मेनी मोर तो होगा नहीं थॉट एब्स्ट्रैक्ट चीज है मच मोर अनकाउंटेबल मेनी मोर यहां पे गलत है In humans, consumption of alcohol stimulate brain cells to release mood-altering dopamine. अभी पांच बजे वाले सेशन में अल्कोहल की प्रोनाउंसिएशन हमने सीखी है दिस इज alcohol. लॉकडाउन बैच के स्टूडेंट हैं आप अच्छा जी

तो आज हमने वहां पर डिस्क्रिमिनेटरी मैंने और डिस्क्रिमिनेटिंग का फर्क आपके साथ डिस्कस किया है यहां पर भी दो शब्द आते हैं एक आता है स्टिमुलस और दूसरा आता है स्टिमुलेंट क्या फर्क होता है दोनों में स्टिमुलस पैकेजेस होते हैं स्टिमुलेंट पैकेजेस नहीं होते तो कई बार सरकार स्टिमुलस पैकेजेस देती है बैंक को या किसी कंपनी को तो स्टिमुलस होता है जो आपके लिए इंसेंटिव का काम करे और स्टिमुलेंट उस तरह के ड्रिंक को आप कह सकते हैं जो आपके अंदर ऊर्जा का प्रवाह करे लाइक टी एंड कॉफी इज वॉट दैट इज स्टमेंट एनी वे तो कहां थे हम ये करेक्ट ऑप्शन है नेक्स्ट आई स्पेंड लॉट ऑफ माई टाइम एट वर्क हेल्पिंग माई कस्टमर्स फाइंड एन बेस्ट आउटफिट फाइंड द बेस्ट आउटफिट Producing a different component was as simple, such launching a new computer program. अब देखो ये अमेरिकन स्पेलिंग है ब्रिटिश में ये प्रोग्राम होता है और कहीं हमें लिखना हो तो पी आर ओ जी आर ए डबल एम ई ही लिखना चाहिए प्रोड्यूसिंग अ डिफरेंट कॉम्पोनेंट was as simple as launching a new computer program. Such launching कहां से हो जाएगा एज और एज की जोड़ी ठीक है अब यहां पे मैं आपसे पूछूं तो ये प्रोड्यूसिंग और लॉन्चिंग का ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है कॉम्पोनेंट कौन आंसर कर रहा था कॉम्पोनेंट कहाँ से हो जाएगा चुनो कुमार जी भैया अ लगा हुआ ना? A different component. Article a है ना अ डिफरेंट कॉम्पोनेंट आर्टिकल अ है सिंगुलर है तो ये दोनों के दोनों आपके जिरंड हैं ठीक है जिरंडियल एक्सप्रेशन हैं और इसीलिए यहाँ पे पैरल स्ट्रक्चर है इसी को हम पैरलिज्म कहते हैं कि जिसको आप एज एज के साथ कंपेयर कर रहे हो ये दोनों एक ही तरह के स्ट्रक्चर हैं तो प्रोड्यूसिंग अ डिफरेंट कॉम्पोनेट वॉज एज सिंपल एज लॉन्चिंग अ न्यू कंप्यूटर प्रोग्राम यानी एक डिफरेंट कॉम्पोनेंट को प्रोड्यूस करना उतना ही सिंपल है जितना कि एक नए कंप्यूटर प्रोग्राम को लॉन्च करना यहाँ एक्टिविटी है ये तो एरर था कहां था सच कहां लिखा है इसमें यहां लिखा है नेक्स्ट पीपल नीड टू मेड चेंजेस पढ़ते ही आपकी जबान रुकोगी पीपल नीड टू मेक चेंजेस इन एग्रीकल्चर एंड लैंड यूज इन अदर वर्ड्स मोस्ट ऑफ अस आर मेड बाय आवर एल्डर्स आर बाय आवर पियर्स But leaders are self directed. In other words, not another words. In other words. मोस्ट ऑफ एस आर मेड बाय आवर एल्डर्स तो बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है इसमें एरअ था नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इंडिया क्लेम टू बी अ वर्ल्ड लीडर इन फार्मास्यूटिकल्स आर हैविली कॉम्प्रोमाइज क्या दिक्कत है वेरी गुड इज है अब देखो वही बात की लंबा सा फ्रेज दे दिया ना यहाँ पे वर्ब से पहले ये पूरा का पूरा नाउन फ्रेज है अब इसमें आपको ये देखना है कि भाई कहां पे वो मेन शब्द है तो वो शब्द है क्लेम प्रिपिशन के पहले इंडिया क्लेम क्लेम सिंगुलर है उसके अकॉर्डिंग यहां क्या आ जाएगा इज आ जाएगा इज है कॉम्प्रोमाइज्ड राइट सो दैट सॉल्व फॉर टूडेज सेशन थैंक यू वेरी मच आप अपने सजेशन्स देते रहिएगा कमेंट सेक्शन में कि, कि किस टॉपिक के ऊपर आप फिर से प्रैक्टिस करना चाहते हैं बाकी के जो कल का जो सेशन है हमारा एडिटोरियल का वो मॉर्निंग में आठ बजे होगा उसको जो उससे जुड़ना मत भूलिएगा और कल का जो सेशन है हमारा वो स्पीकिंग ट्री के ऊपर आधारित होगा आज पाँच बजे भी एक स्पोकन का सेशन मैंने लिया है प्रोनाउंसिएशन के ऊपर फोकस किया है समझाया है कुछ उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा और और अच्छे तरीके से करना है तो स्पोकन की वी वाले बैच में इनरोल कर लीजिए बहुत सारी स्किल्स जो हैं वो धीरे धीरे आपकी इंप्रूव होंगी क्योंकि स्पीकिंग एक दिन में दो महीने में नहीं सुधरती उसमें मेहनत लगती है तो सही समय पे उन चीज़ों को सीखें उसको प्रैक्टिस में डालें और ओवरऑल लैंग्वेज पर कमांड लेके आएँ ठीक है सो दैट्स ऑल फॉर टू सेशन थैंक यू वेरी मच बाकी जो भी नेक्स्ट वीक का जो भी शेड्यूल होगा वो आपको इसी चैनल पे नज़र आएगा एडिटोरियल तो आठ बजे नॉन स्टॉप होगा प्रैक्टिस सेशन में बदलाव आ सकते हैं क्योंकि क्लासेस और भी होती हैं तो प्रैक्टिस सेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और दोनों के प्ले भी बन चुके हैं चैनल के ऊपर मेरे एडिटोरियल का भी और जो भी मेरे इंग्लिश के टॉपिक का प्रैक्टिस होगा उसका भी प्ले अवेलेबल है तो आपको आप उन दोनों से जुड़ जाइए और जो भी अपडेट होगी वो वहाँ पे आपको मिल जाएगी बाकी सोशल मीडिया पे मिली जाएगी टेलीग्राम चैनल यूट्यूब से भी कनेक्टेड हो जाइए मेरे ठीक है वो भी जो भी अपडेट होगी वहाँ मिल जाएगी थैंक यू वेरी मच